हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे वो है मेफ्टाल्सपास, जो कि ब्लू क्रॉस कंपनी ने बनाई है। तो मेफ्टाल्सपास किस काम में यूज़ आती है, कौन इसे ले सकता है, कौन उसे नहीं ले सकता, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो आइए चलो जानते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब मेफ्टाल्सपास की टैबलेट हो किस चीज़ में यूज़ होती है। मेफ्टाल्सपास की टैबलेट हमारे पेट दर्द में यूज़ होती है। अगर हमें गैस की वजह से कोई पेट में दर्द है या फिर हमें नॉर्मल मीठा मीठा पेट में दर्द हो रहा है, हम उसके लिए भी उसे यूज़ कर सकते हैं। जिन लेडीज़ को मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, हम उसके लिए भी पीरियड्स में हम टैबलेट दे सकते हैं उन्हें दर्द के लिए, लेकिन डॉक्टर के कंसल्ट के बाद। अब देख लेते हैं कि भाई कौन इसे नहीं खा सकता। जो एक प्रेग्नेंट वूमेन है वो इसे नहीं खा सकती, बाकी इसे सब खा सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इसके ये हैं कि अगर आपको टैबलेट लेने के बाद उल्टी जैसा मन हो या फिर आपको कब्ज रहने लगे, तो आप इस टैबलेट को वहाँ पे बंद कर सकते हैं। उसके बाद अगर जिस पीरियड्स में अगर आप इस टैबलेट को लेना चाहते हैं, तो दिन में सिर्फ एक गोली लेनी है आपको। उसके बाद अगर 9 साल से 14 साल के बच्चों तक ये गोली किसी को देनी है, तो आधी गोली सुबह आधी गोली शाम को देनी है, बाकी आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही दें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे वो है मेफ्टाल्सपास, जो कि ब्लू क्रॉस कंपनी ने बनाई है। तो मेफ्टाल्सपास किस काम में यूज़ आती है, कौन इसे ले सकता है, कौन उसे नहीं ले सकता, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो आइए चलो जानते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब मेफ्टाल्सपास की टैबलेट हो किस चीज़ में यूज़ होती है। मेफ्टाल्सपास की टैबलेट हमारे पेट दर्द में यूज़ होती है। अगर हमें गैस की वजह से कोई पेट में दर्द है या फिर हमें नॉर्मल मीठा मीठा पेट में दर्द हो रहा है, हम उसके लिए भी उसे यूज़ कर सकते हैं। जिन लेडीज़ को मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, हम उसके लिए भी पीरियड्स में हम टैबलेट दे सकते हैं उन्हें दर्द के लिए, लेकिन डॉक्टर के कंसल्ट के बाद। अब देख लेते हैं कि भाई कौन इसे नहीं खा सकता। जो एक प्रेग्नेंट वूमेन है वो इसे नहीं खा सकती, बाकी इसे सब खा सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इसके ये हैं कि अगर आपको टैबलेट लेने के बाद उल्टी जैसा मन हो या फिर आपको कब्ज रहने लगे, तो आप इस टैबलेट को वहाँ पे बंद कर सकते हैं। उसके बाद अगर जिस पीरियड्स में अगर आप इस टैबलेट को लेना चाहते हैं, तो दिन में सिर्फ एक गोली लेनी है आपको। उसके बाद अगर 9 साल से 14 साल के बच्चों तक ये गोली किसी को देनी है, तो आधी गोली सुबह आधी गोली शाम को देनी है, बाकी आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही दें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टैबलेट है मोंटिलोकास्ट। मोंटिलोकास्ट टैबलेट के बारे में हम जान लेते हैं कुछ बातें, जैसे इसकी उसके यूज़, उसके साइड इफ़ेक्ट, कौन से यूज़ कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। सबसे पहले देख लेते हैं जो मोंटिलोकास्ट है वो टैबलेट किस काम में आती है। वो हमें अगर कोई भी एलर्जी है, जैसे कि छींक आना, उसमें ही बहुत अच्छा काम करती है, या फिर हमारी नाक बह रही है, स्नीजिंग हो रही है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद हमारी आँख में कोई एलर्जी हो रही है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। अगर हमारे शरीर पे कोई दाग हो रहा है या दाद हो रहा है, तो उस पर भी बहुत अच्छा काम करती है वो। उसके बाद अगर हमारे शरीर पे पित्त, जिसे पित्त उछलना कहते हैं, अगर वो पित्त हो जाता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम कर देती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की, इसकी डोज क्या रहेंगी। अगर हमारी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो हम दिन में सिर्फ एक टैबलेट लेंगे, वो भी रात को सिर्फ सोते समय खाना खाने के बाद। उसके बाद अगर ये किसी बच्चे को टैबलेट देनी पड़े जिसकी उम्र की भाई 9 साल से लेके 15 साल के बीच में है, तो मोंटिलोकास्ट 5 mg की ओडी में उसे दे सकते हैं हम। और अगर उसके बाद हम सिरप भी आता है इसमें मोंटिलोकास्ट का, जो कि हम बच्चों को दे सकते हैं सिर्फ रात को सोते समय, बाकी आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही दवाई चलवाना। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि भाई ये साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं इसके, या कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता। तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो वो इसे नहीं ले सकती, जिसको किडनी की दिक्कत है वो इसे नहीं ले सकता, और उसके बाद किसको हृदय का रोग है तो वो भी इसे नहीं ले सकता। अगर ये देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, साइड इफ़ेक्ट ये होंगे इसको टैबलेट लेने के बाद
अगर आपको पेशाब करने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप इस टैबलेट को वहीं पे रोक सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वोमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है या वोमिटिंग आ रही है तब भी इस टैबलेट को वहीं पे रोक सकते हो। इसके बाद अगर आपको सीने में जलन या दर्द हो रही है तो आप इस टैबलेट को वहीं पे रोक सकते हो। तो ये कुछ बातें थी मोन्टिलोकास टैबलेट के बारे में। उम्मीद है आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई समस्या है या कोई बात बतानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे टैबलेट के बारे में जिसका नाम है नोरमैक्सिन। ये टैबलेट किस काम में यूज़ आती है और क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं और कौन इसे खा सकता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके यूज़ की बात कर लेते हैं। तो नोरमैक्सिन टैबलेट आपके पेट दर्द में ज़्यादातर काम आते हैं। जिसको पेट में काफ़ी दिन से दर्द है या काफ़ी ज़्यादा उसके पेट में दर्द है या फिर उसका पेट टाइट रहता है, ऐठन रहती है उसके पेट में, तो वो इस टैबलेट का बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद अगर आपको कभी घबराहट होती है बहुत ज़्यादा, आप चलते हो या फिर आपको लेटे लेटे पसीने आता है और घबराहट हो जाती है, उसमें भी आप ये टैबलेट का यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। अब देख लेते हैं कि भाई ये टैबलेट कौन ले सकता है। जो 18 साल से ऊपर के युवा हैं वो इस टैबलेट को ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की कंसल्ट के बाद। अब देखते हैं कि कौन इस टैबलेट को यूज़ नहीं कर सकता। जो एक प्रेग्नेंट वूमन है वो इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि अगर आपकी किडनी में या हृदय रोग है आपको कोई, तब भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में देख लेते हैं। अगर आप इस टैबलेट को खाते हो और आपको आधे घंटे से एक घंटे के बीच में आपको अपना मुँह सूखा सूखा लगे, ड्राइनेस फील हो, तो आप इस टैबलेट को वहीं पर छोड़ दें। उसके बाद अगर आपको उल्टी जैसा मन हो या फिर दस्त लगे तब आप इस टैबलेट को बिल्कुल भी ना लें। बाकी अगर आपको कोई समस्या है या किस चीज़ के बारे में कुछ पूछना है या बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कैप्सूल के बारे में जो कि आपकी हाइट बढ़ा सकता है। ये सभी को पता है कि हाइट अपने हॉर्मोन्स के अकॉर्डिंग बढ़ती है, लेकिन कुछ व्यक्तियों को ये भी होता है कि भाई हमारी हाइट बढ़ जाए, शायद हमारी हाइट रुक गई है, हम सबसे छोटे रह गए हैं। तो इसके लिए एक आयुर्वेदिक कैप्सूल आते हैं जिनका नाम है स्पीड हाइट। वैसे तो बहुत सारे कैप्सूल आते हैं, बहुत सारे मार्केट हैं, बहुत सारे जिनमें की कंपनीज है जो ये दावा करती हैं कि हमारे कैप्सूल खाने से हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन सबका अपना अपना रिजल्ट है। ये कैप्सूल मैंने कई लोगों को खिलाया है तो मेरे को पॉजिटिव में ही अपना आंसर मिला है, क्योंकि आयुर्वेदिक कैप्सूल है जो कि आपको अगर फ़ायदा नहीं दे रहा है ना तो नुकसान भी नहीं देगा आपको। ये इसका एक बेस्ट पार्ट है कि अगर आपको कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अगर आपको कभी से कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को भी मिले तो आप इसे तुरंत वहीं बंद कर सकते हो। क्या होगी इसकी डोजेज वगैरह, डोजेज इसमें आपकी ये होगी कि जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो इसको नहीं खा सकते। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि 12 साल से लेके 23 साल तक या 22 साल तक है वो हाइट हॉर्मोन्स की वजह से ऑटोमेटिकली बढ़ती ही है, लेकिन फिर भी किसी कारणवश से अगर हाइट नहीं बढ़ती है और आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ हमारी हाइट जितनी बढ़नी चाहिए उसके मुकाबले काफ़ी कम बढ़ रही है, तो आप इन कैप्सूलों का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर आपके 12 से 19, 20, 21 साल तक की उम्र है तो आप इन कैप्सूल को उपयोग कर सकते हैं, जिनसे कि आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इसमें आपका और क्या यूज़ है, क्या फ़ायदा मिलेगा इससे आपको, आपका यह है स्टेमिना बढ़ेगा इससे। अगर आप रनिंग वगैरह करते हो तो आप जल्दी से नहीं थकोगे। दूसरी क्या है, आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा ये। और तीसरी बात क्या है कि ये आपके पाचन क्रिया को अच्छी बनाएगी। अब जो दवाई आप खा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी पता होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए उसे कौन खा सकता है और कौन नहीं खा सकता। तो मैंने ये बता दिया है कि इसे आप खा सकते हो 12 साल से 22 साल की उम्र के बीच में, अगर
अगर आपकी किसी चीज़ की दवाई नहीं चली हुई है, किसी रोग की पहले से दवाई नहीं चली हुई है, तो आप इसे खा सकते हो वरना नहीं खा सकते हो। तो इसके मामले में आप देख लेते हैं कौन इसे नहीं खा सकता है। जिनको दिल की बीमारी है कोई, वो नहीं खा सकता है। जिनको लीवर या किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है, वो इसे नहीं खा सकता है। और जिनको अस्थमा जैसी बीमारी है, वो भी इन्हें नहीं खा सकता है। और एंड में हम देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट, कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नो साइड इफ़ेक्ट। अगर फिर भी आपको कोई 1% अगर आपको लगता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं, तो आप इसे तुरंत वहीं पे छोड़ सकते हैं। वैसे नॉर्मल इसका कोर्स 6 महीने का होता है, क्योंकि रातों रात किसी की हाइट नहीं बढ़ती, और रातों रात एक रात में कोई हाइट नहीं बढ़ा लेगा। आज अगर 17 अगस्त है, तो ये नहीं है कि 30 अगस्त तक आपकी हाइट बढ़ जाएगी। 15 दिन में किसी की हाइट नहीं बढ़ती। तो इसका नॉर्मल जो है 6 महीने का आपको कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद अगर 6 महीने का आप नहीं कर सकते हैं, तो मिनिमम आपको 3 महीने का इसका कोर्स करना पड़ता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमुक्सी 500 कैप्सूल के बारे में। क्या इसके यूज़ हैं, क्या इसकी डोजेज हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, कौन इसे खा सकता है और कौन इसे नहीं खा सकता। तो सबसे पहले देखते हैं अमुक्सी 500, जो कि एक एंटीबायोटिक है, जो कि हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए काम आता है। जैसे कि हमारे किसी गले में इन्फेक्शन हो गया है, बलगम हो गई है, उसको ठीक करने के लिए काम आता है। फेफड़ों में हमारे इन्फेक्शन हो गया है, या फिर हमारे पेशाब में इन्फेक्शन हो गया है, जलन होती है या दर्द होता है, उसको ठीक करने के लिए काम आता है। सन फार्मा कंपनी है जिन्होंने अमुक्सी 500 कैप्सूल को बनाया है, जो कि किसी कान में कभी इन्फेक्शन हो गया है किसी को, या फिर किसी से स्किन से रिलेटेड किसी को इन्फेक्शन हो गया है, उसके काम में आती है। किसी को निमोनिया हो गया है, या किसी के दांत में दर्द है, या दांत में कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसमें भी ये काम आता है। तो बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की, कि क्या डोज बनेगी इसकी। तो वैसे तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, जैसे वो डोज कहे हमें लेनी चाहिए। बट फिर भी अगर आप इसे लेना चाहते हैं, तो खाना खाने के बाद सुबह शाम में आप इसकी एक एक कैप्सूल ले सकते हैं। लेकिन ये है कि 18 साल से जो उम्र के बच्चे हैं, कम नहीं ले सकते। 18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, वो इसे ले सकते हैं। बात कर लेते हैं कि कौन अब इसको नहीं ले सकता। जिसके लीवर में दिक्कत है, वो इन्हें नहीं ले सकते। जिनको शुगर रहती है या शुगर काफ़ी टाइम से है, वो भी इनका यूज़ नहीं कर सकते। जो प्रेग्नेंट वूमेन है, वो भी इसका यूज़ नहीं कर सकती। और जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, वो भी इसका यूज़ नहीं कर सकते। बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे की। अगर आपको फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है, तो उसको ये तुरंत ठीक कर देगी, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अगर आपके गले में कोई कफ जमा हुआ है या फिर बलगम हो गई है, तो उसे भी ये बहुत जल्दी ठीक कर देगी। उसके बाद आपके पेशाब के रास्ते में कोई जलन है या दर्द है, तो उनके लिए भी ये बहुत ठीक कर देगी। उसके बाद आपको निमोनिया है अगर, तो उसके लिए भी बिल्कुल बहुत बेहतरीन दवाई है, आपको जल्द ही आराम मिल जाएगा। अब जो दवाई आप खाते हैं, तो ज़रूरी है कि आपको उसका साइड इफ़ेक्ट भी मालूम हो। अगर आप ये दवाई खाते हैं और अगर आपको इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, तो वो क्या हो सकते हैं। तो उसके साइड इफ़ेक्ट है कि आपको खुजली हो सकती है, पूरे शरीर पर रैशेज हो सकते हैं, दाने हो सकते हैं। उसके बाद आपको उल्टी जैसा मन होगा या उबकाई आएंगी। उसके बाद आपको दस्त लगने के भी चांसेस। अगर आपको दस्त लगते हैं, तो आप इस दवाई को तुरंत बंद कर दीजिए। उम्मीद है आपको अमुक्सी 500 कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जालिम लोशन के बारे में, कि जालिम लोशन को हम दांत पे लगाते हैं तो ठीक हो जाता है या नहीं। तो जालिम लोशन को अगर हम दांत पे लगाते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हमारा छोटा दांत है, कोई भी छोटा दांत, उस पे लगाने के बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा कोई फंगल इन्फेक्शन है या कोई ज़्यादा दिनों से दांत है, तो उस पे लगाने के बाद वो ठीक नहीं होगा। बेवजह सिर्फ आप अपनी स्किन ही जलाओगे, क्योंकि उसके अंदर होता है एसिड। वो कौन सा एसिड होता है? सैल्सिलिक एसिड, बिल्कुल प्योर। और एसिड आपको पता ही, अगर कहीं भी एसिड आप डालोगे, तो वो जगह जल जाएगी।
जब ये जालिम लोशन कोई लगाता है तो रात भर सो भी नहीं पाता, इतना दर्द और इतनी जलन होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है प्योर। अगर वो आप अपनी स्किन पे अप्लाई करोगे या स्किन पे लगाओगे जहाँ भी दाद है, तो वो वहाँ से काली पड़ जाएगी। लेकिन जो आपका फंगल इन्फेक्शन होगा वो स्किन के अंदर से है, और ये जो लगेगी वो टॉपिकल लगेगी, ऊपर से लगेगी। तो आप ऊपर से तो इसे ठीक कर लोगे, ऊपर से आपका जो स्किन है वो भी जल जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। लेकिन जो आपके स्किन के अंदर है, आपके ब्लड में है जो इन्फेक्शन, वो इसे ठीक नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से आपको ये ना ही लगाओ तो ही अच्छा है। खासकर इसे आप अपने फेस पे या फिर अपने हाथ पे ना अप्लाई करें। अगर कभी अप्लाई करनी भी पड़ेगी तो अगर आपको बहुत छोटा दाद है तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह के बाद। क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन चल रहे हैं, जैसे कि टीनिया हो गया, कुरेरस हो गया, एक्जिमस हो गया, सोरियस हो गया, ऐसे आपके इन्फेक्शन चल रहे हैं। लेकिन अगर आपको जालिम लोशन यूज़ करना है तो मेरे अकॉर्डिंग आप ना ही यूज़ करें, उससे आपकी बेवजह आपकी स्किन जलेगी और आप ठीक भी नहीं हो पाओगे। एक बार तो आराम होगा, आपको लगेगा आप ठीक हो, लेकिन उसके बाद जो आपकी स्किन के अंदर है आपका इन्फेक्शन, वो दोबारा बाहर आएगा और दोबारा फिर आप हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसे ना ही यूज़ करें तो अच्छा है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फिर ये मार्केट में आया ही क्यों, कि जब इसे इसका इतना अच्छा वर्क नहीं है। क्योंकि देखो, बहुत लो कंपनी या बहुत सारी, आजकल तो बहुत सारी कंपनी आ गई है जो कि जालिम लोशन को बनाती है। अब किसी एक ने लगा लिया, दो ने लगा लिया, 10 ने लगा लिया, उनको अच्छा रिजल्ट मिला, तो धीरे 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 ये मार्केट में चल गई। और दूसरी बात, आप ये कह रहे होगे कि इसमें जो सैलिसिलिक एसिड होता है वो तो हमें किसी ट्यूब में भी जो फेस पे लगाते हैं उनमें देखने को भी मिलता है। तो बिल्कुल सही, उनमें देखने को भी आपको मिलता है, कंपनी उसमें डालती है, लेकिन स्टीरोइड के साथ, ताकि वो अगर आपके फेस पे अप्लाई हो तो फिर आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और अगर वो डालती भी हैं तो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में। आपको लगाने के बाद एक बार हल्की सी रेडनेस होगी या फिर हल्की सी जलन होगी, उसके बाद वो ठीक रहेगा, इसलिए कंपनी इसको डालती है। और बाकी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कुछ बताना हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक टैबलेट के बारे में, जो कि है मेट्रिंडाजोल 400 mg के बारे में। वैसे तो एक एलोपैथिक दवाई है जो कि आपको फ़ायदा भी दे सकती है और नुकसान भी। ये कोई आयुर्वेदिक दवाई नहीं है जो कि आपको सिर्फ फ़ायदा ही देगी, नुकसान नहीं देगी। तो आइए आप देखते हैं, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन भी है और एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन भी है, और ये हमारी एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन भी है जो कि हमारे हाथों के इन्फेक्शन को दूर करती है। तो देख लेते हैं, वैसे तो इसका लाइफ स्पैन होता है 8 आवर्स का। अगर हम ये टैबलेट ले लेते हैं तो हमारे ब्लड में ये 8 आवर्स तक रहती है, जो कि काफ़ी अच्छा टाइम है, लॉन्ग टाइम तक ये हमारे रहती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके यूज़, इसके डोजेस, कौन इसे ले सकता है और कौन नहीं ले सकता, और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। सबसे पहले हम इसके यूज़ देख लेते हैं। जो हमारे एच पाइलोरिया इन्फेक्शन होता है, जिसे कि हम एक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, ये उसको ठीक करने में बहुत कारगर दवाई है। उसके बाद अगर हमारे डायरिया हो गया हो, या फिर हमारी आंतों में सूजन हो गई हो, या फिर हमारे कोई स्टोमच में इन्फेक्शन हो गया हो या दस्त हो गया हो, तो उसको ठीक करने के लिए दवाई काम आती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि भाई कौन इसे नहीं ले सकता। जिनके लीवर में पहले काफ़ी पहले से समस्या है वो इसे नहीं ले सकता। उसके बाद हमारे क्या आता है कि जो प्रेग्नेंट वूमन है वो भी इसे नहीं ले सकती। जिन्हें किडनी में प्रॉब्लम है वो भी इस दवाई का यूज़ नहीं कर सकते। और आपको क्या कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी, आपको ड्राइविंग से थोड़ी सी दिनों के लिए आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन है आंतों में या फिर आपको एच पाइलोरिया जैसा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा ड्राइविंग से दूर रहना पड़ेगा। उसके बाद देख लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। इसके साइड इफ़ेक्ट है कि अगर आपको लेने के बाद कुछ वोमिटिंग जैसी फील होने लगती है, या फिर आपको लगता है कि मुंह सूखा सूखा हो रहा है, तो उसमें भी आप इस दवाई को वहीं पे बंद कर सकते हैं। या फिर आपको सिर दर्द हो रहा है तो आप इस दवाई पे वहीं पे रोक लगा सकते हैं। अगर ये रही बात ये बच्चों को, तो बच्चों को क्या कुछ दे क्या ना दे, तो अगर जिस बच्चे की 6 से 10 साल के बीच में है तो उसके लिए 100 ml का सिरप आएगा, आप उन्हें वो दे सकते हैं। बात करें इसकी डोजेज की,
तो आप इसे सुबह शाम में एक एक ले सकते हैं। बाकी आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद भी इस दवाई को यूज़ करें, वरना 400 mg की ये टैबलेट है तो आप सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक टैबलेट इसकी ले सकते हैं। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों के लिए आपको बताया था कि 100 ml का सिरप आएगा मेट्रिंडाजोल का, वो आप उन्हें सुबह शाम में दे सकते हैं डॉक्टर की सलाह के बाद। तो ये सभी थी मेट्रिंडाजोल 400 mg के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। अगर आपको कोई समस्या है या कोई राय देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कैप्सूल के बारे में जिसका नाम है गुड हेल्थ, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं वेट गेनिंग के लिए। जिनका वेट नहीं बढ़ रहा है उन्हें को आप दे सकते हैं और माना जाता है इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे इसे यूज़ करना है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या इसकी डोजेज है, ये सब आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये गुड हेल्थ कैप्सूल है जो डॉक्टर विश्वास कंपनी ने बना रखा है और इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है। तो जिनको भी अगर ये कैप्सूल लेना है तो पहले अपना वेट मेज़र कर लें, उसके बाद फिर ये कैप्सूल स्टार्ट करें। इसका रिज़ल्ट आपको कम से कम 10 से 15 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको हम यूज़ करेंगे सुबह शाम में एक एक कैप्सूल लेंगे। रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जो उम्र है आपकी वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। खाना खाने के बाद सुबह शाम एक एक कैप्सूल आप इसका ले सकते हैं। उसके बाद हम इसकी डोजेज की बात करें तो डोजेज यही है कि 18 साल से अगर आप ऊपर हैं तो एक एक लें, इससे ज़्यादा मत लें वरना आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और इसके नॉर्मली जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो क्या होते हैं, आपके चेहरे पे दाने या पिंपल निकलने लग जाते हैं, चेहरे पे सूजन आ जाती है या कहीं शरीर पे सूजन आ जाती है। तो आप इसका वहीं पे रोक लगा दें, इस पे मत ले इस कैप्सूल को। आपको इसमें कई इंग्रेडिएंट देखने को मिल सकते हैं, कई इंग्रेडिएंट का कंपोजिशन देखने को मिल सकता है, अश्वगंधा, जटमूली, इन जैसे इंग्रेडिएंट का इसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट है इसका, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है तो इसे तुरंत बंद कर दीजिए। और अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम आप इसको 3 महीने का कोर्स होता है, आप इसे 3 महीने तक यूज़ करें। और इसे छोड़ने का भी एक तरीका है, ये नहीं है कि आपको एक ही दम से इसे छोड़ देना है, एक ही दम से इसे आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपको इसको छोड़ना है 3 महीने के बाद तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं कि आज एक डोज ली, उसके बाद एक दिन गैप, फिर अगली डोज, फिर 2 दिन गैप, फिर अगली डोज, फिर 3 दिन गैप, फिर अगली डोज, ऐसे करके आप इसे छोड़ सकते हैं। और आपको कोई भी समस्या है या कोई भी जानकारी लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टैबलेट आर्गुमेंटिन 625 mg के बारे में। और ये देखते हैं कि क्या इस टैबलेट के अंदर है, क्या यूज़ है इसके, क्या साइड इफ़ेक्ट है, कौन ले सकता है इसे और कौन नहीं ले सकता। आर्गुमेंटिन 625 एक एंटीबायोटिक है जो कि चोट, फोड़े, फुंसी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, या फिर किसी को खांसी हो रही है, न्यूमोनिया हो गया है, शरीर पर कोई घाव हो गया है, चोट लगी हुई है आपको, या कोई फुंसी फोड़ा है, उसके लिए काम आती है। ये कंपनी जीएसके कंपनी ने इसे बनाया है, जो कि आपको पता अराउंड 200 रुपये के या 200 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएगा। इसमें है अमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लेनोवेट, ये इसके अंदर साल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसके यूज़ की, इसे कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे यूज़ हैं लेकिन कुछ यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, जो फेफड़े में इन्फेक्शन होता है हम उसके लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे यूरिन में जो इन्फेक्शन होता है हम उसके लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो त्वचा पे कोई एलर्जी या रिएक्शन या कोई चोट लग रही है हम उसके लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमारी हड्डियों में, तो हमारी हड्डियों में कोई चोट है हम उसके लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। दांत, नाक, कान, इन चीज़ों में अगर हमें इन्फेक्शन है तो हम इसमें भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जो नॉर्मल डोज है जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग दी जाएगी वो आपको सुबह शाम में एक एक टैबलेट दी जाएगी, लेकिन किसी कारणवश से आपको ये तीनों टाइम एक एक भी दे सकते हैं, वो भी सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद।
इसके बाद देख लेते हैं कि इस टैबलेट को कौन यूज़ नहीं कर सकता। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है स्पेशल तौर पे, वो इस टैबलेट को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती। और जो बच्चे अभी 18 साल के नहीं हुए हैं, 18 साल से नीचे के हैं, वो इस टैबलेट को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद जिन्हें गुर्दे में कोई भी तकलीफ या प्रॉब्लम रहती है, तो वो बंदा भी इसे यूज़ नहीं कर सकता। अब बात कर लेते हैं कोई मेडिसिन अगर उसके यूजेज हैं बनी है तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी ज़रूर होंगे। तो हम उसके साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं क्या है। साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आपको दस्त लगते हैं टैबलेट खाने के बाद, तो आप इस टैबलेट को तुरंत बंद कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको पूरे शरीर पे या कहीं पे भी खुजली होती है इस टैबलेट को लेने के बाद, तो भी आपको टैबलेट लेनी बंद कर देनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको सिर पकड़ता है या सिर में दर्द आता है या फिर आपको चक्कर आते हैं, तो भी आपको टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। धन्यवाद। 1 रुपए की गोली ने ये क्या कमाल कर दिया। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी गोली के बारे में जो सिर्फ 1 रुपए की आती है। आप यकीन नहीं करोगे, जो गोली सिर्फ 1 रुपए की आती है वो इतना कमाल कर सकती है। आप सभी ने नोटिस किया होगा, कभी कभार जो लेडीज़ है या जेंट्स है उनके सभी के ये दिक्कत आती है, वाइट हेड्स हो जाते हैं यहाँ पे नोज़ के बराबर में। कभी कोई लेडीज़ मेकअप करके बाहर निकलती है, आती है, उसके बाद देखती है कि वाइट वाइट दाने, वाइट वाइट डॉट्स हो जाते हैं यहाँ पे नाक के साइड में। या कभी कभार किसी को नॉर्मली भी रहती हैं ये चीज़ डॉट्स। तो एक ऐसी गोली आती है जो सिर्फ 1 रुपए में आती है और वो आपके वाइट हेड्स बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगी। तो देखते हैं कि वो 1 रुपए की गोली कौन सी है। तो वो 1 रुपए वाली गोली है डिस्प्रिन। जैसे आपको यकीन नहीं हो रहा, मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो 1 रुपए की गोली डिस्प्रिन ऐसा काम कर सकती है। तो उसे कैसे यूज़ करना है, जो हमें गोली है वो रात को लगानी है या आप किसी भी टाइम लगा सकते हो। पहले अपनी किसी हाथ पे या किसी स्किन पे पहले उसे टेस्ट करके देख लेना, अगर वो आपको साइड इफ़ेक्ट ना करे, क्योंकि सबकी स्किन अलग अलग होती है, तो कोई रिएक्शन ना कर जाए आपके। पहले अपने हाथ पे करना उसको अप्लाई, देखना उस पर रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो उसको कैसे अप्लाई करना है, डिस्प्रिन की गोली ली, उस पर 3-4 बूंद 5 बूंद अपने पानी की डाल ली, जो उसमें झाग बनते हैं उसको अपने अप्लाई करना है नोज़ के साइड में, जो अपने वाइट हेड्स हो रहे हैं आपको उस पर अप्लाई करना है। उसके बाद आपको ये रूटीन में मतलब 10 दिन अप्लाई करना है, उसके बाद छोड़ देना है कम से कम 5-7 दिन, दोबारा फिर 4-5 दिन अप्लाई करना है, फिर छोड़ देना है। उससे आपका ये क्या होगा, पहले वीक में, फर्स्ट हफ्ते में ही आपका ये वाइट हेड्स है बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। या आपको क्या हो रहा होगा, कोई फुंसी होगी वो सूख नहीं रही है, आप उस पर भी लगा सकते हो, या कोई छोटा मोटा दाग हो गया आपको उस पर भी लगा सकते हो। सिर्फ 1 रुपए की जो गोली है वो इतना सारा काम करती है। आज मेरा एक पेशेंट आया था, उसने मुझे बताई कि मैंने ऐसे ऐसे अप्लाई किया था जैसे आपने बताई और मुझे रिजल्ट मिला। तो मुझे लगा कि भाई आपको भी बता देना चाहिए ये बात। तो ये ऐसे अप्लाई करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, लगाने के बाद 10-15 मिनट बाद वो सूख जाएगी। उसके बाद आपको नॉर्मल जो पानी होता है, ज़्यादा कोल्ड पानी नहीं, नॉर्मल पानी से आपको फेस वॉश कर लेना है। उसके बाद रात को कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम होगी वो लगा के सो जाना है आपको। ज़्यादा कोई अच्छे से फेस वॉश नहीं करना, कोई सोप नहीं लगानी, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई और आप सो गए। आपको 1 हफ्ते के अंदर गारंटी के साथ रिजल्ट मिलेगा, अगर नहीं मिले तो मुझे बताना। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर दर्द के ऊपर। तो वैसे तो सिर दर्द 60 प्रकार से ऊपर का डायग्नोस हो चुका है, लेकिन आज हम सिर्फ 6 टाइप्स के सिर दर्द के बारे में बात करेंगे जो कि आम जिंदगी में सबको होता रहता है। तो देखते हो कि 6 टाइप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो टाइप आता है वो है टेंशन हेडेक। उसके बाद आता है माइग्रेन। थर्ड नंबर पे हमारा आता है क्लस्टर। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है साइनस। और फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा हाइपरटेंशन। और सिक्स्थ नंबर पे TMJ हेडेक। तो ये हमारे 6 सिर दर्द हैं जिसके बारे में आज हम वर्णन करेंगे, बातचीत करेंगे, बता देंगे कि इनमें क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेंशन हेडेक के ऊपर। टेंशन हेडेक है जो वो हमारे सामने फोरहेड के हिस्से में होता है, जो कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर या किसी चीज़ को ज़्यादा सोचने के बाद उसी पे हमारा ध्यान रहता है, उसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं, जिससे कि हमारा फोकस एक ही जगह है चाहे वो हम किसी चीज़ को ले लें। इसके बाद आता है हमारा माइग्रेन पेन। माइग्रेन पेन में क्या होता है, माइग्रेन पेन में हमारा ये जो साइड का हिस्सा है ना,
इसमें दर्द रहता है। इसमें क्या होता है, हमें वोमिटिंग जैसी फीलिंग होती है कि भाई उल्टी आने वाली है, चक्कर जैसी फीलिंग होती है, तो ये सब होता है माइग्रेन पेन में। इसको आप ऐसे पहचान सकते हो। इसके बाद हमारा आता है क्लस्टर। अब हम क्लस्टर को कैसे पहचानेंगे कि हमारा क्लस्टर का हेडक है। क्लस्टर में हमारे एक साइड की आँख में दर्द होगा बहुत ज़्यादा, उस आँख में से पानी भी निकलेगा, तो इसको हम पहचान सकते हैं कि हमारे क्लस्टर हेडक है। इसके बाद हमारा आता है साइनस। साइनस में क्या होता है, हमारे जो नाक है वो बंद हो जाती है, हमें ऐसा महसूस होता है कि नाक बंद हो गई है। हम जैसे कहते हैं कि भाई ये मुंह से नहीं बोल रहा, नाक से बोल रहा है, तो उसमें हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी नाक बंद हो गई है। हमारी इस एरिए में ऐसा लगता है हमारा फेस भारी भारी हो रहा है और दर्द रहता है यहाँ पे, तो इसे हम साइनस में इंक्लूड करेंगे कि हमें साइनस की प्रॉब्लम है। तो इसके बाद हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन के दर्द को हम कैसे पता लगाएं कि हमारे हाइपरटेंशन का दर्द हो रहा है। हाइपरटेंशन का दर्द किस वजह से, जो हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं किसी काम की वजह से या किसी की वजह से जो हमें ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन का दर्द आपको होता है यहाँ, जहाँ हमारी चोटी जिसे कहते हैं चोटी होती है, तो यहाँ हमारे अपर एरिया में, यहाँ हमारे हाइपरटेंशन का दर्द होता है। यहाँ पूरा एरिया ये कवर कर लेता है जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट आता है, जो कि हम 6 ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो लास्ट हमारा है TMJ। अब TMJ में क्या होगा, TMJ में हमारी जो दोनों साइड हैं ये वाली, इन दोनों साइड में हमारे पेन रहेगा। ये पेन हमारा किसी भी कारण की वजह से रह सकता है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वजह से या ज़्यादा सोच विचार करने की वजह से, हमारा ध्यान किसी एक जगह पे लगा रहने की वजह से। अगर हम सारा दिन फ़ोन, लैपटॉप, टीवी चलाते हैं, हमारा ध्यान कंसंट्रेट हमारा वहीं रहता है पर्टिकुलर एक एरिया में, चाहे वो 1 घंटा रहे, 10 घंटे रहे, हमें उस चीज़ की आदत पड़ रही है, तो ये हमारा TMJ हेडक में आता है। आशा है आप सभी को ये सब समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिफ्लेम टैबलेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉम्बिफ्लेम टैबलेट के यूज़ क्या हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, कौन से ले सकता है और कौन से नहीं ले सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉम्बिफ्लेम टैबलेट है जब वो एक नसेट्स है, जो कि नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, और जो कॉम्बिफ्लेम टैबलेट के मैनुफैक्चरर है वो है सनोफी कंपनी। कॉम्बिफ्लेम टैबलेट के अंदर हमें 2 साल्ट मिल जाते हैं। पहला साल्ट है आईबीप्रोफिन, जो कि 400 मिलीग्राम में आता है। उसके बाद आता है हमारा PCM पैरासीटामोल, जो कि हमारा 325 मिलीग्राम में आ जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूज़ की, कि किस यूज़ में आता है ये। तो कॉम्बिफ्लेम टैबलेट हमारे दर्द में काम आती है, चाहे वो कहीं का भी दर्द हो, सिर दर्द, पेट दर्द, मसल्स का दर्द, जोड़ों का दर्द, हमारी जाड़ में दांतों में दर्द होता है वहाँ का दर्द, या फिर जो लेडीज़ का मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसमें भी हम उसे दे सकते हैं। उसके बाद कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। अगर आप इस टैबलेट का यूज़ करते हैं, दिन में 4 से 5 गोली लेते हैं, या आप किसी लॉन्ग टाइम से, ज़्यादा लंबे समय से इस गोली का यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपको इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं? आपकी छाती में दर्द रहना स्टार्ट हो सकता है, चेस्ट में पेन, आपको इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। उसके बाद आपको पेट में दर्द रहना भी चालू हो सकता है, कब्ज की आपको समस्या भी देखने को मिल सकती है, और आपका उल्टी जैसा मन, उबकाई आना या फिर बार बार उल्टी आना, ये सब भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस टैबलेट को कौन नहीं ले सकता। सबसे पहले जो टैबलेट को नहीं ले सकते, जिनका किडनी या फिर लीवर में पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, तो वो इनको नहीं ले सकते। जिनको अस्थमा, सांस की समस्या है, वो भी इन टैबलेट को नहीं ले सकते। और ख़ासकर ये टैबलेट बच्चों को ना दें, क्योंकि इसमें IMG में केमिकल होता है। और ख़ास तौर पर ध्यान रखना है आपको कि आप कॉम्बिफ्लेम टैबलेट किसी वुमेन को नहीं दे सकते जो कि प्रेग्नेंट है। ये बात आपको ख़ासकर ध्यान रखनी है। आज के लिए इतना ही। कॉम्बिफ्लेम के बारे में आपको सभी जानकारी दे दी है, कैसे यूज़ होती है, कौन इसे खा सकता है, कौन नहीं खा सकता। धन्यवाद।
तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमालय के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि आपकी सेक्स पावर को बढ़ाता है। आपने कई वीडियोस देखे होंगे लेकिन आप कंफ्यूज रहते होंगे कि ऐसे कौन सी हम मेडिसिन ले जिससे हमारा स्टेमिना या फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल ये सब बूस्ट हो। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आपको कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए जो आपके इन चीज़ों को बढ़ा दे, आपके स्पर्म काउंट्स को अच्छे लेवल पे ला दे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास चार हिमालय की जो मेडिसिन है वो कौन कौन सी है। कॉन्फिडो मिलेगी आपको, टेंटेक्स रॉयल मिलेगी आपको, स्पीमन मिलेगी आपको, और आपको मिलेगी टेंटेक्स फोर्ट। ये आपको चार मिलेंगी हिमालय की जो है टैबलेट्स। अब हम इन सब के बारे में देखते हैं। मैं इनका आपको साल्ट वगैरह या इनके अंदर इंग्रेडिएंट है वो नहीं बताऊंगा, इनका एमआरपी आपको किस रेट में मिलेगी वो नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या काम होता है और कैसे यूज़ होती हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्फिडो के बारे में। कॉन्फिडो जो है वो हमारा स्टेमिना बढ़ाती है, जो हमारे लिंग में रक्त होता है उसको बढ़ाती है, हमारे स्टेमिना को इंक्रीज करती है। तो ये है कॉन्फिडो का काम। दूसरे में हम देखते हैं स्पीमन। स्पीमन में क्या काम होता है? स्पीमन जो होती है हमारे वीर्य को बढ़ाती है, हमारे मतलब कि जो स्पर्म काउंट होता है उसको इंक्रीज करती है। ये होता है हमारा स्पीमन का। और तीसरी हमारी आ जाती है टेंटेक्स फोर्ट। जो टेंटेक्स फोर्ट होती है वो किन के लिए होती है? टेंटेक्स फोर्ट होती है प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए, मतलब कि जो शीघ्र पतन होता है उसके लिए होती है। और जो हमें स्वपन दोष आते हैं उनके लिए होते हैं, उनको रोकता है, उनको कंट्रोल करता है। वो हमारा मेन क्या काम करेगी? टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको बूस्ट करेगी, उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगी। और जो हमारा लिंग है उसमें रक्त अच्छे से फ्लो करेगी। तो ये हमारी चार जो टैबलेट हैं। लेकिन इसमें भी आप ये चीज़ कंफ्यूज रहोगे कि हम कौन सी ले कौन सी ना ले। देखो, सभी अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन जो मेरे प्रेफर से होगी, मेरे अकॉर्डिंग होगी, जो अच्छी टैबलेट है वो सिर्फ दो है। एक है स्पीमन हिमालय की, दूसरी है टेंटेक्स रॉयल जो कि हिमालय की है। ये मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट टैबलेट हैं जो कि आप ले सकते हैं किसी भी डॉक्टर के थ्रू। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकेंड जेल सिरप के बारे में कि कैसे यूज़ होता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है, कौन इसे यूज़ कर सकता है और कौन इसे यूज़ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये म्यूकेल जेल है जो एक एसिड न्यूट्रलाइजिंग सिरप है। ये हमारे किस काम में आता है? अगर हमारे पेट में जलन हो रही है या दर्द हो रहा है, इरिटेशन हो रही है या फिर गले में जलन हो रही है कुछ खाना खाने की वजह से, तो उसमें काम करता है। तो चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। अगर हमारे पेट में किसी भी तरीके की जलन है, या तो हमने कोई फास्ट फूड खाया है या हमने कोई अल्कोहल की ड्रिंक की है, तभी हमारे पेट में ये जलन हो सकती है। उसके बाद अगर हमारे पेट में कोई इरिटेशन होती है उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर खाना खाने के बाद हमारे गले में जलन होती है या फिर खाना हमारे गले तक आ जाता है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद देख लेते हैं कि भाई किस वजह से, जैसे कि कोई स्पाइसी हमने खाना खा लिया बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद अगर हमने अल्कोहल पी ली उसके बाद भी हमें दिक्कत आ सकती है, उसमें भी सिरप बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद अगर हम काफ़ी समय तक कोई खाली पेट हैं तब भी हमें समस्या आ सकती है। तो देख लेते हैं इसकी डोजेस के बारे में कि डोजेस की क्या है, एडल्ट की या फिर बच्चे की, और इसे कौन ले सकता है और कौन इसे नहीं ले सकता। सबसे पहले डोज देख लेते हैं इसकी क्या है। डोज इसकी है 10 ml। आप इसको तीनों टाइम दे सकते हैं, सुबह, शाम और रात को। और अगर आपको कोई ज़्यादा ही समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक टाइम पे इसको 20 ml दे सकते हो, बाकी आप फिर 50 ml का इसका स्टार्टिंग रख सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं कि भाई अगर हम प्रेग्नेंट वूमन को इसको दे सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, आप इसे प्रेग्नेंट वूमन को भी दे सकते हैं। और जिनको प्रॉब्लम है, अगर वो 20 ml ले रहे हैं तो शायद हो सकता है कि उनको लूज मोशन लगे, तो आप कोई टेंशन मत लीजिए। इसमें पोटेशियम होता है जिसकी वजह से हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। तो आप उसके बाद 15 ml तक आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। साइड इफ़ेक्ट में हमें क्या देखने को मिल सकता है? हमें ज़्यादा प्यास लग सकती है या फिर हमें ज़्यादा पेशाब आ सकता है,
हमें दस्त की समस्या भी हो सकती है या फिर हमें कब्ज भी हो सकता है। अगर इनमें से आपको कुछ देखने को मिले या फिर और कोई समस्या हो तो तुरंत इसे बंद कर दीजिए और अपने किसी डॉक्टर से जाके मिले, कंसल्ट करें। उम्मीद है आपको म्यूकेन जेल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको कोई समस्या है या कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो क्रीम है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सरफास NFC क्रीम। आइए देखते हैं कि उस क्रीम का क्या इस्तेमाल है। क्रीम का इस्तेमाल है कि जैसे हमें कोई खारिश, खुजली या फिर दाद हो जाते हैं तो ये क्रीम का इस्तेमाल है। इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं। क्रीम जो है वो आपको 15 ग्राम की मिल जाएगी, अराउंड 100 रुपीज़ के अराउंड आपको एक क्रीम मिल जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी विषय पर तो आप हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। इस चैनल पर हम दवाइयों से रिलेटेड हर जानकारी आपको देते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हम क्रीम के बारे में। पहले सबसे पहले हम उसके यूजेस देखते हैं। जो उसके यूज़ हैं वो कुछ इस तरह है कि अगर हमारे शरीर पे कोई दाद है या कोई खारिश, खुजली है, चाहे काफ़ी पुरानी हो या फिर कभी अभी अभी नई हो, उसके बाद अगर हमारे शरीर पे कोई लाल चपटे हो रहे हैं या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है हमारी स्किन के ऊपर, तो उसको भी ठीक करने में बहुत कारगर क्रीम है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन लगा सकता है इसको। वैसे तो 16 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चे इसको लगा सकते हैं, बस आपको ये प्रिकॉशन रखना है कि भाई बच्चों को इस क्रीम से दूर रखें। तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट इसके ये हैं कि अगर हमारे शरीर पे कोई दाद जो कि बहुत पुराना है उसमें भी काम करेगा, अगर कोई खुजली है या फिर हमारी जांघों में या हमारे शरीर पे, हमारे हाथ पे कहीं भी, तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, या हमारे लाल चपटे हो रहे हैं या कोई फंगल इन्फेक्शन है उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप इसको अगर अपने फेस पे कहीं लगा रहे हैं तो अपनी आँख से बचा के लगाएं, उसके बाद इसको बच्चों से भी दूर रखें। देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट अगर हमें देखने को मिलेंगे, अगर आपने किसी दाद पर ये लगाया है तो हमें जलन देखने को मिल सकती है बहुत ज़्यादा। अगर हमें कोई जलन देखने को मिलती है तो आप इस ट्यूब को वहीं पर रोक सकते हैं। उसके बाद क्या देखने को मिलता है, हमें हमारी स्किन को फटता हुआ देखने को मिल सकता है कि हमारी स्किन निकल रही है वहाँ से, तो हमें ये देखने को भी मिल सकता है। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ऐसी ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं वो टैबलेट है फ्लेक्सोन। आपने बहुत बार फ्लेक्सोन का नाम सुना होगा कि फ्लेक्सोन टैबलेट ले लो। तो फ्लेक्सोन टैबलेट है क्या, क्या इसके यूज़ हैं, क्या इसके डोजेज हैं, क्या इसके बेनिफिट हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। क्योंकि अगर हम कोई भी दवाई लेते हैं तो सबसे पहले हमें उसके साइड इफ़ेक्ट और फ़ायदे और यूजेज़ देख के ही लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि भाई फ्लेक्सोन MR के यूजेस क्या हैं। फ्लेक्सोन MR को हम किसी भी यूज़ में ले सकते हैं, जैसे कि हमारे मसूड़े में दर्द हो रहा हो या सूजन आ गई हो, या हमारे सिर में दर्द हो, या हमारे जॉइंट्स में कहीं भी दर्द हो, हाथों में, पैरों में, कमर में, या फिर जो गर्ल्स को पीरियड्स आते हैं हम पीरियड्स के दर्द में भी इसको दे सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि हम ये बुखार में भी टैबलेट को दे सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। इसकी डोज के बारे में अगर हम बात करें तो सुबह शाम खाना खाने के बाद हम एक एक टैबलेट ये ले सकते हैं, और यही टैबलेट अगर हम बच्चों को दें तो बच्चों को हम आधी टैबलेट सुबह, आधी टैबलेट शाम को दे सकते हैं खाना खाने के बाद। जिनकी उम्र 7 साल से 14 साल के बीच में है उनको आधी टैबलेट देनी है सुबह, आधी टैबलेट शाम को। जिन बच्चों की उम्र 7 साल से कम है उनके लिए सिरप आता है, हम वो सिरप दे सकते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे दो पॉइंट क्लियर हो गए हैं, यूजेस और डोज। अब देख लेते हैं हम इसके फ़ायदे। ये एक नॉन स्टेरॉयडल दवा है, इसका मतलब कि ये आपके जो लीवर है उस पर इतना असर नहीं डालेगी। कुछ हद तक डालेगी लेकिन इतना नहीं डालेगी जितने की और आपकी जो टैबलेट्स है वो डालती है। तो इसलिए भी फेवरेट्स है कुछ लोगों की, जो कि आती सिर्फ फ्लेक्सोन ही मांगते हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं। और इसके बाद हम साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ भी दवाई अगर हम खाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट जान लेना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद देख लेते हैं साइड इफेक्ट। अगर हमारे खाने के बाद, टैबलेट खाने के बाद हमारे पेट में ज़्यादा दर्द रहता हो, तो हम इस टैबलेट को वहीं पे रोक सकते हैं। अगर हमें उल्टी जैसा मन होता हो या उल्टी जैसी फीलिंग आ रही है कि हमें उल्टी होने वाली है, वोमिटिंग होने वाली है, तो हम इस टैबलेट को वहीं पे रोक सकते हैं। तो ये थी फ्लेक्सोन के बारे में कुछ जानकारियाँ। अगर आपको फ्लेक्सोन के साथ अगर हमारे जो मसूड़े हैं वहाँ पे सूजन है, और बेस्ट रिजल्ट के लिए आप ऑक्सीक्लेव 625 मिला के फ्लेक्सोन के साथ ले सकते हैं, बहुत कारगर रिजल्ट है। ऑक्सीक्लेव 625 की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये थी फ्लेक्सोन के बारे में कुछ जानकारी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही दवाइयों से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे नई वीडियो में। हम इस चैनल पे मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको डेली बेसिस पे मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो मिल सके। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ट्यूलकोफ्लेक्स। ट्यूलकोफ्लेक्स टैबलेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सनोफी कंपनी के मैनुफैक्चरर हैं, सनोफी कंपनी ने बना रखी है। इसके अंदर आपको बिस्कोडिल मिलेगा, जो कि आपको 5 mg और 10 mg तक मिल सकता है। ये जो टैबलेट है ये किस काम में आता है, ये कॉन्स्टिपेशन के काम में आता है, जिसको हम कब्ज़ कहते हैं, वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में फुल डिटेल्स। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो टैबलेट है ये लेजेक्टिव है, जो कि आपके किस काम में यूज़ आती है। ये आती है आपके कॉन्स्टिपेशन के काम में, जिससे कि हम कब्ज़ कहते हैं, कब्ज़ में काम आती है। बहुत बढ़िया, अगर आपको 1 दिन पुराना, 2 दिन पुराना या काफ़ी पुरानी कब्ज़ है तो इसको बहुत आराम से क्लियर कर देती है। उसके बाद ये और किस चीज़ में काम आती है, अगर किसी महिला की डिलीवरी हुई है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। डिलीवरी के बाद अगर जो हमारा फिगस रह जाता है थोड़ा बहुत, तो उसको क्लियर करने के लिए काम आती है। क्योंकि डिलीवरी के बाद ऐसा होता है कि जो फिगस होता है वो अंदर आंतों में चिपक जाता है, तो उसको ढीला करने के लिए ये टैबलेट काम आती है। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज़्म क्या हो सकता है, मैकेनिज़्म क्या होगा कि इसको देने के बाद जो मल होगा उसको हम ड्राई करेंगे, ड्राई हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जल्दी बाहर आ जाएगा। जैसे कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में पानी होगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन से पानी को अब्जॉर्ब करेगी, उसके बाद जो हमारा फीगस है उसको सॉफ्ट करने के बाद वो आराम से निकल जाएगा। तो ये इसका काम है। तो यहाँ तक आपको पता लग गया है कि किस काम में ये यूज़ आती है। उसके बाद ये देख लेते हैं कि भाई कौन इसको नहीं ले सकता, जिनको ज़्यादा डिहाइड्रेशन है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो डिहाइड्रेशन मोस्टली है। अब पहले ही डिहाइड्रेशन है तो हम इस टैबलेट को नहीं दे सकते, क्योंकि पहले ही उसके अंदर पानी की कमी है, तो ये टैबलेट और पानी कहाँ से लाएगी। तो हम डिहाइड्रेशन वाले बंदे को ये टैबलेट नहीं दे सकते। उसके बाद अगर हमने टैबलेट दी है किसी को उसकी कब्ज़ को ठीक करने के लिए, तो उसके 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद तक हम उसे कोई भी मेडिसिन ना दें, ठीक है। अगर कोई मेडिसिन अगर हम देते हैं तो इस मेडिसिन का, डुल्कोफ्लेक्स का कोई असर नहीं रहेगा। जैसे कि हम ये सोचते हैं कि भाई हम इसके साथ में लुक्टोज दे देते हैं, लुक्टोज हमारे साथ लिक्विड में आता है, कि डुल्कोफ्लेक्स भी दे दिया, लुक्टोज भी दे दिया तो जल्दी असर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कि जैसे हमारे पास सतिसफगोल भी आता है, तो ये नहीं है कि भाई लुक्टोज भी, सफगोल भी, डुल्कोफ्लेक्स भी दे दी तो कोई भी काम नहीं करेगा तीनों में से। आपको सिर्फ एक देना है डुल्कोफ्लेक्स की गोली, वो भी 5 mg 10 mg अलग अलग आती हैं, आप पेशेंट के अकॉर्डिंग उसको दे सकते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है कि जिसको अल्सर का दर्द है स्टोमच में, आप उसको ये टैबलेट बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि इससे क्या है कि दर्द बढ़ सकता है उसका, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। उसके बाद अगर उसे कोई अपेंडिक्स में दिक्कत है, अपेंडिक्स में दर्द रहता है, तो उसको भी ये टैबलेट आप नहीं दे सकते। कि क्या होगा कि सूजन है अगर अपेंडिक्स में, जब भी नहीं दे सकते, अगर आप देते हैं तो फिर साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद साइड इफ़ेक्ट क्या है, वैसे तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही रेयर होते हैं, नहीं देखने को मिलते, फिर भी अगर किसी को जैसे एलर्जी वगैरह है तो अगर हम उसको देते हैं तो हमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। उसको वोमिटिंग जैसी हो सकता है फीलिंग कि भाई उल्टी आ रही है, या फिर उसको स्टोमच में पेन हो सकता है बहुत ज़्यादा, या फिर क्या हो सकता है उसको दस्त हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो, या फिर क्या है उसे कि दस्त हो सकते हैं, और जो मल के द्वार है, मल में अपना ब्लड आ सकता है उसको,
लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उसका भी इलाज है। तो अगर जिसको ये प्रॉब्लम है तो वो डुल्कोफ्लेक्स ना ही ले। उसके बाद अगर हम इसके डोजेस की बात कर ले तो 6 साल से छोटे बच्चे को हम इसको नहीं दे सकते, ठीक है। जो 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं हम उन्हें दे सकते हैं, वो भी 5 mg 10 mg उनके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जो 10 साल का बच्चा उसको 5 mg, तो उम्र जैसी बढ़ती जाएगी उसको 10 mg दे सकते हैं। और अगर इसका आपको बढ़िया अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप रात के समय ही ले, सोते टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर कि डायबिटीज़ क्या होती है। कई बंदे कहते हैं कि भाई शुगर मोटे लोग को हो जाएगा, पतले लोग को कैसे हो जाएगा, या फिर जो बिल्कुल ही कमज़ोर है, या फिर जो ज़्यादा मीठा खाता है उसको शुगर तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो ज़्यादा मीठा खाता है उसको शुगर हो जाएगा, लेकिन 1% चांस होता है, उसके बारे में बता दूंगा मैं आपको। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डायबिटीज़ होती क्या है। डायबिटीज़ में जो डाइव वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है आई फ्लो थ्रू, मैं बॉडी से पास हो रहा हूँ। और जो शुगर है वो हमारी बॉडी की मेन नीड होती है, हर किसी को ज़रूरत होती है, हर पार्ट्स को, जैसे कि रेटिना हो गया, हमारा माइंड हो गया, इन सबको शुगर की ज़रूरत होती ही होती है। तो जब शुगर हमारी ज़्यादा हो जाती है, हम ज़्यादा शुगर खा लिया, तो ज़रूरी नहीं है वो शुगर शरीर में रहे, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। और यूरिन के थ्रू जब बाहर निकलती है तो शुगर कभी अकेली नहीं निकलती। अगर जो शुगर हो गई है तो यूरिन बनाती है, सॉरी शुगर बनाती है ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस को आप कैसे समझ सकते हो? ऑस्मोसिस को आप ऐसे समझ लो, आपके पास एक चाय का कप है और आपके पास ब्रेड है, आप ब्रेड को चाय के कप में डालेंगे तो क्या होगा? ब्रेड सोख लेगा उसे, चाय को सोख लेगा। तो वैसे ही होता है, ऑस्मोसिस क्या है, जो पानी होता है उसको खींच लेता है। अब पानी खींच लिया तो हमें ज़्यादा प्यास लगेगी, ज़्यादा प्यास लगेगी गला सूखेगा, गला सूखा हमें भूख लग गई, हमें कमज़ोरी जैसे महसूस हुआ, या हमें नींद में उठ के हैं जब ज़्यादा बाथरूम जाना पड़ गया, तो ये मतलब होता है ऑस्मोसिस का। और उसके बाद हम बात करते हैं पैनक्रियाज की। जो पैनक्रियाज है हमारा, वो इंसुलिन बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज़ 2 प्रकार की होगी, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 बहुत ही रेयर, बहुत ही कम लोगों को होगी, होगी तो किसी किसी को होगी, ज़्यादा नहीं। टाइप 2 मोस्टली लोगों को होती है, जिसमें कि पैनक्रियाज है, जो इंसुलिन बनाता तो है पर इतनी मात्रा में नहीं बना पाता। तो उसमें क्या होता है कि जो पैनक्रियाज इंसुलिन बनाती है, टाइप 1 टाइप 2 बता दिया आपको, टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 1 इतना कोई खास नहीं है, टाइप 2 कॉमन है, जो सबको होता है। तो जब आप शुगर खाओगे और जो बचा हुआ है वो यूरिन के थ्रू निकल गया, तो अगर आप कोई हैवी डोज लोगे, अगर आपको ये पहले से ही लक्षण लगता है कि भाई आपको शुगर है, फिर भी आप शुगर पे खाए तो खाए जा रहे हो, खाए पे खाए जा रहे हो, और ये होता है शरीर की भी एक क्षमता होती है, एंड में आके वो भी कहता है बस भाई इतना ही था, उसके बाद क्या होगा, शुगर आपके शरीर में स्टोर होएगी, उसके बाद आपका वेट बढ़ेगा, और जब आपका वेट बढ़ेगा शुगर की वजह से, तो आपको बहुत ज़्यादा परसेंट चांसेस होंगे कि आपको शुगर होनी ही होनी है। और दूसरी बात, लोग कहते हैं कि भैया अगर हमें शुगर हो गया है तो मीठा बिल्कुल ही बंद कर देगा खाना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम बिल्कुल ही मीठा खाना बंद कर देंगे। अगर हम बिल्कुल ही मीठा खाना बंद कर देंगे, जो हमारा एड्रोमिनल मेड्यूला है, हमारी रेटिना है, हमारा ब्रेन है, इन 3 चीज़ों को तो शुगर शुगर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही खाना पीना बंद कर दे। कभी ऐसा होता है कि भाई हम अपने दोस्त को बताने में शर्मा जाते हैं कि भाई हमें शुगर है, कहीं फिर वो हंसी मजाक करे, भाई अब तेरे को ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये। तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल लाइफ जियो, बिल्कुल नॉर्मल, कंट्रोल करो लेकिन नॉर्मल। ये नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दिया, भाई अब बिल्कुल ही शुगर नहीं खाना, बिल्कुल ही ठीक हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। शुगर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो शुगर तो हमें खाना ही खाना पड़ेगा, चाहे उसमें हम कुछ भी मीठा खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने बिल्कुल। तो एक और बात है जो लोग ज़्यादा पूछते हैं कि जो हमें शुगर का टेस्ट है वो हमें कब कराना चाहिए, फास्टिंग कराना चाहिए या फिर पोस्ट लंच करवाना चाहिए? तो देखो, दोनों के अलग अलग रिजल्ट हैं, हमें दोनों टाइम पर करवा के देखना चाहिए वैसे तो। बट ये नहीं है जिसको वाइल्ड है, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा है शुगर, 2 दिन में 2 बार 3 बार 4 बार, ना ना, ये सब चीज़ गलत है कि भाई दिन में 4 बार आपने टेस्ट करके देख लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन A1C, मेरी तरफ से बहुत अच्छा टेस्ट है ये, 3 महीने की आपको बताते हैं कि आप में कितना शुगर घटा बढ़ा, सब कुछ आपकी रिपोर्ट अच्छी देगा। मेरी तरफ से ये अच्छा एक टेस्ट है हीमोग्लोबिन A1C, आप इसको करवा सकते हो। उसके बाद अगर आप फास्टिंग शुगर करवाते हैं,
तो आपका जो नॉर्मल शुगर है वो 106 से कम होना चाहिए, ये 106 या 100 कम, 106 से कम। दूसरा आपका जो पोस्ट लंच के बाद का है उसका आपका आना चाहिए 140 से 200 के बीच में, ये आपका आना चाहिए। और सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत देती है आपके अकॉर्डिंग, अगर आपको शुगर ज़्यादा है वो दिक्कत देती है, शुगर कम है वो दिक्कत देती है? सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है जब हमें शुगर कम है, क्योंकि जो शुगर ज़्यादा होगी ना वो हमें दिक्कत देगी आज नहीं तो आने वाले 8-10 साल में। लेकिन अगर हमारी शुगर कम होगी तो वो मुझे एट ए टाइम 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे रिजल्ट देगी। हमें कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, जैसे आप बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, आपकी शुगर अचानक से कम होगी, आप बेहोश होगे, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है कि आपकी शुगर जो कम हो जाती है। और शुगर होने के मेन रीज़न क्या है, स्ट्रेस भी होता है सबसे ज़्यादा मेन रीज़न भी है, और आप शुगर खाते हो वो भी। अगर आपके पास तीन चीज़ हैं, स्ट्रेस और आपके हार्ट डिसीज़ शुगर, तो आप इन तीनों में से क्या चीज़ हटाओगे? ऑब्वियसली बात है, आप कहोगे भाई मेरे को शुगर ज़्यादा है, शुगर के, तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि भाई मेरे को शुगर है, शुगर के हटा दो डिसीज़। लेकिन आप गलत हो, जो स्ट्रेस होता है ना वो शुगर से 4 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अपनी लाइफ से स्ट्रेस को हटाओ, थोड़ा हंसमुख बनाओ, खेलते रहो, हंसी खुशी रहो, जो होना है वो तो होगा ही भाई। लेकिन आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखो, शुगर पे रखो, जो खाना है आराम से खाओ, तो स्ट्रेस ना लो, जितना स्ट्रेस लोगे उतना आपको दिक्कत होगा। तो अभी इस पे बात करते हैं कि जैसे जो सिर्फ मोटे लोग हैं उनको फैट हो सकता है कि नहीं, और जो पतले लोग हैं उनको हो सकता है कि नहीं। तो ऐसी कोई लिखित में बात नहीं है कि जो मोटे लोग हैं उनको फैट होना ही होना है, लेकिन जो शुगर की वजह से मोटे हुए हैं उनको तो होगा ही होगा, और जो पतले हैं उनको थोड़े कम चांस होते हैं। अगर उनका इंट्रा एब्डोमिनल फैट है तो उनको भी थोड़े बहुत चांस होते हैं, बाकी कोई इतना चांस नहीं है। और जिसको होना है वो तो शुगर होगा ही उसको। वैसे अगर आपकी उम्र 35 साल है, 35 साल से ऊपर, या 35 साल है, और आपका जो BMI है वो 25 है या 25 से ऊपर है, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए एक बार। जो आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट है और आपकी शुगर टेस्ट है, ये आपको ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और आपका जितना हो सके तो अपना BMI 25 से नीचे रखे, ऊपर ना जाने दें। और डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना एक आधी बार टेस्ट करवा लिया, हीमोग्लोबिन A1C का टेस्ट करवा लिया, इससे आपको पता लगता रहे कि आपको शुगर है या नहीं है, और ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। बस अभी देखो एक और लास्ट बात है, जैसे कि पूछते हैं कि भाई अब शुगर ठीक होगा कि नहीं होगा जिसको हो गया है। तो वैसे तो ट्रांसप्लांट भी होते हैं, जो पैनक्रियाज है वो ट्रांसप्लांट भी होती है। तो सिर्फ पैनक्रियाज ट्रांसप्लांट नहीं होती, उसके साथ किडनी भी हमें ट्रांसप्लांट करानी पड़ती है, दोनों चीज़ ट्रांसप्लांट होती है। और सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मेन रहती है, अगर हम हमारी उम्र ज़्यादा होती रहती है तो फैटी लीवर होता रहता है। अगर आप अभी भी किसी भी 10 बंदों में से 10 का 10 का आप टेस्ट करवा दो, तो उनमें से 5 को आपको फैटी लीवर मिलेगा। और फैटी लीवर मोस्टली जो टाइप 1 होते हैं उनमें होता है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि टाइप 1 है, फैटी लीवर मिला है उन्हें, तो उन 5 बंदों का हम ट्रांसप्लांट करवा देंगे, चलो भाई ट्रांसप्लांट हो गया तुम्हारा, अब तुम ठीक हो। तो ऐसा नहीं है, हम योग करते रहें, कसरत करते रहें, या इसके मेडिसिन खाते रहें तो हम ठीक रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे GPL की आ गई, GPL-1 आ गई, ये टैबलेट आती है इसकी शुगर की, और आपको इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगते हैं। अगर आपको ओवरफ्लो बहुत ही ज़्यादा हो गया है तो आपके इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है तो जो आपका BMI है उसको 25 से नीचे रखें, आराम से हल्का फुल्का खाए पिए, शुगर कंट्रोल में रखें, अपनी शुगर 3 महीने में चेक करवा ली अपना। और बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड है या कुछ पूछना है या किसी भी मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों की सेफ्टी के लिए एक वीडियो है। अगर आपके साथ ऐसा खुदा ना खास्ता कभी हो, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिले तो आप क्या कर सकते हैं? तो आज वो टॉपिक है पॉइज़न। पॉइज़न वैसे तो हमारे देश में मिलना मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है,
लेकिन एक पॉइजन हमारे देश में बहुत आराम से मिल जाता है, जो कि है कीटनाशक। कीटनाशक पॉइजन, हाँ वही कीटनाशक पॉइजन जो कि आप फसलों में डालते हो, तो आज वो हर घर में आपको देखने को मिल सकता है। तो कीटनाशक पॉइजन इतना हैवी है, अगर वो आप उसे पी लेते हो तो 1 घंटे तक वो आपको तड़पाने के बाद ख़त्म हो जाएगा इंसान। उसके बाद देख लेते हैं कि अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन देखने को मिलती है तो आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो उनके मुंह में 2 उंगली डालो अंदर तक, ताकि उनका उल्टी आए, वॉमिटिंग होए उनको, और वो जो सारी पेट में अगर गई हुई है लिक्विड तो वो बाहर निकल जाए। 90% ये चांस होते हैं कि भाई हमारा वहाँ पे बचना मुमकिन है। अगर फिर भी 1% ये लगता है कि भाई अगर उल्टी नहीं हो रही है या उल्टे होने के बाद भी कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपको उसके कि भाई वो तड़प रहा है, तो आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाएं। अब डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर उनके नाक के जरिए से एक राइल ट्यूब डालेंगे। राइल ट्यूब कोई भी मशीन के साथ अटैच नहीं होती, राइल ट्यूब एक नॉर्मल ट्यूब होती है। वो ट्यूब उनके नाक के जरिए से उनके पेट तक, स्टोमच तक जाएगी, और जो उनके स्टोमच में लिक्विड है वो धीरे धीरे करके सारा बाहर निकल जाएगा। उसमें हमें कोई मशीन की ज़रूरत नहीं होती या पंप की ज़रूरत नहीं होती जो उसे पंप करके बाहर निकाले। उसके बाद देख लेते हैं अगर राइल्स ट्यूब से वो सारा लिक्विड निकलने के बाद फिर डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर फिर सीरिंज की हेल्प से उनके स्टोमच में पानी डालते हैं, जिसे कि कह सकते हैं हम कि वो उनके स्टोमच को साफ कर रहे हैं, धो रहे हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक चारकोल टैबलेट्स आती हैं, उनको पीसने के बाद पेशेंट को दी जाती है। चारकोल एक एब्जॉर्बेंट है बहुत अच्छा, तो अगर कुछ परसेंट या 1% उसके अंदर रह भी रही होगी दवाई तो उसको सोख लेगा और साफ हो जाएगा पेट। उसके बाद पेशेंट तंदुरुस्त हो जाएगा, फिर भी अगर उससे कोई समस्या रहती है तो हम उनकी नॉर्मल दवाई चलवा सकते हैं जो कि पैरासीटामोल होगी, निमोसलाइड होगी। इसके बाद पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं। अगर आपको ऐसा कोई इंसिडेंट देखने को मिलता है तो ये काम ज़रूर करें, आपसे जितनी मदद हो सके ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन दबा दें और घंटी के बटन को भी दबा दें। ऐसी दवाइयों से रिलेटेड जानकारी मैं लाता रहता हूँ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी जरबी वैक्सीन, एंटी जरबी इंजेक्शन के बारे में। अगर आपको रेबीज हो गई है तो आप क्या करें, कौन सा इंजेक्शन लगवाएं, कितनी डोज में लगवाएं, कब कब लगवाएं, ये आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रेबीज है जो 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्री और एक पोस्ट। तो प्री का मतलब क्या है, प्री का मतलब ये है अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जाके इन्फेक्टेड कोई भी डॉग है या फिर कोई एनिमल है, या फिर आप कहीं ऐसी जगह काम करते हो जहाँ पे एनिमल्स हैं काफ़ी और वो उनको वैक्सीन की ज़रूरत है या फिर वो ज़्यादा बीमार हैं, तो वहाँ को हम प्री बोलेंगे। और पोस्ट हम किसको बोलेंगे, पोस्ट में हम बोलेंगे अगर आपको कोई जख्म है या फिर आपको कोई कुत्ता काट गया है या फिर आपके जख्म पे कुत्ते ने जीव लगा दी है, तो इसको हम पोस्ट बोलेंगे। तो हम देख लेते हैं कि भाई जो इंजेक्शन है एंटी रेबीज़ का, उसको हम कैसे कैसे और कब कब लगाएंगे। तो ये हम बच्चों में भी लगा सकते हैं और बड़ों में भी, बच्चों में आईडी, बच्चों में आईएम, ठीक है। बच्चों के ये थाई में इंजेक्शन लगेगा लेकिन बड़ों के ये मस्कुलर में, यहाँ पे भाव में इंजेक्शन लगेगा। अब हम देख लेते हैं कि अगर ये एंटी जर्बिस का इंजेक्शन है, ये हमें गवर्नमेंट से मिल सकता है, किसी मेडिकल स्टोर से भी मिल सकता है, तो अगर हम इसे रखते हैं तो हमें +2 से +8 डिग्री सेल्सियस तक इसे फ्रिज में रखना है। आपको डीप फ्रीजर में नहीं रखना है जहाँ बर्फ जमती है, नॉर्मल फ्रिज में रखना है +2 से +8 डिग्री तक। उसके बाद ये 0.5 से लेके 1 ml तक आपको मिलता है। इसमें आपको एक पाउडर फॉर्म मिलेगी, एक डाइल्यूटेड फॉर्म मिलेगी, तो ये आपको मिक्स करके लगाना होता है। अगर आपका ये लगाने के बाद कुछ मात्रा में अगर बच जाता है तो आप इसको अगले 6 घंटे के अंदर दोबारा इस्तेमाल करो। अगर आप इसको अगले 6 घंटे के अंदर दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हो तो ये ख़राब हो जाता है। अगर आप इसको फिर लगाओगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की। अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं तो हमें क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, आपको रेडिश हो सकती है वहाँ पे, ठीक है, दर्द हो सकता है, खुजली हो सकती है, आपको सिर में दर्द हो सकता है, बदन में दर्द हो सकता है, लेकिन ये तब तक रहेगा जब तक इंजेक्शन का असर है, उसके बाद ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि ये कितनी कितनी डोजेज में लगेगा, कब कब लगेगा,
तो अगर आपको प्री है, पोस्ट और प्री में आप अगर आपको प्री है तो पहले इंजेक्शन आपको 0 डेज पे, उसके बाद 7, फिर 21 और फिर 28, इन डेज पे आपको इंजेक्शन लगेगा। और अगर आपको पोस्ट है, पोस्ट में आपको पहले इंजेक्शन 0 डेज पे, फिर 3, फिर 7 और फिर 12 डेज पे लगेगा। तो ये कुछ जानकारियाँ थी हमारी एंटी रबीज इंजेक्शन के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिमालय की जो हिमकोलिन जेल आती है उसके बारे में। आपने लास्ट वीडियो पे, जो कि मेरी ये वीडियो थी, इस पर बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। उससे रिलेटेड मैं फिर हिमालय की जो सेकंड वीडियो है वो आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि हिमकोलिन जेल है। हिमकोलिन जेल आपको देखने को मिल जाएगी, आपको इसके यूजेस, डोजेस, साइड इफ़ेक्ट क्या कुछ है क्या नहीं है, सारी जानकारी आज इस वीडियो में देखने को मिलेगी। देख लेते हैं कि हिमकोलिन जेल आपको किस, सबसे पहले प्राइसिंग देख लेते हैं इसकी क्या है। प्राइसिंग वैसे तो इसके ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो 120 तो 140 आपको मिल जाएगी, मतलब अगर आप 150 रुपये लेके चलो तो आपको ये जेल मिल जाएगी। उसके बाद किस काम में आती है, जैसे कि आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इन समस्या को आपको ये दूर करेगा। अगर आपका तनाव नहीं बनता, टाइटनेस नहीं होती, उसके बाद शीघ्र पतन जैसी कोई समस्या है तो उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। अब इसका देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर हमें दो हब्स मिल जाते हैं। कंपोजिशन क्या है इसकी, इसके अंदर दो हब्स मिलेंगे आपको। जो सबसे पहला हब्स है वो आपको मिलेगा ज्योतिषीमती, ठीक है। ज्योतिषीमती जो हब्स है वो आपका क्या काम करेगा कि आपके जो मसल्स हैं या फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है उसकी नसों को सुन करेगा, मतलब कि जो पेनिस की नसें होती हैं, लिंग की नसें होती हैं, उनको वो सुन करने का काम करेगा। उसके बाद देख लेते हैं कि हमारे इसके अंदर दूसरी हब्स कौन सी है। दूसरी हब्स है इसके अंदर लता कस्तूरी। तो लता कस्तूरी का हमारा क्या काम होता है, लता कस्तूरी क्या है, जो हमारे पेनिस की नसें उसके ब्लड प्रेशर को इनक्रीज़ करता है, मतलब कि जो ब्लड फ्लो होगा उसको इंक्रीज़ करेगा नसों में, जो हमारी काफ़ी ना पतली पतली छोटी छोटी नसें होती हैं उनका जो ब्लड प्रेशर होगा उनको इंक्रीज़ करेगा, उनके जो अंदर सर्कुलेशन होगी ब्लड की उसको इंक्रीज़ करेगा। तो हमें दो मेन हब्स इसको देखने को मिल जाती है इसके अंदर, जिसका आपको काम पता लग गया है। अब देख लेते हैं कि भाई इसको ना यूज़ कर पाना, कौन इसको यूज़ नहीं कर सकता। जैसे कि अगर आप सोचते हो कि भाई जिनका टेढ़ापन है या जिनका लिंग टेढ़ा है सीधा हो जाएगा तो उसमें यूज़ नहीं होगा, या फिर आप सोचते हो कि हमारी स्पर्म क्वालिटी बढ़ जाएगी या स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे तो वो भी इससे बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि भाई मन नहीं करना, उत्तेजना पैदा नहीं हो सकती, इससे वो भी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद कई लोग कहते हैं कि भाई इससे स्टेमिना इंक्रीज़ हो जाएगा, तो स्टेमिना भी इससे इंक्रीज़ नहीं होगा। उसके बाद देख लेते हैं कि भाई कितनी उम्र के लोग हैं जो इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे देखो 20 से लेके 30-40 एज तक के जो लोग हैं इसे यूज़ कर सकते हैं, जो ज़्यादा ही एज होगी जिनकी 60 से 70 तक, वो इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद देख लेते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। हमें इसको टॉपिकली लगाना होगा, मतलब ऊपर की साइड। उसके बाद हमें साइड इफ़ेक्ट अगर कुछ देखने को मिलेगा तो क्या मिल सकता है, किसी की स्किन अगर ज़्यादा पतली है तो हमें कुछ रेडनेस जैसी या रैशेज जैसे देखने को मिल सकते हैं, वो भी कोई रेयर चांसेस में, कोई 1000 में से 1 होगा जिसको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। वैसे आपको कोई समस्या नहीं होगी इसमें। इसको लगाना कैसे है, आपको फोर स्किन को पीछे करने के बाद अपने टॉपिकल के ऊपर, टॉपिकल लगाना है ये कैप के ऊपर, तो उससे आपको ये बेहतर रिजल्ट मिलेगा। कैसे करना है, अगर आप 10 मिनट पहले भी इसको लगाते हो तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसकी मालिश भी करना चाहते हैं तो सुबह शाम में इसकी आप मालिश कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। उससे क्या होगा, अगर आप मालिश करते हो तो इसके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है, तो आगे आपको बार बार ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसकी मालिश करते हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ थी आपके हिमकोलिन जेल के बारे में, आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, शेयर करो, सब कुछ करो। तो ये थी कुछ जानकारी, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिनको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है तो वो अपने डाइट प्लान में क्या रखें, क्या ना रखें, क्या खाएं और क्या ना खाएं। क्योंकि दवाई तो क्या है कि भाई मेडिसिन आप सुबह शाम खा सकते हो, लेकिन उनको खाने के लिए तो चाहिए,
सुबह दोपहर शाम कुछ तो खाएंगे वो। तो आज हम डाइट प्लान के बारे में बात करें कि वो क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं। तो क्या है कि जो हेपेटाइटिस है हमारी, वो हमारे लीवर को अफेक्टेड करती है। उसके बाद जो हमारे लीवर है वो हमारा मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। अब हम देख लेते हैं कि भाई उसको क्या नहीं खाना चाहिए क्या खाना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी हाइड्रो जनरेटेड ऑयल है, हमें वो बिल्कुल भी नहीं उसका यूज़ करना है। उसके बाद जंक फूड, जो भी जंक फूड है वो भी हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है, उससे बिल्कुल परहेज करना है। उसके बाद हमारा जैसे कोई मीठी चीज़ होगी वो नहीं खानी हमें, खानी है लेकिन वो भी बताऊंगा कि थोड़ी बहुत मात्रा में किस चीज़ में आपको मिलेगी वो खानी है आपको, वैसे आपको नहीं खानी है मीठी चीज़। उसके बाद अगर आपको क्या है कि नमक बिल्कुल, साल्ट बिल्कुल कम करना है आपका, ना बराबर ही रखना है आपको साल्ट। आपको तली हुई चीज़ों से परहेज रखना है, तली हुई चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। उसके बाद आपका क्या है कि जो अनाज आप खाओगे, जो गैस बनाते हैं अनाज, वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाने। उसमें क्या होगा आपका कि राजमा होगी, राजमा आपकी ज़्यादा गैस बनाती है कि आपको राजमा नहीं खाना है। उड़द की दाल होगी, उड़द की दाल भी आपको नहीं खानी है। तोर की दाल होगी, वो भी आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। तो क्या है कि और क्या है आइटम जो आपके भाई डेली यूज़ में आप खाते हो, जो कि आपको गैस बना सकते हैं, कि वो आपको नहीं खाने हैं? आलू हो गए, बैंगन हो गया, कद्दू हो गया, ये आपको नहीं खाने हैं। और कई लोग कहते हैं कि भाई हम सलाद खा सकते हैं सुबह के टाइम, या किसी भी टाइम की सलाद खा लिया। नहीं, आप सलाद नहीं खा सकते। अगर आपको सलाद खाना है तो आप कच्चा सलाद नहीं खाइए, क्योंकि ये जो कच्चा सलाद है वो हमारा इंडाइजेशन क्रिएट करता है, इंडाइजेशन होती है हमारे पेट में। तो आप क्या करें, सलाद को उबाल के खाइए। ठीक है, सलाद को आप उबाल के खा सकते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है। अगर हम उसके बाद डाइट की बात कर ले कि भाई हमें डाइट में क्या खाना चाहिए, हमें कार्ब्स खाने चाहिए। अगर आप प्रोटीन खाते हो तो डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लगता है, लेकिन अगर आप कार्ब्स खाओगे तो डाइजेस्ट भी जल्दी होगा और शरीर में भी थोड़ा बेहतर रहेगा। उसके बाद जैसे गेहूं, चावल, अपना मूंग की दाल, चना, मक्का, ये सब आप खा सकते हो डाइट में आपकी में। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर हमें दूध कैसा पीना चाहिए, दूध गाय का या भैंस का। तो अगर आप भैंस का दूध पीते हो तो उसमें आपका फैट ज़्यादा है, तो वो आपको नहीं पीना। आपको गाय का दूध ज़्यादा पीना है, भैंस का दूध आपको नहीं पीना है। उसके बाद अगर हम फलों की बात कर सकते हैं तो हम फलों में क्या कुछ खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। तो अगर हम आम खाते हैं तो आम आपको नहीं खाना, क्योंकि आम में आपकी शुगर ज़्यादा होगी, तो आम से आपको बिल्कुल परहेज रखना है। उसके बाद आप क्या खा सकते हो, चीकू, शक्करकंदी, उसके बाद केला, पपीता, ये सब आप खा सकते हो इसमें। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर ड्राई फ्रूट्स भी अगर हम खाएं तो ड्राई फ्रूट्स में हम क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते। ड्राई फ्रूट्स में हम काजू, बादाम, ओलिव ऑयल, अगर आप सोया ऑयल यूज़ करते हो तो आप उसके जगह ओलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आप ओलिव ऑयल को ज़्यादा यूज़ करें। उससे बाद आपको क्या है कि आपको स्टार्च से भरी चीज़ें खानी है, जिसमें कि स्टार्च भरपूर भर रखा हो, उससे भरी सब्जियाँ खानी है। और आप क्या खा सकते हो, और आप खा सकते हो खिचड़ी, चावल, दाल, दलिया, मक्का। ये डाइट एक पेशेंट के लिए, एक नॉर्मल मरीज के लिए बहुत है, ये एक दिन भर में आराम से खा सकता है। तो ये सब डाइट थी हेपेटाइटिस के मरीज के लिए। अगर वो दिन में दवाई तो खाएगा ही खाएगा, उसके साथ में अगर खाना चाहे तो इनमें से आपको बता दिया क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो ये सब वो खा सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब कुछ करो। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। हम इस चैनल पे ऐसी ऐसी मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लीवर के बारे में, कि लीवर के लिए हम कौन कौन सी टैबलेट या फिर सिरप हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लीवर के लिए हम लीव 52, लीव 52 DS, या लीव 52 की हम HB की टैबलेट, या लीव 52 DS में हम सिरप यूज़ कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि भाई ये किस किस काम में यूज़ आता है। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस बी जैसी कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई क्रोसिस जैसी दिक्कत है, जॉन्डिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इन सभी के लिए ये टैबलेट बहुत फ़ायदेमंद है। तो देख लेते हैं, अब जैसे कि हमारे शरीर में कोई कमज़ोरी जैसी फीलिंग हो रही है कि भाई हमें बहुत कमज़ोरी लग रही है, या फिर भूख ना लगना अच्छे तरीके से,
कि दिन में आप थोड़ा बहुत ही खाना खाओ तो आपको भूख नहीं लग रही है अच्छे से, या फिर आपको गैस बन रही है, ठीक है, उसके बाद आपका क्या है कि अपाचक जैसी कोई दिक्कत है या फिर उल्टी जैसी कोई प्रॉब्लम है, आपको ज़्यादा उल्टियाँ लग रही हैं, तो उसमें ये टैबलेट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये टैबलेट एक हर्बल टैबलेट है, ठीक है, हर्बल टैबलेट है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट देखने को मिल जाते हैं। हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं हिमसरा, कासनी, मंडूर भस्म, कासरमर्द, अर्जुना, कासमार्दा और ब्रिनशिफा, जावुका, पूर्णवा, तो ये सब हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं कि भाई ये जैसे कि हमारा जो लीवर में किरोसिस है, ठीक है, उसके लिए बहुत ही बेस्ट टैबलेट है, और वो कौन सी है, लीवर 52, या फिर हम लीवर 52 DS भी ले सकते हैं उसमें। तो हम ये टैबलेट कब लेते हैं, हमें ये टैबलेट कब लेनी चाहिए, ठीक है, जब हमारा जो लीवर में जैसे हमारे लीवर किरोसिस हो जाता है, जिसमें कि लीवर किरोसिस क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। लीवर किरोसिस में क्या है कि जो हमारा लीवर है वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, उसके जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, जो ब्लड सप्लाई है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, तो इसको हम लीवर किरोसिस कहते हैं। तो इसमें टैबलेट बहुत फ़ायदेमंद है, आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जैसे लीवर किरोसिस जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है, लीवर किरोसिस की नेक्स्ट स्टेज हमारी क्या है, वो है कैंसर, ठीक है, अगर हम लीवर किरोसिस का हम उपचार नहीं करते हैं, उसके मेडिसिन नहीं चलाते हैं, तो कैंसर वाली स्टेज पे भी हम पहुंच सकते हैं। उसके बाद अगर जैसे पीलिया जैसी समस्या है अगर आपको, तो हम लीव 52 DS भी ले सकते हैं, लीव 52 भी ले सकते हैं, उसमें हमारा पीलिया है जो वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर के अकॉर्डिंग अगर आप लेंगे तो आपको 1 महीने तक ये टैबलेट चलानी पड़ेगी, उसके बाद आपका ये पीलिया ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि अल्कोहल जो लोग करते हैं उनका लीवर पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, अल्कोहल से लीवर पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ये टैबलेट हम चलाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि भाई इसमें फ़र्क क्या है, कि जो लीव 52 भी है और DS भी है और HB भी है, तो जो लीव 52 है और DS है इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है खास, बस जो हमारी लीव 52 है इसमें जो डबल डोज हो जाएगी उसकी, ठीक है, जो लीव 52 का काम है उससे डबल डोज हो जाएगा लीव 52 DS का, तो ये DS तक का फ़र्क है। उसके बाद अगर हम HB का फ़र्क देख लेते हैं, तो एक इसके लिए स्पेशली फॉर हेपेटाइटिस बी, जिसको हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम है उसके लिए स्पेशल मेडिसिन है। उसके बाद अगर हमारे देख लेते हैं कि हमारा सारा कवर हो गया है हमारा, कि भाई डोजेज कैसे लेंगे, डोजेज वैसे तो भाई कंपनी के अकॉर्डिंग कहते हैं कि भाई हर्बल की है जैसे लीव 52, तो वो कहते हैं कि भाई दो दो टैबलेट सुबह शाम में, लेकिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग या हमारे अकॉर्डिंग तो एक एक टैबलेट सुबह शाम में लेना बहुत अच्छा है। तो आशा है आपको लीव 52 के बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आने वाले टाइम में हम मेडिसिन से रिलेटेड ऐसी वीडियो डालते रहते हैं, तो धन्यवाद। पिंपल से परेशान हो, पता था मुझे, तो आज हम कुछ ऐसे घरेलू उपाय आपको बताएंगे कि जिससे कि आपके जो पिंपल्स हैं वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो दाने हो गए हों या पिंपल्स हो गए हों। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर जो टीनेज हैं या फिर जो 20-22 साल से ऊपर के बच्चे हैं, तो उनको अगर पिंपल्स या फिर दाने हो गए हैं चेहरे पे, तो उनको कैसे ठीक करें। क्योंकि क्या है कि जब बच्चे या कोई भी लड़का है या लड़की है, तो 12 साल से या 13 साल से उम्र के ऊपर जाता है, तो उसके चेहरे पर दाने आ जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई हार्मोन्स चेंजिंग की वजह से आ जाते हैं, ठीक है उनकी बात, लेकिन अगर जिन बंदों को 20 साल, 22 साल, 25 साल, इतनी एज में जाके भी पिंपल्स या दाने हो रहे हैं, तो उनका क्या कारण है, तो उनको कैसे ठीक किया जाए। तो उनको ठीक करने के लिए आप घरेलू उपाय मैं आपको 2-3 बताता हूँ, वो यूज़ कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, गर्म दूध लेना है, गर्म दूध 1 गिलास, उसमें आपको 1 चम्मच हल्दी मिला के डेली पीना है। उससे आपको जब तक पीना है, जब तक आपके कि पिंपल्स ठीक ना हो जाए, इसका रिज़ल्ट आपको 15-20 दिन या 1 महीने में बिल्कुल मिल जाएगा। और रिज़ल्ट मिलने के बाद आपके चेहरे पे कोई दाने नहीं रहेंगे, बिल्कुल साफ चेहरा, चमकदार चेहरा निकल आएगा। उसके बाद अगर आपको दूसरा उपाय बताया जाए, दूसरे में आपको क्या करना है, आधा चम्मच हल्दी लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाना है, उसको एक पेस्ट की तरह बना लो, आधा चम्मच पेस्ट बन जाएगा वो। उस पेस्ट को फेस पे जितने भी दाने हैं या पिंपल्स हैं उन पे रखना है,
मसलना नहीं है या कोई मसाज नहीं करनी है उसकी, उन पे रखना है ताकि वो पिंपल्स है वो पूरा कवर हो जाए। ये आपको 15 से 20 मिनट तक रख के रखना है। उसके बाद आपको चेहरे को वॉश कर लेना है। अब वॉश के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कभी भी कोई ऐसा फेस वॉश या फिर कोई ऐसी क्रीम ना लगाएं जिसके कि आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले। मैंने आपको ऑयल बताया था, आप ऐसा ऑयल लगाएं जो आप खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो कोई भी ऐसी बाहर की क्रीम या फिर सोप ऐसी ना लगाएं जिससे कि आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले। आप क्या कीजिए, गुलाब जल ले, उसके 2 से 3 चम्मच एक कटोरी में निकाल लो, रुई से भिगो लो उसे, उसके बाद अपने फेस को वॉश करो, उससे पूरे फेस को साफ करो उससे, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लो। तो ये है अपने फेस को वॉश करने का तरीका। तो ये कुछ घरेलू उपाय थे जिससे कि आप अपने पिंपल्स को जड़ से ख़त्म कर सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं कि अगर हमें फेस वॉश करना है, फेस वॉश कभी भी कोई आप सोप ना लगाएं, कोई फेस वॉश यूज़ ना करें, ठीक है। आप क्या कर दें, जो मैंने अभी आपको बताया है कि आपको गुलाब जल लेना है 2 से 3 चम्मच एक कटोरी में, उसको रुई से अच्छे से भिगो लें और वो फेस पे लगाना है आपको। उसके बाद आपको फेस वॉश करना है, आपका चेहरा चमकदार निकल आएगा, ठीक है, सारा डस्ट पार्टिकल हट जाएगा। तो ये तो कुछ घरेलू उपाय अगर जिनको फुंसी या फिर दाने हो गए हैं फेस पे उनके लिए। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि कई जो लोग हैं उनका क्वेश्चन आया है कि भाई एक जो हमारा लाइसेंस होता है फार्मासिस्ट का, उस पर हम कितने मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। तो एक्चुअल में पहले क्या होता था, जब ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था तो एक ही जो फार्मासिस्ट का लाइसेंस है उसी की फोटोकॉपी करा के लोग दो दो तीन तीन मेडिकल स्टोर भी, होलसेलर की शॉप भी खोल लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि अब क्या हो गया, अब सब कुछ ऑनलाइन में चला गया। अब जो रजिस्ट्रेशन के बाद हमें लाइसेंस मिलता है वो ऑनलाइन हो गया है। और क्या है कि ऑनलाइन होने के बाद जो फार्मासिस्ट का लाइसेंस है उस पर अगर हम कोई मेडिकल स्टोर खोल लेंगे तो वो भी हमारा ऑनलाइन चला जाएगा। कोई भी मेडिकल स्टोर खोलते हैं, उसकी जगह, प्लेस का नाम, ये हमारी जगह कितनी बड़ी है, ये सब कुछ हमारा ऑनलाइन चला जाएगा फार्मासिस्ट के नाम के साथ। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी हमारी कि हम फार्मासिस्ट के जो लाइसेंस है, एक लाइसेंस, उसके ऊपर कितने मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और कितने नहीं। तो ध्यान रखिए, एक लाइसेंस के ऊपर हम सिर्फ एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपको कुछ घरेलू ऐसी चीज़ बताएंगे हम जिससे कि आपका गोरा निखार, चमकदार स्किन, ये सब बाहर आएगा। जो हमारे फेस पे पोटेंशियल है वो बाहर आ जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके घर पे ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हैं जिससे आप ये सब कर सकते हो। आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल, धूप में स्किन टोन हो जाना, फिर पोल्यूशन की वजह से आपके बिल्कुल फेस डल हो जाना, तो आपकी बिल्कुल स्किन एकदम ग्लो होकर निकलेगी। जो आपका ओरिजिनल कलर है वो बिल्कुल ब्राइटनेट होके, ब्राइटनेस होके बाहर आएगा। तो ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर पे ऐसी क्या चीज़ आप बना सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 3 चम्मच बेसन लेने हैं, उसके बाद 2 चम्मच आपको शहद लेना है, उसके बाद 2 चम्मच आपको गुलाब जल, और उसमें 1/2 चम्मच आपको हल्दी मिक्स कर लेना है। ये मिक्स करने के बाद आपको अच्छे से इसका लेप बना लेना है। इस लेप को आप पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद, पूरे फेस पे लगाने के बाद 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है। अच्छे से मसाज करने के बाद आपको 15 से 20 मिनट तक इसको फेस पे लगा रहने देना है और सूखने देना है। इसके बाद ठंडे पानी से या ताज़े पानी से आप अपने फेस को वॉश कर लो, साफ़ कर लो। उसके बाद आप तौलिए से फेस को साफ़ कर लो। 1 चम्मच ग्लिसरीन, उसमें 1 चम्मच गुलाब जल मिक्स कर लेना है अच्छे से, और वो आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है और 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 15 से 20 मिनट छोड़ने के बाद
अपने फेस को अच्छे से साफ कर लो। साफ करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा, दिन प्रतिदिन जो आपकी ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, स्किन टोन बढ़ता जाएगा, और जो आपका फेस पे निखार आएगा, चमक आएगी, काबिले तारीफ होगी। आप कहोगे डॉक्टर साहब सबसे बेस्ट चीज़ बताई है आपने। अगर आपका बॉडी का कलर स्किन टोन की वजह से चेंज हो गया है, तो आप पूरी बॉडी पे भी इसको लगा सकते हो। सिर से लेके पैर तक आपका एक ही स्किन टोन रहेगा। तो ये थे कुछ घरेलू उपाय, आशा है आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आपको रूसी झड़ना हो गया है, रूसी झड़ना मतलब कि अगर आपने आपके बालों से डैंड्रफ गिर रहा है, आपने ब्लैक शर्ट डाली हुई है, उस पर वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद सब पाउडर पड़ रहा है, आप टेबल पे बैठे हैं, टेबल पे बालों में से पाउडर पड़ रहा है, तो हम इसे रूसी झड़ना कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई इस रूसी झड़ना का क्या इलाज है, वो भी घरेलू। हम किसी मेडिसिन की तरफ नहीं जाने वाले, कोई शैम्पू की तरफ नहीं जाने वाले, कोई तेल की तरफ नहीं जाने वाले। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये रूसी झड़ना को बंद करना है, क्या है, जो हमारे जो स्कॉल्प हैं वो हमारे जो डेड स्किन सेल्स को छोड़ते हैं, जिस वजह से हमारे पाउडर पाउडर सा है जो ये हमारा नीचे गिरता है। अब हमें क्या करना है कि 50 ग्राम नारियल का तेल लेना है। 50 ग्राम नारियल के तेल में 2 कपूर की गोली डाल के मिक्स कर लेनी है। कपूर की गोली नारियल के तेल में मिक्स हो जाएगी 5-7-10 मिनट मिक्स करने के बाद अपने आप। उसके बाद जिस भी चीज़ में आप उसे मिक्स करो, उसे टाइट बंद कर दो, क्योंकि जो कपूर की गोली का कंपोजिशन होगा नारियल के तेल के मिक्स होने के बाद, वो ऐसा होगा कि वो उड़ जाएगा, तो इसलिए उसे किसी टाइट चीज़ में बंद कर दो। जब भी आपको लगाना हो तो उसे खोलो और लगाओ। अब उसे लगाना कैसे है, आप उसे सुबह भी लगा सकते हैं, अच्छे से मसाज कर ली सिर की, छोड़ दिया उसे 15-20 मिनट तक, फिर उसे वॉश कर लिया, या फिर आप रात को लगा के सो सकते हैं, जिसे क्या है कि आप रात को लगा के सोएंगे, सुबह उठेंगे फिर आप अपना सिर वॉश कर लो या नहा लो। तो ये एक आयुर्वेदिक इलाज है जो कि आपके लिए डैंड्रफ के लिए सबसे बेस्ट है, एक घरेलू इलाज। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे पास लिक्विड आते हैं, जैसे DNS, D5, RL, इन चीज़ों के बारे में कि हमें कब कौन सी लगानी चाहिए। तो वैसे तो हमारे पास बहुत सारी आती है, लेकिन हम जो बात करेंगे आज, कुछ गिनी चुनी की बात करेंगे जो कि हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करने वाले हैं DNS के बारे में, जो कि हमें 500 ml की पैकिंग में मिलेगी। ये हमारे किस काम में आती है, अगर हमें जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, या फिर डायरिया जैसी समस्या देखने को मिलती है, तो हम इस चीज़ में DNS को यूज़ करेंगे। वैसे तो ये 24 आवर के अंदर हम 3 से 4 बोतल लगा सकते हैं, अगर इससे हम ज़्यादा लगाएंगे तो हमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। साइड इफ़ेक्ट की बात हम एंड में करेंगे कि हमें क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। अब DNS के बाद हम देख लेते हैं, अगर हमें RL लगानी पड़े तो RL हमारी जो है 500 ml की पैकिंग में आती है, जो कि हमें जैसे कि उल्टी दस्त की समस्या हो, डायरिया हो गया हो, डिहाइड्रेशन हो गई हो, या फिर हम सर्जरी के बाद भी इसको पेशेंट को लगा सकते हैं, या फिर जैसे हमें किसी न्यूट्रिशन की कमी है तो हम उसमें भी इसको लगा सकते हैं। ये बोतल भी हमें 24 आवर के अंदर हमें 3 से 4 बोतल ही लगानी होती है, उससे ज़्यादा अगर हम लगाते हैं तो हमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं NS की। NS में क्या होता है, हमारा सोडियम क्लोराइड होता है जो कि 0.9% होता है। ये भी हमारी 500 ml की पैकिंग में आती है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें कोई चोट लग गई है, हमें कोई घाव हो गया है, तो उसको वॉश करने के लिए, मतलब उसको साफ करने के लिए ये सबसे अच्छी रहती है, अगर हम नॉर्मल वाटर से उस घाव को साफ करते हैं, उसके बजाय अगर हम सोडियम क्लोराइड से साफ करेंगे NS से, तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि जो हमें IV फ्लूड के इंजेक्शन है, जैसे आयरन सुक्रोज के लगा लो आप, आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन है वो हम इस IV फ्लूड में मिला के उसको लगा सकते हैं किसी भी पेशेंट को, जैसे कि किसी के पानी की कमी हो रही हो, ठीक है, डायबिटिक का कोई पेशेंट हो, हम उसको भी लगा सकते हैं NS। उसके बाद हमारे पास दो आती हैं, D5 और D10। D5 और D10 में क्या फ़र्क है, जो D5 है उससे डबल हो जाएगा D10 में,
तो हम D5 में देख लेते हैं कि क्या D5 में, जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा कमजोरी है, वीकनेस है, शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा, ना कुछ काम करने का मन उठा नहीं जा रहा, उसमें हमें लगाते हैं, हमें चक्कर जैसा महसूस होता है कि भाई चक्कर आ रहे हैं खड़े होते ही, उसमें हम D5 और D10 लगाएंगे। अब इन सब की जो है साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं, अगर हम 3 से 4 बोतल से ज़्यादा अगर हम लगाएंगे तो हमें क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। हमें जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा वो है क्रोमोफ्लोवाइटिस, ये हमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, हमारे शरीर में कहीं पे सूजन आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगी, हमारा ब्लड प्रेशर एकदम से बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठंड लगने लग जाएगी, शरीर कपकपाने लग जाएगा, चक्कर आने लग जाएंगे आपको, उल्टी आने लग जाएगी आपको, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें प्रेग्नेंट वूमन में, तो वो डॉक्टर की कंसल्ट के बाद हम 1 या 2 फ्लूड उसमें लगा सकते हैं प्रेग्नेंट वूमन को। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें 100 ml में भी काफ़ी IV फ्लूड्स हमें मिल जाते हैं, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तब बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है प्लेविन का ऑयल, ठीक है, जो कि एक आयुर्वेदिक ऑयल है जिसके अंदर हमें अश्वगंधा देखने को मिल सकता है। तो आज हम इस टॉपिक पे जो बात करने वाले हैं प्लेविन ऑयल के बारे में, तो देख लेते हैं कि किस काम में आता है, क्या इसके यूज़ हैं, क्या इसके डोजेज हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। प्लेविन ऑयल को हम इस काम में ले सकते हैं अगर हमारे लिंग के अंदर तनाव नहीं बन रहा है, ठीक है, या फिर जिनका लिंग छोटा होता है, साइज छोटा है, अपने लिंग से संतुष्ट नहीं हो कि साइज छोटा है या फिर पतला है या फिर ज़्यादा उनका स्टेमिना नहीं है, तो ये प्लेविन ऑयल इसी काम में आएगा कि उनका जो स्टेमिना है उसको इनक्रीज़ करेगा। जिनका लिंग छोटा है उनको थोड़ा बड़ा करेगा, थोड़ा साइज इंक्रीज होगा उनका, या जिनका मोटापा कम है उनका थोड़ा मोटापा बढ़ाएगा लिंग का। तो इस लिंग को यूजेस कैसे करते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं, इस लिंग को हमें लगभग सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम इससे मसाज करनी है। हमें ज़्यादा प्रेस करने के बाद मसाज नहीं करनी, हमें थंब के इस हिस्से से मसाज करनी है, ऐसे इस हिस्से से। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको ना तीनों टाइम मसाज करना होगा लगभग 1 महीने तक। 1 महीने तक मसाज करने के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर इससे बेहतरीन रिजल्ट चाहिए आपको, कि इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले, इस रिजल्ट में भी आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप प्लेविन के जो कैप्सूल आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। इनके साथ में आप इन कैप्सूल को खा सकते हैं, या फिर जिनके लिंग में तनाव नहीं बन पाता उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन कैप्सूल है और ऑयल है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। उम्मीद है, आशा है कि आप सभी ठीक होंगे और अपने घर पे स्वस्थ होंगे। तो आज हम ये जान लेते हैं कि भाई अभी देश विदेश में क्या चल रहा है। अभी सबसे जो बड़ी महामारी चल रही है जो कि चीन में आ चुकी है वो है कोरोना वायरस। उसका जो वेरियंट आ रहा है BF.7 का। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे आ रही है पिछले 24 घंटे में जो हमारे यहाँ केस आ रहे हैं 227 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मिला जुला के जो हमारे भारत में जो केस आ चुके हैं वो है 3,224 केस। जो टोटल केस है, जो एक्टिव केस है वो है हमारे 3,224। इसके बाद जैसे हमारे जो चीन में, अमेरिका में, कोरिया में, जापान में सबसे ज्यादा BF.7 को देखने को मिल सकता है कि भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस हमारे हैं। अगर हम सबसे मेन बात जो बात करें कि भाई आपकी सुरक्षा की, कि आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या देखने को लक्षण मिलेंगे या किस वजह से आपको ये हो सकता है, नहीं हो सकता, वैसे अभी तक नहीं हो सकता कि आप सभी को ये है, तो भारत में भी ये केसेस इतने ज्यादा नहीं है जिस वजह से कि हमें लॉकडाउन वगैरह लगाना पड़े, तो ये केसेस अभी नॉर्मल है। और जहां तक उम्मीद है कि भारत में नहीं आएंगे, ये जो B7 का वर्जन है ये नहीं आएगा भारत में। तो अभी मैं आपको इसके सिम्टम्स बता देता हूँ। सिम्टम्स आपको स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा मैं, आपको आप देख लीजिएगा कि सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके। सिम्टम्स है इसके जैसे गले में खराश होना, छींक आना, बंद नाक या फिर जो बहती नाक, खांसी आना आपको सूखी, सिर दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना या फिर आपको बलगम वाली खांसी हो, बोलने में परेशानी हो, शरीर में दर्द हो, गंध ना आना और फीवर बुखार जैसी समस्या। अगर ये आपको देखने को मिलता है तो आप तुरंत से तुरंत डॉक्टर को चेक करवाइए
और जल्दी से जल्दी अपना इलाज कराइए। हो सकता है कि आपको 5 से 7 दिन आप अपने घर पे रहिए, जो बुजुर्ग हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें। तो ये था कोरोना के बारे, इसके बारे में कुछ अपडेट्स, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उसमें कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है जब उनकी डिलीवरी होती है। कभी कभी जो प्रेग्नेंट वूमेन है उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि जो यूट्रस है, यूट्रस की वाल है वो कॉन्ट्रास्ट हो जाती है। कॉन्ट्रास्ट होने के बाद जो उनका सर्वेक्स है वो अच्छे से खुल नहीं पाता, पहली समस्या। जिनमें कि उनको पेन होता है उसमें कौन सा इंजेक्शन लगाए। दूसरी बात, अगर इसकी जो यूट्रस की वाल है वो कॉन्ट्रास्ट हो भी गई और जो सर्वेक्स का मुंह है वो भी हल्का 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर जिन्हें हम कहते हैं वो खुल भी गया लेकिन पेन नहीं हो रहा, ये भी दूसरी समस्या। उसके बाद टाइम से पहले मतलब कि 7 महीने 8 महीने, इस टाइम में उनको पेन होना बहुत ज़्यादा, जो कि टाइम से पहले कहते हैं जिसे हम। तो इन समस्याओं में हम जो डॉक्टर्स हैं तो वो कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे जिससे कि डिलीवरी हो। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि हम IM मतलब कि इंट्रामस्कुलर और इंटरवाइंस हम कहीं भी लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन कब लगाया जाएगा? ये इंजेक्शन तब लगाया जाता है जैसे कि जो हमारी यूट्रस की वॉल है वो कॉन्ट्रास्ट हो रही है, सर्वेक्स है वो अच्छे से नहीं खुल पा रहा। तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाने के बाद जो पेन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब पेन स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि जो यूट्रस वाल है वो तभी कॉन्ट्रास्ट होती है जब मंथ पूरे हो जाते हैं, 9 महीने पूरे हो जाते हैं, ठीक है। और हमारा जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है वो किस काम में आता है? जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन में, बेबी होने के बाद जो वूमेन में मिल्क प्रोडक्शन की प्रक्रिया है उसको ज़्यादा करने में ये इंजेक्शन काम आता है। या फिर जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है वूमेन को तो उसको रोकने के लिए भी इंजेक्शन बहुत काम आता है। लेकिन हमें कुछ चीज़ों का ना ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि अगर इसके साइड इफ़ेक्ट हम देखें तो हमें इसको साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है, जैसे कि इरेगुलर हार्ट बीट का ऊपर नीचे होना, ज़्यादा होना कम होना, उल्टी जैसा महसूस होना, घबराहट लगना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है लेकिन बहुत ही कम, ठीक है। अब जैसे कि हम दूसरे इंजेक्शन के बारे में बात करें तो दूसरा इंजेक्शन है मिथाइल एर्गोमेंटिन। तो मिथाइल एर्गोमेंटिन का क्या काम है, कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं? तो मिथाइल एर्गोमेंटिन इस काम में आता है कि जैसे लेडीज़ प्रेग्नेंट है, उनका कॉन्ट्रास्ट भी हो चुका है यूट्रस में, ठीक है, उनका सर्वेक्स भी अच्छे से नहीं खुला है, मतलब कि 1 फिंगर 2 फिंगर तक खुला है, उसके बाद भी मतलब जब बच्चा होने वाला हो, डिलीवरी होने वाली हो, तो जो माँ है वो ताकत नहीं लगा पा रही है, ठीक है, जिसको कहते हैं कि बेहोश हो रही है या फिर ताकत नहीं लगा पा रही है, बच्चा अच्छे से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो इस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, ठीक है, जिससे कि जो वुमेन है उसको ताकत मिलेगी कि वो डिलीवरी अच्छे से कर सके। इस इंजेक्शन को भी हम IM IV लगा सकते हैं, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावाइंस। इंजेक्शन हमें टैबलेट के फॉर्म में भी मिलता है और इंजेक्शन के फॉर्म में मिलता है। टैबलेट के फॉर्म में हमें 0.125 mg के फॉर्म में मिलेगा और इंजेक्शन के फॉर्म में हमें 0.2 ml के फॉर्म में मिलेगा। जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट भी इसके वही देखने को आपको मिल सकते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट, जिससे कि वुमेन को समस्या हो सकती है, कोई 1% चांस होता है ऐसा कि भाई हार्ट बीट स्लो हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। अब हम बात करेंगे थर्ड इंजेक्शन के बारे में जो कि है वोलेथामेथब्राइड। इस इंजेक्शन का क्या काम होता है पहले देख लेते हैं कि ये जो इंजेक्शन है ये 8 mg में आपको मिलेगा
उसके बाद अगर हम इसका काम देख लेते हैं कि क्या है? इसका काम ये है कि अगर जो हमारा यूट्रस की वॉल है वो कॉन्ट्रास्ट हो चुकी है, लेकिन जो हमारा सर्वेक्स है वो ओपन नहीं हुआ है अच्छे से, जिससे कि हम बच्चादानी कहते हैं, बच्चादानी का मुंह नहीं खुला है, जो कि 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर इस चीज़ में हमारा काउंट होता है। अगर बच्चादानी का मुंह नहीं खुला है तो उस चीज़ में काम आता है, ताकि जो बच्चादानी का मुंह है वो अच्छे से खुल सके और नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो ये 3 समस्या हमारी जो मेन है कि लेडीज़ को ये समस्या हो सकते हैं या होती ही हैं, उन सभी के लिए ये 3 इंजेक्शन काम आते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मेडिकल से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम आपको हिमालय की जो सभी मेडिसिन है ना, उनके बारे में कुछ जानकारियां देंगे, कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। तो बने रहिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, और सबसे आखिरी में आपको एक ऐसी मेडिसिन बताऊंगा हिमालय की, जिसको कम से कम 10 में से 8 बंदे जरूर लेते हैं, उनको ये प्रॉब्लम जरूर होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिमालय की LEAF-52 टेबलेट के बारे में, जिसमें कि हमें देखने को मिलता है कि हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हैं। और ये इसमें हमारा किस काम आएगी, जैसे कि हमारे एपिटाइटस हो गए, पीलिया हो गया, एनीमिया हो गया, इन जैसी समस्या को ठीक करने में काम आओगे। और LEAF-52 है वो हमारे जो लीवर के है उसको भी रिपेयरिंग करती है। उसके बाद हम देख लेते हैं हिमालय के LEAF-52 DS टेबलेट के बारे में। तो LEAF-52 DS टेबलेट है वो हमारे किस काम आएगी, जैसे हमारा फैटी लीवर हो गया है, ठीक है, भूख नहीं लगती हमें, पीलिया जैसी समस्या, उनको भी बिल्कुल ठीक करती है। उसके बाद हम देख लेते हैं हिमालय की पाइलक्स टेबलेट, जो हमारी जो रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, रेक्टल की ब्लीडिंग, ठीक है, जिसको हम बवासीर भी कहते हैं, उसमें भी ये बहुत कारगर दवाई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हिमालय की स्पीमन टैबलेट के बारे में। हिमालय की जो स्पीमन टैबलेट है वो किस काम आती है, हमारी मेल इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट, लो सेक्सुअल वर्टिलिटी, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इन सभी में हमारे काम आएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हिमालय की सिस्टोन टैबलेट के बारे में, जो कि हमारा जो किडनी स्टोन है उसको निकालने में काम आती है, हमारी यूरिन में इन्फेक्शन है उसको ठीक करने में काम आती है। उसके बाद हम बात करते हैं हिमालय की सेप्टिलिन टैबलेट के बारे में, जो कि हमारे बुखार में काम आती है, ठीक है, हमारा वीक इम्यून सिस्टम हो रहा है उसमें काम आती है। आप इसको वैसे नॉर्मली भी खा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम क्या है कि जो कोरोना का 20F7 आ रहा है वो हमारी जो वीकनेस है उसको ही टारगेट करता है, तो आप इसमें ये खा सकते हो मेडिसिन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हिमालय की जो कॉन्फिडो टैबलेट है वो किस काम में आएगी, जो हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, लो सेक्सुअल वर्टिलिटी होती है, लो स्पर्म काउंट होता है, इन सब में कॉन्फिडो की, वैसे मैंने हिमालय की कॉन्फिडो की, सिस्टोन की, स्पीमन की, LEAF-52 की, 52 DS की, सभी की एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो मेरे आपको चैनल पे मिल जाएगी देखने को। तो उसके बाद हम देखने को मिल जाता है हमें हिमालय की जो अबाना टेबलेट है उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, वो हमारे किस काम में आएगी, वो हमारी आएगी जो आए हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो या हमारा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहा हो, तो इस काम में हिमालय की अबाना टेबलेट काम आएगी। उसके बाद हम देख लेते हैं हिमालय की गैसेक्स टेबलेट, आपको नाम तो ही पता लग गया होगा गैसेक्स टेबलेट किस काम में होगी, जो हमारी गैस है उससे रिलेटेड है ये सारे काम, जैसे हमारे एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गए, गैस पेन हो गया, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, इनडाइजेशन जैसी समस्या है, उन सभी में ये काम आएगी हमारी टैबलेट। अब जो आखिरी और मेन टैबलेट है, वैसे ये आखिरी नहीं है, मैं सेकंड पार्ट में आपको और मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, ये टोटल आपको 10 मेडिसिन के बारे में बताया है अभी। जो सबसे आखिरी और मेन टैबलेट है जिसका मैंने स्टार्टिंग में आपको जिक्र किया था, तो ये है हिमालय की मेंटेट टैबलेट। हिमालय की मेंटेट टैबलेट ये किस काम में आती है, ये बहुत सारे काम में आती है, जिसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। सबसे पहले मैं आपको कुछ 4-5 बता देता हूँ, जिससे आपको अंदाजा लग जाए मेंटेट टैबलेट किस काम में आएगी। जो हमारी मेंटल इलनेस है, या जो बंदे डिप्रेशन में है, या जिनको डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही है उसमें, डिप्रेशन में काम आएगी, एंग्जाइटी में काम आएगी, पार्किंसन डिसऑर्डर में काम आएगी, मेमोरी लॉस जैसी समस्या में काम आएगी। तो ये थे हिमालय की कुछ टैबलेट्स जिसके बारे में आज हमने जिक्र किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगले वीडियो को लेके आएंगे हम आपको बहुत जल्दी।
जिसमें आपको हम और ही मोहल्ले की टैबलेट्स के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। आज की वीडियो में हम यूरिन से संबंधित सभी टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये टर्म्स या फिर नाम आपको कहीं भी देखने को मिल सकते हैं और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि यूरिन ना आना, या फिर यूरिन ज़्यादा आना, या फिर यूरिन में ग्लूकोज आना। तो इस तरह की टर्म्स आपको कहीं भी दिखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हमारी पहली टर्म है ए न्यूरिया। इसका मतलब होता है अब्सेंस ऑफ यूरिन या फिर पेशाब का ना होना। तो जब भी किसी को 12 घंटे तक पेशाब नहीं होता है तो उसे हम ए न्यूरिया कहते हैं, या फिर आपको ये नाम कहीं भी या किसी रिपोर्ट में देखने को मिल सकता है। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं? तो मेनली इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण है किडनी स्टॉप प्रोड्यूसिंग यूरिन, यानी कि या तो आपकी जो किडनी है वो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं कर रही है। नंबर टू, ब्लॉकेज इन आउटफ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारी किडनी का डायग्राम है, ये दोनों हमारी किडनी है। तो किडनी में क्या होता है, किडनी में यूरिन या फिर पेशाब बनता है। ये पेशाब यहाँ से इस रास्ते से, इसे हम कहते हैं यूरेटर या फिर पेशाब की नली। तो इस नली से यहाँ पर इस थैली में आ जाता है, जिसे कि हम कहते हैं ब्लेडर या फिर पेशाब की थैली। तो इस थैली के बाद यहाँ से ये बाहर निकल जाता है, जिसे कि हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो जब भी किडनी से लेकर इस ब्लेडर के बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कोई रुकावट हो जाती है, तो उसके कारण जो हमारा पेशाब है वो बाहर नहीं निकल पाता। तो ये भी ए न्यूरिया का एक कारण हो सकता है। और हमारा पहला कारण था किडनी स्टॉप प्रोड्यूसिंग यूरिन, यानी कि जो किडनी में यूरिन बनना चाहिए किसी कारण से वो नहीं बन रहा है, तो भी हमें ए न्यूरिया या फिर हमें पेशाब ना आने की समस्या हो सकती है। अगली टर्म है यहाँ पर डायूरेसिस, जिसे कि हम पोली यूरिया भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा यूरिन का आउटपुट होता है या फिर जो यूरिन का प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि हमें बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। तो इसके क्या क्या कारण होता है वो भी हम जान लेते हैं। तो मेनली यहाँ पर हमने इसके तीन कारण लिए हैं। पहला कारण है डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो जब भी किसी को डायबिटीज़ या फिर शुगर की प्रॉब्लम होती है तो उसे बार बार पेशाब का पास करने के लिए जाना पड़ता है। नंबर टू, किडनी डिसीज़। यदि आपको कोई किडनी से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो भी आपको बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ सकता है। और नंबर थर्ड है मेडिकेशंस, यानी कि कुछ ऐसी दवाएं होती है जिन्हें लेने से आपको बार बार पेशाब पास करने के लिए जाना पड़ सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगली टर्म है डायसूरिया। तो जहाँ भी आपको डिस देखने को मिलता है, यानी कि DYS देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है पेनफुल। तो यहाँ पर है पेनफुल यूरिनेशन, यानी कि आपको पेशाब करते समय दर्द होता है। तो ऐसा कब कब होता है ये भी हम जान लेते हैं। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि UTI या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाना, या फिर ब्लेडर स्टोन, यानी कि पेशाब की थैली में पथरी हो जाना, या फिर पेशाब की नली में पथरी फंस जाना, जिससे पेशाब करते समय आपको दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ और प्रोस्टेट इन्फेक्शन, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाना। तो ये सभी ऐसे कारण हैं जिसमें पेशाब पास करते समय दर्द महसूस हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर हमारी अगली टर्म है ए न्यूरेसिस। इसका मतलब होता है इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, यानी कि बिना इच्छा के पेशाब हो जाना। इसे हम बैड वेटिंग भी कहते हैं, जिसमें बच्चे सोते सोते पेशाब कर देते हैं। तो इसमें हमारे ब्रेन को कोई सिग्नल नहीं मिल पाता। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए, बैड वेटिंग है, इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लेडर, यानी कि पेशाब की थैली जब फुल हो जाती है तो उस समय भी जो हमारा ब्रेन है उससे कोई सिग्नल नहीं मिलता, जिससे जो यूरिन है वो खुद से पास हो जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, बियॉन्ड बैड वेटिंग, यानी कि जिन लोगों को बैड वेटिंग या फिर एनोरेसिस नहीं होता, तो जब उनका जो पेशाब की थैली है वो फुल हो जाती है तो उनके ब्रेन से सिग्नल मिलता है जिससे वो पेशाब करने के लिए जाते हैं। यानी कि मेन रोल इसमें हमारे माइंड का होता है। इसके अलावा इसके क्या क्या कारण होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। 60% प्रेजेंट इन बॉयज़, यानी कि 60% बॉयज़ में ये देखने को मिलता है। 40% फैमिली हिस्ट्री, यानी कि ऐसे फैमिली जिसमें पहले किसी को ऐसा हुआ हो तो उनके आगे पीढ़ियों में या बच्चों को ऐसा देखने को मिल सकता है। डिले मैचुरेशन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, यदि ये देर से डेवलप होता है तो ऐसे बच्चों में एनोरेसिस या फिर बैड वेटिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। स्लीप डिसऑर्डर, यानी कि यदि सही से नींद नहीं आती है तो भी ऐसा देखने को मिल सकता है। कॉन्स्टिपेशन, यानी कि यदि लंबे समय तक कब्ज बना रहता है तो भी ऐसा हो सकता है। UTI यानी कि पेशाब की नली का इन्फेक्शन। डिक्रीज ADH लेवल, तो एक हार्मोन होता है, यदि उसका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है तो भी ऐसा देखने को मिल सकता है। कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़, यानी कि पैदा होते समय कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो भी ऐसा देखने को मिल सकता है, जैसे कि ब्लेडर साइज स्मॉल, यानी कि जो पेशाब की थैली है उसका साइज यदि छोटा होता है तो तब भी ऐसा हो सकता है। और ओवर रिएक्टिव ब्लेडर, यानी कि यदि पेशाब की नली ज़्यादा काम कर रही है या ज़्यादा रिएक्ट कर रही है तो भी ऐसा देखने को मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगली टर्म है ग्लूकोसूरिया, मीन्स पेशाब में
ग्लूकोज का या फिर शुगर का पाया जाना, तो ये भी बहुत ही कॉमन है, अक्सर आपको ये देखने को मिल सकता है। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो इसका पहला कारण है डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि जिन लोगों को डायबिटीज़ या फिर शुगर की प्रॉब्लम होती है और उनकी शुगर काफ़ी बढ़ जाती है तो उनके पेशाब में भी शुगर आने लगती है, जिसे कि हम ग्लूकोसूरिया बोल देते हैं। नंबर टू, डाइट। तो कई बार हम ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं तो उससे भी हमारे पेशाब में शुगर आ जाती है, लेकिन ये टेम्पररी होता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर है रीनल ग्लूकोसूरिया, और प्रेगनेंसी में भी जो GFR होता है वो बढ़ जाता है, तो इस समय भी हमें ग्लूकोसूरिया देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसमें हमें पेशाब में ग्लूकोज देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर हमारी लास्ट टर्म है हिमेचूरिया। हिमेचूरिया का मतलब होता है पेशाब में खून का या फिर ब्लड का आना, तो इसके क्या क्या कारण होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो मेनली इसके चार कारण होते हैं। पहला कारण है इसका किडनी स्टोन, यानी कि जब भी हमें गुर्दे में पथरी होती है तो उस समय हमारे पेशाब में खून आ सकता है। नंबर टू, UTI या फिर पेशाब की नली में इन्फेक्शन, तो ऐसे में भी हमें देखने को मिल सकता है। किडनी ट्यूमर, यदि किडनी में कोई ट्यूमर या फिर कैंसर हो जाता है तो भी पेशाब में खून आ सकता है। या फिर प्रोस्टेट कैंसर, यानी कि पेशाब की नली के पास में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसकी हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, तो जब भी इसमें कैंसर हो जाता है तो भी आपके यूरिन में ब्लड दिखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर इसके और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि ट्रॉमा, यानी कि चोट लग जाना, विगोरस एक्सरसाइज, यानी कि आप बहुत ज़्यादा या बहुत तेज़ी से एक्सरसाइज कर लेते हैं, वायरल इलनेस सच एज हिपेटाइटिस, ब्लेडर और किडनी कैंसर, सिकल सेल डिसीज़, हीमोफीलिया, तो ये सभी ऐसे कारण हैं जिसमें देखने को मिल सकता है। और फीमेल में दो ऐसे कारण होते हैं, पहला होता है मेंस्ट्रुएशन और दूसरा एंडोमेट्रियोसिस। तो इन दोनों रीज़न में फीमेल में जो है ब्लड देखने को मिल सकता है। और मेल में बहुत ही कॉमन है एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि यदि उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो बढ़ जाती है तो भी उनमें ब्लड आ सकता है। तो यहाँ पर हमने यूरिन से संबंधित सभी ऐसे टर्म्स के बारे में बात की है जो कि आपको पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कि सारे ही टैबलेट्स के बारे में और साथ ही जानेंगे उनके यूजेस को। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं बैद्यनाथ की पीरोइड्स टैबलेट के बारे में। गाइस, पीरोइड्स टैबलेट का यूज़ पाइल्स में, फिशर्स में और हेमरॉइड्स जैसी समस्या के लिए किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं गाइस बैद्यनाथ की सर्पगंधा टैबलेट के बारे में। सर्पगंधा टैबलेट का यूज़ हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है और साथ ही इसका यूज़ इंसोम्निया जैसी समस्या के लिए किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं बैद्यनाथ की कचनार गुगलू टैबलेट के बारे में। इसका यूज़ किया जाता है पेन रिलीविंग के लिए और ये एक एक्सपेक्टोरेंट के रूप में काम करती है। साथ ही इसका यूज़ थायराइड और सिस्ट जैसी समस्या के लिए किया जाता है। फोर्थ नंबर पर हम बात करते हैं बैद्यनाथ की प्रोस्टेट टैबलेट के बारे में। प्रोस्टेट टैबलेट का यूज़ किया जाता है इनलार्ज प्रोस्टेट को कम करने के लिए। इसके आगे है हमारी फिफ्थ नंबर पर बैद्यनाथ की कामिनी विद्रावन रस केशर टैबलेट के बारे में। तो गाइस, इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्या के लिए और साथ ही मेल इम्पोटेंसी जैसी समस्या के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। सिक्स नंबर पर हम बात करते हैं बैद्यनाथ की शिलाजीत टैबलेट के बारे में। शिलाजीत टैबलेट का यूज़ किया जाता है यूरिनरी डिजीज़ जैसी समस्या के लिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है, एनलार्ज्ड प्रोस्टेट जैसी समस्या में इसका यूज़ किया जाता है, डायबिटीज़ को ये कम करता है और साथ ही स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। सेवन्थ नंबर पर हम बात करते हैं महायोगीराज गुगलू के बारे में। तो गाइस, महायोगीराज गुगलू टैबलेट का यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है ये टैबलेट और पाइल्स और गाउट जैसी समस्या के लिए ये टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं एट नंबर पर लक्ष्मी विलास रस टैबलेट के बारे में। बैद्यनाथ लक्ष्मी विलास रस टैबलेट का यूज़ किया जाता है कफ और कोल्ड जैसी समस्या के लिए। ये टैबलेट फीवर को भी कम करने के लिए काम में आती है, साथ ही इस टैबलेट से टाइफाइड और मलेरिया जैसी समस्या को भी ठीक किया जाता है और इस टैबलेट से हेडेक और जॉइंट पेन जैसी समस्या भी ठीक की जाती है और इस टैबलेट से निमोनिया और चेस्ट पेन की समस्या को भी ठीक किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं नाइन्थ नंबर पर बैद्यनाथ चित्रकड़ी बटी टैबलेट के बारे में। चित्रकड़ी बटी टैबलेट का यूज़ किया जाता है, ये टैबलेट एपिटाइट स्टिमुलेंट के रूप में काम करती है यानी कि ये टैबलेट भूख को बढ़ाती है, साथ ही ये इनडाइजेशन को ठीक करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं टेंथ नंबर पर कुज्जागन बटी टैबलेट के बारे में। बैद्यनाथ कुज्जागन टैबलेट का यूज़ किया जाता है डायरिया को ये टैबलेट ठीक करती है, साथ ही इस टैबलेट से फीवर को कम किया जाता है,
डाइसेंट्री में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है और साथ ही अल्सराटिव कोलाइटिस जैसी समस्या में भी ये टैबलेट का यूज़ किया जाता है। तो इसके आगे हम बात करते हैं 11th नंबर पर बैद्यनाथ शूतशेखर रस टैबलेट के बारे में। शूतशेखर रस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, हाइपर एसिडिटी को ये टैबलेट कम करती है, साथ ही पेट में एसिड रिफ्लक्स को भी ये कम करती है और गैस्ट्राइटिस जैसी समस्या को ठीक करने के लिए शूतशेखर रस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। तो इसके आगे हम बात करते हैं 12th नंबर पर गई संतक बटी टैबलेट के बारे में। गई संतक बटी टैबलेट का यूज़ किया जाता है डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, इनडाइजेशन को ठीक करने के लिए, डिसपेप्सिया जैसी समस्या के लिए और इंक्रीज एपेटाइट यानी कि भूख को बढ़ाने के लिए गई संतक बटी टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं 13th नंबर पर वानसार गिलोय टैबलेट के बारे में। बैद्यनाथ वानसार गिलोय टैबलेट का यूज़ किया जाता है इम्प्रूव इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए, आर्थराइटिस जैसी समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है और यह टैबलेट एक एंटीपायरेटिक के रूप में, एंटी आर्थराइटिक के रूप में और एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में काम करती है। तो इसके आगे हम बात करते हैं 14th नंबर पर रोमेथ्रो टैबलेट के बारे में। बैद्यनाथ रोमेथ्रो टैबलेट का यूज़ किया जाता है आर्थराइटिस जैसी समस्या के लिए, साथ ही इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है जॉइंट पेन के लिए और इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी समस्या में रोमेथ्रो टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं 15th नंबर पर बैद्यनाथ किशोर गुगुलू टैबलेट के बारे में। तो इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है बॉडी में से यूरिक एसिड को कम करने के लिए, यूरिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है और बॉडी के नेचुरल यूरिन फ्लो को बढ़ाने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं 16th नंबर पर बैद्यनाथ पथरीना टैबलेट के बारे में। बैद्यनाथ पथरीना टैबलेट का यूज़ किया जाता है किडनी स्टोन से रिलेटेड सारी ही बीमारी के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हो किडनी से रिलेटेड तो बैद्यनाथ पथरीना टैबलेट का यूज़ किया जाएगा और साथ ही ये किडनी से इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, यानी कि किडनी में कोई भी इम्प्यूरिटीज़ जमा हुई हो तो ये टैबलेट उस इम्प्यूरिटी को रिमूव कर देती है। तो इसके आगे हम बात करते हैं 17th नंबर पर बैद्यनाथ लहसुन आदि टैबलेट के बारे में। बैद्यनाथ लहसुन आदि टैबलेट का यूज़ किया जाता है स्टोमक और इंटेस्टाइन रिलेटेड डिजीज़ के लिए, यानी कि पेट और इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई सारी समस्या के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है और साथ ही इस टैबलेट से डिसपेप्सिया, लो डाइजेशन पावर, डायरिया और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी समस्या को ठीक किया जाता है। तो इसके आगे हम बात करते हैं 18th नंबर पर बैद्यनाथ आयुषिट टैबलेट के बारे में। बैद्यनाथ आयुषिट टैबलेट का यूज़ किया जाता है बाइल्स डिसऑर्डर में, ये रिलीफ देती है और साथ ही एक हर्बल एंटासिड है तो ये हाइपर एसिडिटी को ठीक करने के लिए काम में आती है, साथ ही इनडाइजेशन को ठीक करती है और स्टमक एक यानी कि पेट दर्द में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं 19th नंबर पर बैद्यनाथ मेमोरेक्स टैबलेट के बारे में। बैद्यनाथ मेमोरेक्स टैबलेट का यूज़ किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए और मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए मेमोरेक्स टैबलेट का यूज़ किया जाता है और साथ ही माइंड्स ग्रेस्पिंग पावर को ये टैबलेट इन्हेंस करती है, बढ़ाती है। तो इस टैबलेट का यूज़ कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। तो 20 नंबर पर हम बात करते हैं बैद्यनाथ एमोबिका टैबलेट के बारे में। बैद्यनाथ एमोबिका टैबलेट का यूज़ किया जाता है एमोबाइसिस जैसी समस्या के लिए, साथ ही इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है डायरिया में, कॉन्स्टिपेशन की समस्या के लिए, हेमोरेजिक डाइसेंट्री जैसी समस्या से ये टैबलेट रिलीफ दिलाती है। इसके आगे है बैद्यनाथ गंधक रसायन टैबलेट। ये टैबलेट बर्निंग और इचिंग के लिए काम में आती है, साथ ही सोराइसिस और एक्जिमा से होने वाले पेन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे है कब्जहर टैबलेट। बैद्यनाथ कब्जहर टैबलेट का यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिपेशन की समस्या के लिए, साथ ही पेट को साफ़ करने के लिए टैबलेट का यूज़ किया जाता है और साथ ही स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। तो गाइस इसके आगे हम बात करते हैं 23 नंबर पर बैद्यनाथ अश्वगंधा टैबलेट के बारे में। बैद्यनाथ अश्वगंधा टैबलेट का यूज़ किया जाता है इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एनर्जी लेवल को इन्हेंस करने के लिए और साथ ही माइंड को काम करने के लिए बैद्यनाथ अश्वगंधा टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं बैद्यनाथ की पुष्प धनवा रस टैबलेट के बारे में। ये मेन और वीमेन में होने वाले सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए काम में आती है, साथ ही ये हार्मोन को बैलेंस करती है। ये टैबलेट एक एंटी एजिंग मेडिसिन है और ये इम्पोटेंसी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो स्पर्म काउंट, इनफर्टिलिटी, स्लीपलेसनेस, पुअर मेमोरी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, प्रीमैच्योर इजेकुलेशन और लो स्टेमिना जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए काम में आती है।
इसके आगे हम बात करते हैं अर्श कुथार रस टेबलेट के बारे में। अर्श कुथार रस टेबलेट का यूज़ होता है हेमोरॉइड्स में, यानी कि पाइल्स में इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। साथ ही इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है इंडाइजेशन में, एनोरेक्सिया में, और ये टेबलेट डाइजेशन की पावर को इम्प्रूव करने के लिए काम में आती है। तो इस वीडियो में हमने बात की बैद्यनाथ की 25 टैबलेट के बारे में, और गाइस वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए मैं इसके बाकी के टैबलेट्स को पार्ट सेकंड में अपलोड करूंगा। तो गाइस पार्ट सेकंड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और गाइस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए भारत माता की जय। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है, और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है या फिर हमें किसी को भी मेडिसिन देनी पड़ सकती है, और हमें पता होना चाहिए कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं या फिर हम मेडिसिन किसी को दे रहे हैं वो किस काम आती है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए हर मेडिसिन में एक सफिक्स होता है, यानी कि मेडिसिन के लास्ट में एक वर्ड होता है जिससे हम जान सकते हैं कि वो मेडिसिन किस क्लास से बिलोंग करती है या फिर किस बीमारी के लिए दी जाती है। तो हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। तो देखिए किसी भी मेडिसिन को हम उसके सफिक्स से जान सकते हैं, जैसे कि हमारा पहला सफिक्स है यहाँ पर केन। तो देखिए केन एक सफिक्स है जो कि लोकल एनेस्थेटिक में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन को या किसी बॉडी के ऑर्गन को सुन करने के लिए दी जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं ज़ाइलोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन, लिडोकेन। यदि आपको किसी मेडिसिन में देखने को मिलता है लास्ट में केन, तो आप समझ जाइए कि ये एक लोकल एनेस्थेटिक है। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ इमेज भी लगाई है, जैसे कि यहाँ पे है ज़ाइलोकेन। तो ज़ाइलोकेन एक इंजेक्शन आता है, यदि मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होना होता है और उस ऑपरेशन वाले हिस्से को, यानी कि जहाँ का ऑपरेशन होना है और वहाँ पर उसे सुन करना होता है, तो वहाँ पर ज़ाइलोकेन इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसके अलावा लिडोकेन एक टोपिकल एनेस्थेटिक आता है, यानी कि ये ऊपर से अप्लाई करना होता है किसी रीजन को या किसी पार्ट को सुन करने के लिए। तो आप जान सकेंगे कि केन का यूज़ लोकल एनेस्थेटिक में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिनका ब्लड प्रेशर काफी बड़ा होता है या फिर जिनके शरीर में सूजन होती है, यानी कि एडिमा होता है, तो उन्हें डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं फिरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, बेंजाथाइजाइड एंड क्लोरोथाइजाइड। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे माइड आया है और यहाँ पे जाइड आया है। यहाँ पे हमने इसकी इमेज भी लगाई है लैक्सिस, जो कि कॉमनली यूज की जाने वाली डायूरेटिक है। ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सफिक्स की है, और ये एसीविर नाम से आती है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका यहाँ पे जेनरिक नेम है वो एसिलोविर यूज हुआ है, और ये जो है ये इसका ब्रांड नेम है। देन इसके बाद है पाम। तो देखिए इनका यूज एंटी एंजाइटी के रूप में किया जाता है, यानी कि यदि किसी को घबराहट होती है, बेचैनी होती है या फिर उसे नींद नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशन में
इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि डायजेपाम, लोरिजेपाम, तो इन दोनों के लास्ट में पाम आया है। और यहाँ पे हमने इसकी इमेज भी लगाई है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे है डायजेपाम। तो इस ड्रग का यूज़ एंजाइटी के रूप में किया जाता है, यानी कि एंजाइटी को दूर करने के लिए किया जाता है। देन इसके बाद है स्टैटिन। तो देखिए स्टैटिन का यूज़ एंटी और इन पेशेंट को हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं, तो उसे दूर करने के लिए यहां पर स्टेटिन दी जाती है। इसके एग्जांपल्स हैं एटोरवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन एंड लोवास्टेटिन। यहां पे हमने इसकी इमेज भी लगाई है एटोरवास्टेटिन की। तो इस तरह से आपको याद रहेगा यदि किसी रहा है उसके सिक्रेशन को कम करती हैं, और ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, यानी कि हमारे पेट में एक रिसेप्टर पाया जाता है हिस्टामिन रिसेप्टर, उसे ये ब्लॉक कर देती हैं जिससे हमारा एसिड कम बनने लगता है। और इनका यूज़ पैप्टिक अल्सर वगैरह में किया जाता है। तो यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल हमने दिए हुए हैं रैनिडिडीन, सिमेटिडीन, फॉर्मेटिडीन एंड रॉक्सिडिडीन, तो ये सभी इससे बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर हमने इसके कुछ ब्रांड नेम भी दिए हुए हैं जो कि मेडिकल पर मिलते हैं, जैसे कि रैनटेक, जिनटेक एंड ऐसे लोग, तो आप इनके बारे में जानते होंगे। यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर भी लगाई हुई है, जैसे कि पहली पिक्चर है निकोटेक, तो इसमें रैनिटिडीन पाया जाता है, तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। एंड यहाँ पर है सैट्रोन। देखिए सैट्रोन जो मेडिसिन होती हैं वो नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि जी मिचलाना और उल्टी आना, तो ये सभी इनके लिए यूज़ की जाती है। और इसके एग्जाम्पल हैं ओंडा सैट्रोन, ग्रेनी सैट्रोन एंड डोलो सैट्रोन, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं, और ये 5-HT3 एंटागोनिस्टिक होती है। तो यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर भी लगाई हुई, जैसे कि पहली पिक्चर है एमएसएट। तो एमएसएट क्या है? एमएसएट एक ब्रांड नेम है जो कि आपको मेडिकल पर मिलता है, और इसके अंदर ओंडा सेट्रोन पाया जाता है। देन यहाँ पर है इंटेग्रोन, तो ये इंजेक्शन आता है ग्रेनी सेट्रोन का, तो ये सभी नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन यहाँ पर है ओफ्लोक्सासिन, तो ये सभी एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं, और ये फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास से बिलोंग करती हैं। इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे दिए हुए हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन, नोरफ्लोक्सासिन एंड लिवोफ्लोक्सासिन, तो ये सभी एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं, तो आपको इन्हें ऐसे समझना है। तो यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर लगाई हुई है, ये है सिफ्लॉक्स, तो ये ब्रांड नेम है जिसके अंतर्गत सिप्रोफ्लोक्सासिन सॉल्ट पाया जाता है। यहाँ पर है निडाजोल, तो निडाजोल ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि एंटी अमीबिक होती है, ये अमीबा और दूसरे प्रोटोजोआ को किल करती है। जब किसी के पेट में दर्द के साथ में उसे दस्त लग जाए तो जब ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। इसके एग्जांपल हैं मेट्रोनिडाजोल, और निडाजोल एंड टिनिडाजोल, तो ये सभी इसके एग्जांपल हैं। और यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर लगाई हुई है, तो यहाँ पर ब्रांड नेम है मेट्रोजेल, जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है इस कंडीशन में। देन यहाँ पर है ट्रिप्टन। देखिए ट्रिप्टन ऐसी मेडिसिन होती है जो कि माइग्रेन में यूज़ की जाती है। तो माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन ऐसा सिर का दर्द होता है जो कि काफ़ी लंबे समय से होता है, जिसमें साथ में उल्टी वगैरह भी आती हैं, तो उसमें ये यूज़ की जाती हैं। इसके एग्जांपल्स हैं सोमाट्रिप्टन, रिजाट्रिप्टन एंड नाराट्रिप्टन, तो यहाँ पे ये सभी इसके एग्जांपल है। और यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर
जाता है। देन यहाँ पर है ग्लिप्टिन। तो ग्लिप्टिन ऐसी मेडिसिन होती है जिनका यूज़ डायबिटीज़ में किया जाता है, यानी कि शुगर की बीमारी में किया जाता है। यहाँ पे इसके एग्जांपल्स हैं सीताग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन एंड लीनाग्लिप्टिन। तो ये सभी DPP-4 इनहिबिटर होती है और इनका यूज़ डायबिटीज़ में किया जाता है। और यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर लगाई हुई है जो कि है जानुविया 100 mg। तो इसके अंदर सीताग्लिप्टिन पाया जाता है, सीताग्लिप्टिन फोस्फेट टैबलेट ये होती है। टीरोल, तो ये यूज़ होता है ब्रोंको डायलेटर, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि हमारे ब्रोंकस को डायलेट कर देती है, यानी कि उसे फैला देती है। और ये स्पेशली अस्थमा के केस में यूज़ की जाती है। तो इसके एग्जांपल्स हैं एल्बुटिरोल, जिसे कि हम सलब्यूटामोल भी कहते हैं, बैम्बुटिरोल, साल्मेटिरोल एंड फोर्मेटिरोल। तो इन सभी के लास्ट में टिरोल आता है और ये सभी अस्थमा के लिए यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। और यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई है जो कि है सलब्यूटामोल की। ये एक इन्हेलर आता है जो कि अस्थमा वाले पेशेंट यूज़ करते हैं। इसके बाद है ज़ोलिन। तो ज़ोलिन क्या होता है, ये होते हैं नेजल डिकंजेस्टेंट, यानी कि जब भी हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है और हम नाक से सही से सांस भी नहीं ले पाते हैं तो हम इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इन सभी के लास्ट में ज़ोलिन वर्ड आता है, जैसे कि इसका एग्जांपल है ऑक्सीमेटाज़ोलिन एंड ज़ाइलोमेटाज़ोलिन। यहाँ पे हमने पिक्चर लगाई है जो कि ऑक्सीमेटाज़ोलिन की है और आपको मेडिकल पर ये ओट्रोविन नाम से मिल जाती है। ये एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है और इसका यूज़ हम नेजल डिकंजेस्टेंट के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि जब भी हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है तो हम इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। देन इसके बाद है व्यूडिन। तो व्यूडिन का यूज़ हम HIV या फिर एड्स के लिए करते हैं। तो एड्स क्या होता है, एड्स एक वायरल डिसीज़ होती है जिसके लिए हम व्यूडिन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं लामिव्यूडिन, स्टेवोव्यूडिन एंड जिडोव्यूडिन। इन सभी के लास्ट में व्यूडिन वर्ड आता है और यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई है जो कि है लामिव्यूडिन टैबलेट की। तो इन सभी का यूज़ HIV या फिर एड्स के लिए किया जाता है। देन यहाँ पर है क्विन। तो ये सभी मेडिसिन एंटी पैरासिटिक होती हैं, यानी कि इनका यूज़ पैरासाइट के अगेंस्ट किया जाता है, जैसे कि मलेरिया। और इसके एग्जाम्पल्स हैं क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड मेफ्लोक्विन। तो इन सभी के लास्ट में क्विन वर्ड आया है। तो क्विन वर्ड एंटी पैरासिटिक मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई है जो कि क्लोरोक्विन फोस्फेट टैबलेट की है। इसके बाद है यहाँ पर रिफा। तो रिफा मेडिसिन एंटी ट्यूबरकुलाइन्स के रूप में एर्गो कैल्सीफिरोल। तो इन सभी में कैल्सी वर्ड का यूज़ किया गया है। यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई है जो कि कैल्सी CZ है। ये कैप्सूल आते हैं कैल्शियम के, जिसमें कि कैल्सी टिरोल का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है यहाँ पर लाम। देखिए लाम का यूज़ बेंजोडायपाइन्स में किया जाता है। ये सभी एंजियोलाइटिक्स होती है, यानी कि इनका यूज़ एंजाइटी के केस में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं एल्प्राजोलाम एंड मिडाजोलाम। तो इन सभी के लास्ट में लाम वर्ड आता है, जिससे आप इसे पहचान सकते हैं। यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई है जो कि है एल्प्राजोलाम की और इसका ब्रांड नेम यहाँ पे दिया है जेपीमैक्स। इसके बाद है यहाँ पर पाम। देखिए पाम भी बेंजोडाइजापाइन होती है, यानी कि पाम एंड लाम दोनों ही एंजियोलाइटिक होती है, यानी कि इन दोनों का यूज़ एंजाइटी के केस में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं डायजापाम एंड लोरिजेपाम। यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई है जो कि वैलियम डायजापाम की है और इसका यूज़ भी एंजाइटी के केस में किया जाता है। इसके बाद है यहाँ पर सेट्रोन। तो ये क्या होती है, ये होती हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट और इनका यूज़ नोजिया एंड वोमिटिंग के केस में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं ओंडासेट्रोन, ग्रैनीसेट्रोन एंड डोलोसेट्रोन। तो यहाँ सभी में सेट्रोन वर्ड का यूज़ किया गया है। यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर भी लगाई है जो कि है ओंडासेट्रोन की। इसका ब्रांड नेम यहाँ पे दिया है MSET नाम से। और दूसरी है यहाँ पर इंटेग्रोन, जिसमें कि ग्रैनीसेट्रोन सॉल्ट का यूज़ किया गया है। और देखिए जितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती है, यानी कि ऐसी मेडिसिन जिनका यूज़ ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर किया जाता है, उन सभी के लास्ट में या तो आपको प्रिल देखने को मिलेगा या फिर ओलोल, डीपाइन या फिर ओसिन। तो ये चार सफिक्स है जो कि
एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से आप मेडिसिन को पहचान पाएंगे कि कौन सी मेडिसिन किस बीमारी के लिए यूज़ की जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे लीवर 52। लीवर 52 का काम होता है लीवर को हेल्दी रखने का। तो ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होगी, ये जॉइंटिस के केस में यूज़ होगी। जॉइंटिस मतलब कि पीलिया। दूसरा डाइजेशन मतलब कि पाचन तंत्र में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव इन एपेटाइटिस मतलब कि भूख को बढ़ाने में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन मेनली इसका जो काम होता है वो लीवर को हेल्दी रखने का होता है। देखिए चूँकि जो जॉइंटिस होता है वो लीवर में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से ही जॉइंटिस होता है। ओके, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर गड़बड़ होती है वो भी लीवर की वजह से होती है। लीवर में इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाता है तो इस वजह से इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, इस वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। और वैसे ही एपेटाइट का केस मतलब कि भूख ना लगने का केस भी लीवर से ही रिलेटेड होता है, तो इस वजह से इसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम डाइजीन, जो कि एक एंटी एसिड जेल होता है। इसका काम गैस और एसिडिटी और इंडाइजेशन, इंडाइजेशन मतलब कि बदहजमी में किया जाता है। तो किसी भी प्रकार की अगर गैस बन रही है पेट में या बदहजमी मतलब कि इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है तो इसका यूज़ यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम साफ़ी सिरप के बारे में। तो साफ़ी मतलब कि साफ कर देना, तो किसको साफ करती है, ये ब्लड को प्यूरीफाई करती है मतलब कि खून को साफ कर देती है। अब जैसे ही देखिए ब्लड में इम्प्यूरिटीज आ जाती हैं तो वहाँ पर चेहरे पर कील और एक्ने मतलब के मुहासे दिखाई पड़ते हैं, तो इस वजह से देखिए साफ़ी का यूज़ करेंगे तो ये ब्लड की जो इम्प्यूरिटीज होंगी उनको ये रिमूव कर देगा। तो इस वजह से देखिए ये कील और मुहासों में इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम नीरी सिरप के बारे में। तो इसका मेनली काम होता है किडनी को हेल्दी रखना। तो देखिए इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है, जैसे कि यूटीआई, यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूरिन की जो ट्रैक्ट होगी जैसे कि यूरिटर या यूरिथ्रा, इसमें कहीं पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम यूटीआई के नाम से जानते हैं। दूसरा किडनी स्टोन को बनने से ये रोकती है, या पेशाब में किसी टाइप की जलन होती है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम जिंकोबेट सिरप के बारे में, जो कि एक मल्टीविटामिन सिरप होती है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। तो रोगों से जो लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे शरीर की, यहाँ पर वो बढ़ जाती है, जिसको हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे हम झंडू पंचारिष्ट के बारे में। तो इसका यूज़ डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि पाचन तंत्र में किसी भी टाइप की खराबी आ जाती है तो यहाँ पर इसको इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा भूख न लगने में मतलब कि लॉस ऑफ एपेटाइट, अगर किसी पेशेंट को भूख नहीं लगती है तो इसका यूज़ वहाँ पर भी किया जाता है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे डेक्सोरिन सिरप के बारे में। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज़ एनीमिया के केस में किया जाता है। एनीमिया क्या होता है, अगर ब्लड की जो आरबीसी होती हैं उसमें अगर आयरन की कमी हो जाती है तो इसको हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। इसको हम खून को बढ़ा देने वाली सिरप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन B12 फोलिक एसिड होता है जो कि आयरन कंटेंट को बढ़ा देता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आर्बिटोन के बारे में। तो इसका काम वैसा ही होता है जैसे डेक्सोरेन सिरप का होता है। तो यहाँ पर कहाँ, तो इसका यूज़ एनीमिया के केस में किया जाता है। एनीमिया मतलब जो ब्लड की आरबीसी होती है उसमें अगर आयरन की कमी हो जाती है तो उसको हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। इसको हम खून को बढ़ा देने वाली सिरप के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एरिस्टोजाइम सिरप के बारे में। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज़ पेट में गैस बनना, इंडाइजेशन मतलब कि बदहजमी, या हार्ट बर्न मतलब कि पेट में जलन टाइप की हो जाना, यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी डिजीज़ हो रही है या कोई भी बीमारी हो रही है तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे साइपोन सिरप के बारे में। तो साइपोन सिरप का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज़ भूख को बढ़ा देने में किया जाता है। तो ट्रीट इन लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि जिन पेशेंट को भूख नहीं लगती है उनको ये सिरप दी जाती है। अब जैसे ही किसी पेशेंट की जो है भूख बढ़ जाती है तो साथ ही साथ उसका वेट जो है गेन होने लगता है मतलब कि उसका वजन बढ़ने लगता है। और इसका यूज़ माल न्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषण के पेशेंट या कुपोषण के बच्चों में किया जाता है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मोंटेर एलसी किट सिरप के बारे में। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जैसे कि बच्चों में एलर्जी हो जाना, या बच्चों में रनी नोज मतलब कि नाक बहना, या सिनेजिंग मतलब कि छींक आना, यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेडिसिन होती है वो होती है लिबोसिट्रिजिन और मोंटी लुकास्ट।
अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ग्रीलिंगटस बीएम के बारे में। तो इस सिरप का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इस सिरप का यूज़ एस्थमा मतलब के दमा या ब्रोंकाइटिस मतलब के ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो जाना या कफ मतलब के खांसी में इसका यूज़ किया जाता है। अब ये एस्थमा मतलब कि दमा क्या होता है? दमा के केस में जो हमारी ट्रेकिया होती है या ब्रोंकस होता है उसकी जो मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट हो जाती हैं मतलब कि सिकुड़ जाती हैं, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं? एस्थमा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आता है ब्रोंकाइटिस। अगर किसी भी शब्द के अंत में आइटिस शब्द आ जाता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो ब्रोंकस में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए लंग्स हैं, लंग्स के जो अंदर जो ब्रोंकस हैं यहाँ पर जी देखिए इसकी नली में जो है इन्फ्लामेशन हो गया है तो इसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ग्रीलिंगटस। ग्रीलिंगटस का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इस सिरप का यूज़ बच्चों में फ्लू मतलब के जुकाम के साथ साथ बदन दर्द या बुखार आ जाना यहाँ पर किया जाता है, और रनी नोस मतलब के नाक बहना और स्नीजिंग छींक आना इत्यादि में किया जाता है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सोफ्लोसिन एम और न्यूफ्लॉक्स एम के बारे में। तो यहाँ पर जो एम टर्म आया है वो इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पर जो मेडिसिन है वो मेट्रोनिडाजोल यहाँ पर यूज़ की गई है। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ बैक्टीरियल के इन्फेक्शन जैसे कि स्टमक के अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाना या डायरिया, डायरिया मतलब कि दस्त या पेचिस लग जाना, तो बच्चों में कॉमनली ये बीमारियाँ देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ओंडेन सिरप की। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है ओंडेनसेट्रॉन, ओंडेनसेट्रॉन ओरल सॉल्यूशन। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ नोजिया मतलब कि मतली मतलब कि जी मचलाना और वोमिटिंग मतलब कि उल्टी आना यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे सोलबिन कोल्ड के बारे में। तो सोलबिन कोल्ड का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ सर्दी या जुकाम या नाकबंद में इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ओमनिक्स 100 ड्राई सिरप। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है सेफेक्सिम ओरल सस्पेंशन। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और टॉन्सिलाइटिस और ब्रोंकाइटिस और एयर इन्फेक्शन। तो जैसे कि हम बता चुके हैं अगर आइटिस टर्म जहाँ पर भी आ जाता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, तो टॉन्सिल्स, तो टॉन्सिल्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो स्क्वीज को हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस, और अगर देखिए ब्रोंकस में कहीं इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, और एयर इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साइक्लोपाम सस्पेंशन के बारे में। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ पेट में मरोड़ मतलब कि जो स्मूथ मसल होती हैं उसमें अगर स्पास्म हो जाता है मतलब कि ऐठन हो जाती है, मरोड़ हो जाती है तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, और स्टमक पेन मतलब कि पेट के दर्द में इसका यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो मेडिसिन होती है वो होती है साइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। इसका काम होता है जो स्मूथ मसल होती हैं जैसे GIT पूरी GIT की जैसे कि स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन या स्मूथ मसल जितनी भी एब्डोमेन रीजन की होती हैं उसमें जो मरोड़ होती है या स्पाज्म हो जाता है उसको ये रिलैक्स करती है। आज की वीडियो में हम हाइपरटेंशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। हम जानेंगे इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। देखिए नॉर्मली जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है, यानी कि जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या फिर ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है वो 120 होता है, और जो हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 80 mmHg होता है। तो ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो हम कब कहते हैं कि हमें हाइपरटेंशन हो चुका है? देखिए जब भी किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का 140 या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है और नीचे का 90 या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसके अलावा यदि किसी का ब्लड प्रेशर 120/90 हो जाता है तब भी उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि यदि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर का बढ़ा हुआ है तभी आपको हाइपरटेंशन या फिर कहा जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। यदि आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है यानी कि 120 है और नीचे का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तब भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। देखिए हाइपरटेंशन दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है ये मोस्ट कॉमन है, यानी कि मैक्सिमम लोगों में यही हाइपरटेंशन देखने को मिलता है और ये 95% लोगों में पाया जाता है, जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन बहुत ही लेस कॉमन है और केवल
5% लोगों में ये देखने को मिलता है। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसका जो कोज है वो अननोन है, यानी कि इसका जो सही कारण है वो अभी तक हमें पता नहीं चला है। फिर भी इसके कुछ कारण इस प्रकार हैं, जैसे कि जेनेटिक, ओबेसिटी और हाई सॉल्ट इनटेक, यानी कि कभी कभी ये जेनेटिक होता है और ऐसे लोग जो कि मोटे होते हैं तो उनमें भी हो जाता है, या फिर जो ज़्यादा नमक खाते हैं तो उनमें भी प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, तो इसके कारण हैं ड्यू टू रीनल डिसीज़। यदि किसी को किडनी की समस्या या फिर किडनी की बीमारी होती है तो उसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अलावा हाइपर एल्डोस्ट्रॉन, यानी कि यदि किसी का जो एल्डोस्ट्रॉन हार्मोन होता है वो ज़्यादा सीक्रेट होता है तो उस समय भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मेडिसिंस हैं जो कि हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर दी जाती है। तो पहले हम बात करेंगे इनकी मेडिसिंस की और उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेडिंग की, यानी कि कौन सी ग्रेड में कौन सी मेडिसिन दी जाती है। जब किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स द्वारा सबसे ज़्यादा ये चार तरह की दवाएं दी जाती हैं। तो यहाँ पर चार क्लास हैं जिनकी रेट्रिक है ABCD, A4ACE इनिबिटर, B4 बीटा ब्लॉकर, C4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड D4 डायूरेटिक्स। तो ये सभी मेडिसिन की क्लास है जिनके अंदर अलग अलग तरह की मेडिसिन आती है, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। इनमें से ACE इनिबिटर और बीटा ब्लॉकर ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि यंग पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, यानी कि ऐसे लोग जो कि जवान होते हैं या फिर बच्चे होते हैं तो उनमें ये दवाई इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड डायूरेटिक्स ऐसी दवाएँ हैं जो कि ओल्ड पेशेंट्स या फिर बूढ़े लोगों में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब हम इन मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो पहले हम बात करते हैं ACE इनिबिटर के बारे में, तो इसमें आती हैं लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, इनालाप्रिल, यानी कि जिन भी मेडिसिन के लास्ट में प्रिल देखने को मिलता है वो सभी ACE इनिबिटर होती हैं और हाइपरटेंशन के केस में यूज़ की जाती है। और कौन सी मेडिसिन कब देनी होती है या फिर कौन सी ग्रेड के हाइपरटेंशन में देनी होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इनमें से जो लिसिनोप्रिल है उसका एक बहुत ही अच्छा ब्रांड नेम है इनासे, इसके अलावा रेमिप्रिल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रेमिप्रेस। इसके बाद यहाँ पर दूसरी क्लास है बीटा ब्लॉकर, तो इसके अंतर्गत आती हैं एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल एंड बीसोप्रोलोल, तो इन सभी के लास्ट में आया है ओलोल। तो ये सभी बीटा ब्लॉकर होती हैं जो कि हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें से एटिनोलोल का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है टेनोरमाइन। इसके बाद यहाँ पर तीसरी क्लास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो ये भी ऐसी दवाएँ होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर दी जाती हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स है एम्लोडिपाइन, निफेडिपाइन एंड निसोलडिपाइन, तो इन सभी के लास्ट में आया है डिपाइन। तो जब भी आपको डिपाइन वर्ड देखने को मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनमें से एम्लोडिपाइन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल या फिर ब्रांड नेम है एम्लोप्रेस। और लास्ट है यहाँ पर डायूरेटिक्स, ये ऐसी दवाएँ होती हैं जो कि हमारे यूरिनेशन या फिर हमारे पेशाब को बढ़ा देती है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और इसके अंदर आती हैं थायाजाइड, तो थायाजाइड भी कई प्रकार की होती है जिसके बारे में हम आके बात करेंगे। ये सभी ऐसी मेडिसिंस हैं जो कि पेशेंट की कंडीशन और उसकी स्टेज को देखकर दी जाती है। तो हाइपरटेंशन की कौन कौन सी स्टेज होती है और उसमें कौन कौन सी दवाएं दी जाती हैं, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर की मेनली चार स्टेज होती है। पहली है यहाँ पर प्री हाइपरटेंशन, इसके बाद यहाँ पर स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो प्री हाइपरटेंशन में क्या होता है, इसमें हमें हाइपरटेंशन की शुरुआत होती है या फिर हल्का फुल्का हाइपरटेंशन होता है। तो इसमें जो हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर होता है वो 80 से 89 के बीच में हो सकता है और जो हमारा ऊपर का ब्लड प्रेशर या फिर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 139 के बीच में रह सकता है। इसके बाद यहाँ पर स्टेज 1, तो स्टेज 1 में जो हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर है वो 90 से 99 के बीच में रह सकता है और जो हमारा ऊपर का ब्लड प्रेशर है वो 140 या फिर 159 के बीच में रह सकता है। इसके बाद यहाँ पर स्टेज 2, स्टेज 2 में जो हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर है वो 100 या फिर 100 से ऊपर हो जाता है और जो हमारा ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है वो 160 या फिर 160 से ऊपर हो जाता है। और लास्ट है यहाँ पर स्टेज 3, तो ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर हमें एमरजेंसी की ज़रूरत होती है। तो स्टेज 3 के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पर इन बाकी स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्री हाइपरटेंशन, तो प्री हाइपरटेंशन में हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि हमें अपनी जीवन शैली को बदलना होता है। एंड नंबर 2, नो ड्रग इज गिवन, यानी कि ऐसी कंडीशन में हमें कोई भी दवा नहीं दी जाती और हमें कोई भी दवा लेनी भी नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है स्टेज 1, तो स्टेज 1 में भी हमें अपना लाइफस्टाइल तो मॉडिफाइड करना चाहिए, साथ में यहाँ पर हमें डायूरेटिक्स दी जाती है और यदि किसी को डायूरेटिक्स से आराम नहीं मिलता है तो उसे ACE इनिबिटर या फिर बीटा ब्लॉकर मेडिसिंस भी दी जा सकती हैं और इन मेडिसिंस के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर है स्टेज 2, तो स्टेज 2 में भी हमें अपना जीवन शैली में चेंजेस करने होते हैं और यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन
थेरेपी दी जाती है, यानी कि हमें यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा मेडिसिन का कम्बिनेशन दिया जाता है, जैसे कि डायूरेटिक्स प्लस ACE इनिबिटर का कम्बिनेशन या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर का कम्बिनेशन। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एमलोक्वाइंट 80, जिसमें आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर दोनों मेडिसिन मिल जाती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से आपको इसमें एम्लोडिपिन मिल जाती है और बीटा ब्लॉकर से आपको इसमें एटेनोलोल मेडिसिन मिल जाती है। तो इस तरह से हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में, यानी कि आपको अपने जीवन शैली में क्या क्या बदलाव करने होते हैं। तो पहला है यहाँ पर वेट रिडक्शन। यदि आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आपको अपना वेट कम करना होता है। यदि आप अपना वेट 10 किलो कम कर लेते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 10 mm मरकरी तक कम हो सकता है, या फिर आप उसे 10 पॉइंट तक घटा सकते हैं। नंबर 2 यहाँ पर है डैश ईटिंग, डाइट अप्रोचेस टू स्टॉप HI। इसका मतलब होता है कि आपको अपनी डाइट के द्वारा अपने ब्लड प्रेशर को कम करना होता है। तो इसमें आपको फ्रूट, वेजिटेबल और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट खाने होते हैं, जिससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 10 mm मरकरी तक कम हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट है सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, यानी कि आपको दिन में 6 ग्राम से ज़्यादा नमक इस्तेमाल नहीं करना है। और फोर्थ है यहाँ पर फिजिकली एक्टिविटी, और आपको कम से कम दिन में 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज करने हैं। तो यदि आप ये सभी चेंजेस अपनी लाइफ में कर लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी नॉर्मल आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्राउट का जो कोलेजन पाउडर है उसके बारे में, हम आपको कुछ टिप्स देंगे कि कैसा पाउडर है कैसा नहीं है। तो देख लेते हैं, ये एक हेल्थ सप्लीमेंट पाउडर है जो कि आपके फेस पे जो झुर्रियां होती हैं उनको कम करने के लिए पाउडर आता है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है इसका। तो इसके अंदर हमें क्या इंग्रेडिएंट देखने को मिल जाते हैं इसमें, जैसे कि हमें संतरा, दालचीनी, नींबू, स्ट्रॉबेरी, इसके बाद हमें आंवला भी इसमें देखने को मिल जाता है, हमें इसके अंदर ग्रीन टी, हमें इसके अंदर हिमालयन बेर, ये हमें सब कुछ देखने को मिल जाता है जो कि हमारी जैसे डाइजेशन जैसी भी समस्या है उनको भी ठीक करता है। ये हमारे फेस पे जो कील मुहासे होते हैं उनको भी ठीक करता है, हमारे विटामिन की कमी है उनको भी पूरी करता है। अगर हमारे फेस पे फेस लाइन है तो फेस लाइन को भी ये बहुत हद तक ठीक कर देता है, हमारे बालों का झड़ना भी रोक देता है, हमारी स्किन पे शाइनिंग लेके आता है, तो ये इसका काम है। अगर किसी को शुगर जैसी समस्या है तो भी ये आप इसको ले सकते हैं, आप इसको खा सकते हैं, क्योंकि ये शुगर फ्री होता है, ये ग्लूटेन फ्री होता है, ये GMO फ्री होता है, ये डेयरी फ्री होता है, ये ट्रांसफैट फ्री होता है, ये कोलेस्ट्रोल फ्री भी होता है। तो अगर इसके डोजेस की अगर हम बात करें तो हमें दिन में एक बार ही इसे लेना है, और हमें प्रिकॉशंस क्या क्या रखनी है इसको लेते समय, जो कि नर्सिंग मदर है या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो डॉक्टर की कंसल्ट के बाद ही इसको ले, और बच्चे इसको बिल्कुल भी ना ले, जिनकी उम्र 18 या 20 से कम है वो इनको बिल्कुल भी यूज ना करें। उसके बाद देख लेते हैं इसकी पैकेजिंग का। अगर हमें 200 ग्राम की पैकिंग में मिलेगा 899 के प्राइस के साथ, अगर आपको इस पे 15% तक का डिस्काउंट चाहिए तो ये एक कोड है RKV15, ये मेरा कोड है, आप इसको लगा सकते हो और आपको 15% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। धन्यवाद, ये वीडियो यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं या फिर मेडिकल फील्ड में काम करना चाहते हैं और वो MBBS नहीं कर पाए या फिर किसी वजह से नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आप बिना किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके भी मेडिकल लाइन में जा सकते हैं या फिर मेडिकल फील्ड में काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप लोगों का इलाज कर सकेंगे, साथ ही साथ आप बिना किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। BNYS जिसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, जिसमें योग तथा नेचुरोपैथी के अनुसार बीमारियों का इलाज किस तरह से किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। इस कोर्स को MBBS के समान भी माना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति MBBS करके डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले नीट परीक्षा को पास करना होगा, उसी के बाद वह MBBS में एडमिशन ले पाता है। लेकिन इस BNYS कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी प्रकार का प्री एग्जाम नहीं देना होता, जिस कारण से किसी भी व्यक्ति के लिए इस कोर्स में एडमिशन लेना काफ़ी आसान हो जाता है। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास 12th में साइंस होना अनिवार्य है, जिसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए। यदि आप
चार साल छः माह आपको थ्योरी एजुकेशन दी जाती है, जिसमें नेचुरोपैथी तथा योग विद्या से किस प्रकार बीमारी का डायग्नोसिस किया जाता है और उसका निदान किस प्रकार से किया जाता है, ये सभी आपको सिखाया जाता है। और अगले एक साल में इंटर्नशिप कराई जाती है, जिसमें से छः माह आपको नेचुरोपैथी की इंटर्नशिप ट्रेनिंग दी जाती है और अगले छः महीने आपको एलोपैथिक मेडिसिन की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर एलोपैथिक मेडिसिन का उपयोग करके बीमारी को ठीक किया जा सके। और यदि आपने पहले से DNYS यानी कि इसका डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो आपको सीधे सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, यानी कि आपका एक साल बच जाता है। अगर हम इसके करियर ऑप्शन की बात करें तो इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप जिसमें आप सिरोधारा पंचक्रम आदि प्रक्रिया से बीमारियों को दूर कर सकते हैं, साथ ही आप अपने वेलनेस सेंटर के लिए गवर्नमेंट से मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि हाल ही में नेचुरोपैथी तथा योग ट्रीटमेंट को बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। अब बात आती है इस कोर्स को किस कॉलेज से करना बेहतर रहता है। देखिए, वैसे तो इंडिया में इसके लिए बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक अच्छा कॉलेज बता देते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है, जिसका नाम है MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इस कोर्स के लिए ये कॉलेज काफ़ी चर्चा में है। यह कॉलेज बक्सी तालाब उत्तर प्रदेश में है, जो कि UGC अप्रूव्ड है तथा इनका खुद का MSGC हॉस्पिटल है, जिसमें यह मरीजों को देखते हैं तथा इंटर्नशिप कराते हैं। इस कॉलेज से आप अटेंडिंग तथा नॉन अटेंडिंग दोनों तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब यदि आप स्टूडेंट हैं और इस कोर्स को रेगुलर करना चाहते हैं तो आप कॉलेज में जाकर इस कोर्स को कर सकते हैं, और यदि आप किसी जॉब में हैं या फिर आप अपना क्लिनिक चलाते हैं तो आप अपने यहाँ से भी इस कोर्स को ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लास कराई जाती है और कंप्लीट हो जाने पर आपको इसकी डिग्री भी मिल जाती है। इस कॉलेज में BNYS कोर्स की फ़ीस की बात करें तो प्रतिवर्ष 60 से 65 हज़ार फीस ली जाती है, साथ ही इसके लिए स्कॉलरशिप भी दी जाती है जिसे भारत सरकार द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, साथ ही इनकी वेबसाइट पर भी आप संपर्क करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो आज के हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पे और एक और शानदार नई वीडियो के साथ, जो कि हम अभी नहीं लेके आए हैं। आज मैं सिर्फ आपको विश करने के लिए आया हूँ कि आज न्यू ईयर है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। आप सभी खुश रहे, आबाद रहे, आपके सभी ड्रीम्स पूरे हों और हमेशा खुश रहो। तो आज बस मैं इतना ही कहने आया था, बाकी मैं रेगुलर पोस्टिंग करूंगा जिससे कि आपको भरपूर नॉलेज मिल सके। तो ये साल आप बिल्कुल आराम से बैठिए और नॉलेज लीजिए, फुल ऑफ नॉलेज, जो भी आपको नॉलेज चाहिए, जिस भी टाइप की आपको नॉलेज चाहिए मैं आपको दूंगा, प्रोवाइड करूंगा जितनी मुझसे हो सकेगी। तो वीडियो इतनी ही है, अगेन लास्ट में हैप्पी न्यू ईयर और आप हमेशा खुश रहो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CBC, इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो देखिए, एक रूटीन ब्लड टेस्ट होता है, जब भी आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले डॉक्टर्स आपको CBC कराने के लिए बोलते हैं, और इस टेस्ट के द्वारा आपके शरीर में कई सारी बीमारी का पता लगाया जा सकता है, इसलिए आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और आज हम कोशिश करेंगे कि आपको इस टेस्ट के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी दे सकें, और यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आप इस टेस्ट की रिपोर्ट को खुद से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि CBC होता क्या है और फिर हम जानेंगे कि CBC हमें कब कराना चाहिए। देखिए, हमारे ब्लड में या फिर हमारे खून में दो चीज़ें पाई जाती हैं, प्लाज्मा और सेल्स, यानी कि हमारा ब्लड प्लाज्मा और सेल्स से मिलकर बना होता है। सेल्स तीन होती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? पहली सेल्स है इसमें रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC, इन्हें हम RBC कहते हैं या फिर लाल रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। दूसरी है इसमें वाइट ब्लड सेल्स, तो इन्हें हम WBC भी कहते हैं। और तीसरी है इसमें प्लेटलेट्स। तो देखिए, CBC में क्या होता है, CBC की फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि उसमें हम देखते हैं कि हमारे RBC, WBC और प्लेटलेट की संख्या कितनी है और इनका साइज़ कितना है, यानी कि इनका साइज़ बड़ा है या फिर कम हुआ है, और उसी के आधार पर हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कोई बीमारी तो नहीं हुई है। तो इसे ही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा RBC होता है, इसमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन RBC के अंदर भी पाया जाता है और बाहर भी पाया जाता है, तो उसे भी हम देखते हैं, और उसी के कारण हमारा जो खून होता है वो उसका रंग लाल होता है, तो उसे भी हमें जानना जरूरी है। तो पहले हम जान लेते हैं कि हम CBC रिपोर्ट में क्या क्या देखते हैं। तो CBC रिपोर्ट में हम RBC की संख्या देखते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है, हीमेटोक्रिट देखते हैं, RBC इंडेक्स देखते हैं, WBC काउंट एंड WBC
डिफरेंशियल देखते हैं एंड प्लेटलेट काउंट देखते हैं कि प्लेटलेट कितनी है। तो पहले हम जान लेते हैं कि हम सीबीसी कब कब कराते हैं या सीबीसी हमें कब कराना चाहिए। तो यदि किसी को लंबे समय से थकान महसूस हो, वीकनेस हो, बुखार हो या फिर उसका वजन कम हो रहा हो तो उसे सीबीसी कराना चाहिए। या फिर उसके अलावा डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, इसका मतलब होता है खून की कमी हो जाना। तो यदि किसी में खून की कमी हो जाती है तो उसे सीबीसी कराना होता है। एस्टिमेशन ऑफ ब्लड लॉस, यदि किसी का एक्सीडेंट हुआ है या और किसी कारण से उसमें खून की कमी हो गई है तब भी सीबीसी कराया जाता है। डायग्नोसिस ऑफ पॉलीसाइथीमिया, इसका मतलब होता है जो हमारे ब्लड की सेल्स होती हैं वो बढ़ जाती है तो उसे देखने के लिए भी सीबीसी कराया जाता है। और किसी इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए भी सीबीसी कराया जाता है। डायग्नोसिस ऑफ ब्लड डिसीज एज ल्यूकेमिया, तो इसका मतलब होता है ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर का पता लगाने के लिए भी सीबीसी कराया जाता है। या फिर यदि किसी की सर्जरी होने वाली होती है तो उससे पहले भी सीबीसी कराया जाता है। तो इन सभी कंडीशन में हमें सीबीसी कराना होता है। देखिए यहाँ पे हमने सीबीसी की नॉर्मल वैल्यू दी हुई है, यानी कि जो हमारे ब्लड में सेल्स होती है उनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो ऐसे आपको ये समझ में नहीं आएगा, पहले हम इसे डिटेल में समझ लेते हैं, देन लास्ट में हम देखेंगे कि आपको ये कैसे देखना होता है। और साथ में हम ये भी जानेंगे जो हमारी ब्लड रिपोर्ट आई है उसमें कौन सी कंडीशन बहुत खतरनाक होती है। हमने अपनी वीडियो को यहाँ से स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले यहाँ पे है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए RBC हमारे ब्लड में पाई जाती है और इनका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती हैं और हमारे सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं। तो हम RBC में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे एक लीटर ब्लड में कितनी RBC है। इनकी कुछ नॉर्मल वैल्यू होती है, यदि वो ऊपर नीचे हो जाती है तो हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमारे ब्लड में कितनी RBC होती है। देखिए यहाँ पे RBC की नॉर्मल वैल्यू दी हुई है, एक अडल्ट यानी कि एक वयस्क मेल में इसकी वैल्यू 4.6 टू 5.9 मिलियन होती है, जबकि फीमेल्स यानी कि महिलाओं में इसकी वैल्यू 4.2 टू 5.4 मिलियन होती है, और न्यूबॉर्न्स यानी कि नवजात शिशुओं में इसकी संख्या 5.5 टू 6 मिलियन होती है, जबकि छोटे बच्चों में इसकी संख्या 4.6 टू 4.8 मिलियन होती है। तो ये है नॉर्मल वैल्यू। अब हम जान लेते हैं कि जब RBC बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए जब हमारी बॉडी में RBC बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। तो ऐसा कब होता है, यदि हम किसी ऊंचे स्थान पर जाते हैं तो उस समय ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमारी RBC बढ़ जाती है, या फिर हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं तब भी हमारी RBC बढ़ सकती है, या फिर ऐसे लोग जो कि लंबे समय तक स्मोकिंग करते हैं तो उनकी भी RBC बढ़ सकती है। अब हम जान लेते हैं कि RBC हमारी कब कम होती है। तो यदि हमारी RBC कम हो जाती है तो उसे हम कहते हैं एनीमिया, मीन्स हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो चुकी है। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता देते हैं, यदि आप रिपोर्ट देखते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पर 4.6 की जगह 4.5 लिखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है यहाँ पर हीमोग्लोबिन। देखिए इसी के कारण हमारा जो खून का रंग होता है वो लाल होता है, तो इसकी भी कुछ नॉर्मल वैल्यू होती है, वो भी हम जान लेते हैं। तो देखिए इसकी नॉर्मल अडल्ट में जो वैल्यू होती है वो 13 to 18 होती है, जबकि महिलाओं में इसकी वैल्यू 12 से 16 ग्राम होती है। नवजात शिशुओं में इसकी संख्या या वैल्यू 17 से 19 ग्राम होती है, जबकि बच्चों में इसकी वैल्यू 14 से 17 ग्राम होती है। यदि ये इससे कम हो जाता है तो उसे हम एनीमिया कहते हैं, यानी कि खून की कमी कहते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देन इसके बाद है हीमेटोक्रिट। तो आपको रिपोर्ट में HCT नाम से भी देखने को मिल सकता है, और इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए RBC और ये दोनों सेम ही बात है। आपका जो ब्लड लिया जाता है, मान लीजिए आपका ब्लड ये लिया गया है इस प्रणाली में और आपका इतना ब्लड है, तो इस पूरे ब्लड में जो RBC की वैल्यू होती है या फिर RBC की परसेंटेज होती है उसे ही हम हीमेटोक्रिट कहते हैं। और इसकी भी कुछ नॉर्मल रेंज होती है, जैसे कि अडल्ट में इसकी वैल्यू 45% होती है, यानी कि 100% ब्लड में से 45% हीमेटोक्रिट यानी कि RBC होता है, जबकि फीमेल्स में महिलाओं में इसकी वैल्यू 35% होती है, नवजात शिशुओं में 65% एंड बच्चों में 25% होती है। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है या फिर ज़्यादा होने पर कौन सी बीमारी होती है वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद है रेड ब्लड सेल इंडेक्स। देखिए जब भी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की वैल्यू 12 ग्राम से कम हो जाती है या फिर जो हमारा हीमेटोक्रिट है वो 37% से कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति में खून की कमी माना जाता है। अब बात करते हैं हम मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम यानी कि MCV। तो ये क्या होता है, जो हमारी RBC होती है उसका जो साइज़ होता है, तो हम इसमें वो देखते हैं कि हमारा RBC का साइज़ कितना है, कम हुआ है या फिर बढ़ा है। तो यदि हमारा RBC का साइज़ बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं मैक्रोसिटिक, यानी कि हमें एनीमिया है जो कि विटामिन B12 की कमी से हुआ है और फोलेट की कमी से हुआ है। और यदि हमारा RBC कम हो जाता है तो उसे भी हम एनीमिया कहते हैं, लेकिन इस कंडीशन में एनीमिया होता है माइक्रोसिटिक और ये आयरन की कमी से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन
रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ यानी कि RDW। देखिए इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम RBC की शेप देखते हैं जो कि जनरली कॉनवेक्स शेप होती है, इस तरह की होती है, लेकिन कई कंडीशन में इसकी शेप खराब हो जाती है, जैसे कि पर्निशियस एनीमिया में जो हमारी RBC होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसके कारण उसकी शेप खराब हो जाती है। तो इसके द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं। हम RBC देख चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल की। तो हमारे ब्लड में कितना WBC है ये भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि WBC या व्हाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी में बाहर से रोगाणु आ रहे हैं उनसे ये लड़ते हैं। तो जान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी कितनी होती है और किस कंडीशन में ये बढ़ जाता है। तो यहाँ पे है वाइट ब्लड सेल डिफरेंशियल। तो देखिए वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो 5 तरह की होती हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसोनोफिल एंड बेसोफिल। तो इन सभी के अलग अलग काम होते हैं तो हम जान लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। तो देखिए टोटल WBC का 70% होती है और इनका काम होता है बैक्टीरिया से लड़ना, यानी कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से लड़ना। अब हम जान लेते हैं कि हमारी बॉडी में कब बढ़ती है और कब घटती है। तो देखिए जब भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। तो जब भी आप रिपोर्ट देखेंगे आपको न्यूट्रोफिल बढ़ी हुई मिलेगी तो आप उसे कहेंगे न्यूट्रोफिलिया। इसके अलावा ये कई कंडीशन में कम भी हो जाती है, यदि हमें कोई वायरल इन्फेक्शन होता है या फिर ऑटो इम्यून डिसीज होती है तो इनकी संख्या कम हो जाती है, या फिर कीमोथेरेपी के बाद भी इनकी संख्या कम हो जाती है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रोपिनिया। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट की। क्योंकि लिम्फोसाइट जब भी हमारी बॉडी में कोई एक्यूट इन्फेक्शन होता है, तो यहाँ पर एक्यूट का मतलब है ऐसा कोई इन्फेक्शन जो कि हमारी बॉडी में हाल फिलहाल में हुआ हो, तो हमारे लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं और इसके बढ़ने को हम कहते हैं लिम्फोसाइटोसिस, या फिर वायरल हेपेटाइटिस में भी इनकी संख्या बढ़ जाती है। अब बात करते हैं मोनोसाइट की। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है जैसे कि TB, तो हमारी मोनोसाइट बढ़ जाती है, यानी कि लिम्फोसाइट एक्यूट इन्फेक्शन में बढ़ते हैं, ऐसा कोई इन्फेक्शन जो कि हाल फिलहाल में हुआ हो, जबकि मोनोसाइट ऐसे इन्फेक्शन में बढ़ते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से हो, जैसे कि TB, और इसके बढ़ने को हम कहते हैं मोनोसाइटोसिस। तो बात करते हैं WBC की फोर्थ सेल इसनोफिल। देखिए जब भी हमारी बॉडी में कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन, अस्थमा या फिर एलर्जिक रिएक्शन होती है तो हमारा इसनोफिल बढ़ जाता है। तो जब भी किसी को एलर्जी होगी तो उसका इसनोफिल बढ़ा हुआ मिलेगा। और लास्ट है बेसोफिल। तो बेसोफिल जो है वो हमारे बोन मैरो से संबंधित है। जब भी हमारे बोन मैरो से संबंधित कोई बीमारी होती है तो हमारा बेसोफिल बढ़ जाता है, जैसे कि ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा। तो यहाँ पर हमारा WBC भी ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर आखिरी सेल बची हैं प्लेटलेट्स। तो इनका काम क्या होता है, देखिए ये ब्लड को जमाने में हेल्प करती हैं। आपने देखा होगा जब भी किसी के कट लग जाता है तो उसका खून बहने लगता है, लेकिन वो कुछ देर बाद जम जाता है, तो वो इसी के कारण होता है, यानी कि प्लेटलेट्स खून को जमाने में हेल्प करती हैं। यदि ये कम हो जाएंगी तो खून नहीं जम पाएगा और लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी। इनकी नॉर्मल वैल्यू 1.5 से 4 लाख होती है, तो ये कुछ कंडीशन में कम हो जाती है और कुछ कंडीशन में बढ़ जाती है, तो वही हम जान लेते हैं। और देखिए जब भी आप CBC कराएंगे तो आपको ब्लड की सेल्स में थोड़ा बहुत चेंज मिल सकता है जो कि नॉर्मल है, आपको ऐसी कंडीशन में बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, लेकिन यदि आपको बहुत चेंज देखने को मिलते हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ऐसी कुछ कंडीशन हमने यहाँ पे ली है जब आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। तो ये सभी हैं क्रिटिकल लेवल ऑफ CBC। नंबर 1 है यहाँ पर, यदि किसी का हीमोग्लोबिन 5 से कम हो जाता है या फिर 20 से ज़्यादा हो जाता है तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसके अलावा हीमेटोक्रिट यदि 15 से कम हो जाता है या फिर 60 से ज़्यादा हो जाता है तो ये भी एक क्रिटिकल कंडीशन है। WBC की वैल्यू यदि 500 से कम हो जाती है या फिर 50,000 से ज़्यादा हो जाती है तो ये भी डेंजरस कंडीशन होती है। एंड लास्ट है यहाँ पे प्लेटलेट्स, यदि इसकी वैल्यू 50,000 से कम हो जाती है या फिर 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो ये भी एक क्रिटिकल कंडीशन है। और देखिए आखिरी में हमने आपको यहाँ पर जो ब्लड की सेल्स होती हैं उनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती हैं वो भी दे दी है, आपको इन्हें भी एक बार देख लेना है। तो यहाँ पर 2 तरह की यूनिट दी हुई है, कन्वेंशनल एंड SI यूनिट, लेकिन आपको केवल कन्वेंशनल को ही कंसीडर करना है क्योंकि आपको रिपोर्ट पर यही यूनिट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर RBC, हीमोग्लोबिन, हीमेटोक्रिट, MCV, MCH, MCHC, WBC, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसनोफिल, बेसोफिल एंड प्लेटलेट, सभी की नॉर्मल वैल्यू दी हुई है, आप इन्हें देख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आगे भी इस तरह की कई सारी वीडियोस लाने वाले हैं। और यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स और जेल्स के बारे में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जितने भी टाइप्स की क्रीम्स आती हैं, जो भी डर्मल क्रीम होती हैं या फेयरनेस क्रीम्स होती हैं या एंटीबायोटिक या एंटीफंगल क्रीम्स होती हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे बीटाडीन के बारे में। तो बीटाडीन एक एंटीसेप्टिक क्रीम है जिसका यूज जलने, चोट लगने या स्किन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या माइनर कट लग जाना, वहाँ पर इसका यूज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं।
यहाँ जलने पर लगा सकते हैं, या खरोंच किसी टाइप की आ जाती है स्किन पर तो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, या माइनर कट में इसका यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटनोबेट एन और बेटनोबेट सी के बारे में। तो यहाँ पर एन और सी का क्या मतलब होता है? एन का मतलब होता है देखिए नियोमाइसिन, और सी का मतलब होता है क्लियोक्विनोल। नियोमाइसिन जो है एक एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है, जबकि क्लियोक्विनोल जो है एक एंटी फंगल मेडिसिन है। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही केसेस में हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बीटा मेथासोन दोनों ही केसेस में दिखाई पड़ रहा है। मतलब क्या हुआ कि दोनों में ही बीटा मेथासोन है, अगर एन आ जाता है तो यहाँ पर नियोमाइसिन एक एक्स्ट्रा मेडिसिन ऐड हो जाती है, और सी आ जाता है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मेडिसिन क्लियोक्विनोल ऐड हो जाती है। ओके, तो इसका यूज देखिए कहाँ पर करेंगे, इसका यूज एंटी फंगल में भी यूज कर सकते हैं और एंटी बैक्टीरियल में भी इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोरियासिस। सोरियासिस मतलब के देखिए अगर यहाँ पर स्किन में पपड़ी थी जम जाती है तो इसको हम सोरियासिस कहते हैं। ओके, तो ये सोरियासिस का केस हो गया, तो सोरियासिस में इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा एक्जिमा, एक्जिमा मतलब के दाँत खाज और खुजली, और इंसेक्ट बाइट में इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं देखिए दाद बन गए हैं, जिसको हम एक्जिमा के नाम से भी जानते हैं, या रिंग बॉम भी इसको बोल देते हैं। दूसरा सोरियासिस और इंसेक्ट बाइट के केस में इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम क्वाड्री डर्म क्रीम के बारे में। तो मेडिसिन में किसी भी टर्म के आगे अगर डर्म शब्द आ जाता है तो उसका मतलब होता है वो स्किन से रिलेटेड है। तो यहाँ भी देखिए ये क्वाड्री डर्म क्रीम स्किन से रिलेटेड है, तो कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है, इसका यूज होता है रिंग बॉम। रिंग बॉम मतलब कि सर्कल में दाग बन जाते हैं इस टाइप के, तो यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा फंगल इन्फेक्शन, किसी भी टाइप का देखिए फंगल अगर इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे ओमनी जेल के बारे में। तो ओमनी जेल का यूज जॉइंट्स पेन मतलब के जोड़ों में दर्द और मस्कुलो स्केल्टल पेन में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं मस्कुलो स्केल्टल पेन ये है, और जबकि देखिए यहाँ पर है जॉइंट्स पेन मतलब के जोड़ों का दर्द, तो यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम बोरोलिन क्रीम की। तो ये एक एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम होती है, जब जो कि एक मॉइस्चराइजेशन स्किन को प्रोवाइड करती है, जैसे लिप्स के बीच में दरार होना और स्किन रफ होना, यहाँ पर इसका यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं स्किन में देखिए यहाँ रफनेस आ जाती है या लिप्स में दरार पड़ जाती है, तो यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम केला ड्रिल के बारे में, जो कि स्किन सूथिंग सॉल्यूशन होता है, ये लोशन के फॉर्म में आता है। इसका यूज देखिए कहाँ पर करना होता है, अगर स्किन में किसी टाइप की एलर्जी हो जाती है, या स्किन जो है सन बर्न हो जाती है, मतलब कि धूप के कारण देखिए स्किन ऐसे बर्न हो जाती है, तो यहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लुलिकोना जोल क्रीम के बारे में। अगर देखिए किसी भी मेडिसिन के अंत में अगर जोल शब्द आ जाता है तो उसका मतलब होता है ये एंटी फंगल मेडिसिन होती है, तो यहाँ पर भी देखिए लुलिकोना जोल में जोल शब्द आ गया है, इसका मतलब ये फंगल इन्फेक्शन में काम करेगी, जैसे कि एथलीट्स फुट। अब ये एथलीट फुट क्या होता है, जैसे कि पाँव के बीच की उंगलियों में अगर ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम एथलीट फुट के नाम से जानते हैं। ओके, दूसरा देखिए यहाँ पर रिंग बॉम में भी ये काम करती है, जैसे कि यहाँ पर दाद बन जाते हैं सर्कल फॉर्म में, अगर दाद बन जाते हैं तो यहाँ पर भी इसका यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ बात करेंगे हम लोमिला क्रीम के बारे में। तो लोमिला क्रीम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, लोमिला क्रीम का यूज़ मिलास्मा के केस में किया जाता है। अब ये मिलास्मा क्या होता है, जैसे देखिए प्रेगनेंसी के कारण जो हार्मोनल चेंज होते हैं उसके कारण स्किन पर डार्क स्पॉट हो जाते हैं, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए डार्क स्पॉट हो गए हैं, तो यहाँ पर इसको रिमूव करने के लिए लोमिला क्रीम का यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम बर्नोल क्रीम के बारे में। तो बर्नोल क्रीम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, देखिए इसका यूज़ जलने में किया जाता है, अगर कोई 1 डिग्री या 2 डिग्री के फॉर्म में जला है तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री 1 क्या होता है, जैसे कि हम स्किन का कट सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर स्किन की लेयर है, पहली लेयर है देखिए इपीडर्मिस, इपी मतलब होता है ऊपर और हाइपो मतलब होता है नीचे। देखिए डर्मिस की अगर ऊपर वाली लेयर को क्या बोलेंगे इपीडर्मिस, और डर्मिस के नीचे वाली लेयर को क्या बोलेंगे हाइपोडर्मिस। अगर देखिए अगर जलन इपीडर्मिस तक हुई है तो इसको हम 1st degree 1 बोलेंगे, अगर देखिए जलना डर्मिस और इपीडर्मिस दोनों में जलन हुई है तो यहाँ पर हम 2nd degree 1 बोलेंगे, अगर देखिए तीनों लेयर जल गई हैं जैसे कि इपीडर्मिस डर्मिस और हाइपोडर्मिस तो यहाँ पर देखिए हम जलन देख पा रहे हैं तो इसको हम 3rd degree 1 बोलेंगे। तो देखिए इसका यूज़ जो है 1st degree और 2nd degree 1 में किया जाता है।
अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम हेड एंड सब क्रीम के बारे में। तो इसका यूज देखिए कहाँ पर किया जाता है। इसका यूज बबासीर मतलब के पाइल्स, या इसको हम हीमोरॉइड्स के नाम से भी जानते हैं, या एनल फिस्टुला में इसका यूज किया जाता है। अब ये पाइल्स क्या होता है या हीमोरॉइड्स क्या होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये हीमोरॉइड्स है। यहाँ पर बैंड जो है देखिए स्वेल हो गई है और इन्फ्लेम हो गई है। अब जैसे ही देखिए यहाँ पर प्रेशर लगता है तो ये जो है रैप्चर कर जाती है और यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दूसरा आता है एनल फिस्टुला जिसको हम भगंदर के नाम से जानते हैं। तो एनल फिस्टुला में देखिए ये जो है एनल कैनाल, ये गुदा का रास्ता होता है। अगर इसके अलावा कोई और रास्ता बन जाता है तो उसको हम देखिए एनल फिस्टुला के नाम से जानते हैं। अब यहां पर डिस्कस करेंगे हम कैंडिड बी क्रीम के बारे में। तो देखिए कहीं पर भी अगर कैंडिड शब्द आ जाए तो उसका मतलब होता है उसका यूज फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है। तो कैंडिड बी का यूज कहां पर करेंगे, फंगल इन्फेक्शन में किया जाएगा, जैसे कि एथलीट फुट में इसका यूज करेंगे या रिंग बॉम में इसका यूज कर सकते हैं, मतलब के दांत बन जाना। इस टाइप के सर्कल फॉर्म में अगर दांत बन जाते हैं तो इसको हम रिंग बॉम के नाम से जानते हैं। और एथलीट फुट जैसे कि पांव की जो घाई होती है इसमें अगर देखिए फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम एथलीट फुट के नाम से जानते हैं। ओके, अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम रिजोल क्रीम के बारे में। तो यहाँ पर देखिए रिजोल में जो होता है क्लोट्राइमाजोल क्रीम होती है। जैसे ही हम जानते हैं जहाँ पर भी जोल शब्द आ जाता है उसका मतलब होता है ये फंगस में यूज होने वाली क्रीम होती है। तो यहाँ पर देखिए फंगल इन्फेक्शन या रिंग बॉम या एक्जिमा मतलब कि दांत खाद खुजली में इसका यूज किया जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो रखा है और यहाँ पर देखिए दांत हो रखे हैं जो सर्किल फॉर्म में है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रिंग बॉम बोल देते हैं। तो इसका यूज यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट और निकोटिनामाइड जेल के बारे में। तो इसका यूज पिंपल्स मतलब के दाने और एक्ने मतलब के मुहासों में इसका यूज किया जा सकता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम सोफ्रामाइसिन क्रीम के बारे में। जैसे कि हम बता चुके हैं अगर माइसिन जहाँ पर भी टर्म आ जाता है उसका मतलब ये होता है ये एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक क्रीम होती है। तो इसका यूज़ देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब कि जैसे कि घाव हो जाता है कहीं पर या जल जाता है या कहीं पर माइनर कट लग जाता है तो वहाँ पर इसका यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जल गया है ये, यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, या कहीं खरोंच आ जाती है ये माइनर तक कट लग जाता है तो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोबेट क्रीम के बारे में। तो लोबेट क्रीम का यूज़ देखिए कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज स्किन रैशेस मतलब के स्किन पे इस टाइप के चकते पड़ जाते हैं और खुजली में इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि हम एक्जिमा इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्किन पे कहीं रैशेस पड़ जाते हैं मतलब कि चकते पड़ जाते हैं या खुजली जैसे दांत खाद खुजली जिसको हम एक्जिमा के नाम से जानते हैं इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम बेंजोइल परोक्साइड जेल के बारे में, जिसका यूज़ हम पिंपल्स मतलब के दाने और एक्ने मतलब के मुहासों में यूज़ इसका कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम परमिथ्रिन क्रीम के बारे में। तो ये 5% वेट बाई वेट क्रीम होती है। ओके, तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज़ माइट के काटने और स्किन पर किसी टाइप की खुजली हो जाने पर इसका यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम मीडर्मा क्रीम के बारे में। तो देखिए इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज़ फेस या बॉडी पर किसी टाइप के काले धब्बे पड़ जाना या निशान पड़ जाने में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर फेस पर इस टाइप के निशान पड़ जाते हैं तो इसका यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम इचगार्ड के बारे में। तो इचगार्ड का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज़ फंगल इन्फेक्शन जैसे कि एथलीट फुट या दांत मतलब कि रिंग बॉम और स्किन पपड़ीदार हो जाना वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। इसे कि ये रिंग बॉम मतलब कि दांत जो है सर्कल में बन जाते हैं तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है, या एथलीट फुट मतलब कि जो पैर की घाई होती है इसमें अगर फंगल का इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम टैक्रोलिमस ऑइंटमेंट के बारे में। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज़ स्किन पर खुजली हो जाना या स्किन जो है खुजाते खुजाते लाल पड़ जाती है या सूज जाती है तो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम मूव के बारे में। तो मूव का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज़ जॉइंट्स पेन या मस्कुलो स्केलेटल पेन्स में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है जॉइंट्स पेन मतलब कि आर्थराइटिस में इसका यूज़ किया जा सकता है। ओके, या मस्कुलो स्केलेटल पेन में किसी टाइप का दर्द होता है यहाँ बॉडी में तो इसका यूज़ किया जा सकता है।
अब यहाँ पर बात करेंगे हम टोनोडर्म क्रीम के बारे में। तो टोनोडर्म क्रीम का यूज बैक्टीरियल या फंगस इन्फेक्शन में किया जाता है। इसका यूज स्किन रेडनेस में किया जाता है। स्किन इस टाइप की देखिए रेड पड़ जाती है या रिंग बॉम मतलब कि यहाँ से दांत बन जाते हैं ओके, या एथलीट फुट में इसका यूज किया जाता है मतलब कि पाँव के जो बीच में जो उंगलियों के बीच में जो जगह होती है अगर यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम एथलीट फुट के नाम से जानते हैं, या हम इसका यूज खुजली में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम सेलिटर ऑइंटमेंट के बारे में। तो सेलिटर ऑइंटमेंट का यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज सोरियासिस। सोरियासिस क्या होता है मतलब कि जो स्किन के ऊपर की जो लेयर होती है जो पपड़ी के रूप में हटने लगती है इसको हम जो बोलते हैं सोरियासिस बोल देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं देखिए सोरियासिस का केस होता है ओके। तो इसका यूज यहाँ पर सोरियासिस में किया जाता है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम एक्नेसिया क्रीम के बारे में। तो एक्नेसिया क्रीम का यूज़ कहाँ पर करते हैं, एक्नेसिया क्रीम का यूज़ इंसेक्ट बाइट के केस में किया जाता है, जैसे कि कहीं पर इंसेक्ट काट लेता है तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम डिक्लोफेनेक जेल के बारे में। तो डिक्लोफेनेक जेल का यूज़ आर्थराइटिस पेन मतलब कि जोड़ों के दर्द में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं देखिए जोड़ों के दर्द में या मस्कुलो स्केलेटल पेन में इसका यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम स्किन लाइट क्रीम के बारे में। तो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज मिलास्मा मतलब कि इस पर स्किन पर काले धब्बे पड़ जाना, बर्न स्पॉट मतलब कि जले के निशान या डार्क स्पॉट में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं देखिए ये मिलास्मा का केस होता है, यहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है। यहाँ स्किन पर देखिए डार्क स्पॉट हो गए हैं और देखिए बर्न स्पॉट में भी इसका यूज किया जा सकता है, इसको रिमूव करने के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट के बारे में। तो सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट का यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज मुहासे, मुहासे मतलब एक्ने में इसका यूज किया जाता है, और सोरियासिस, सोरियासिस जैसे कि स्किन की जो ऊपर की पपड़ी होती है उसको हटने लगती है उसको हम सोरियासिस कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये सोरियासिस का केस है, यहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है, या स्किन बार्ड्स मतलब स्किन पे जो मस्से हो जाते हैं उसमें जो है इसको रिमूव करने में इसका यूज किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्यूट एब्डोमेन के बारे में, यानी कि हम जानेंगे पेट में दर्द के क्या क्या कारण होते हैं और पेट के कौन कौन से हिस्से में दर्द हो सकता है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेट में दर्द के कई सारे कारण होते हैं और कई बार हमें इसमें इमरजेंसी की ज़रूरत भी होती है, जैसे कि अपेंडिसाइटिस के केस में। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो पेट में दर्द हो रहा है उसका कारण क्या है और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए मेडिकल प्रैक्टिस में इसे समझने के लिए हम पेट को 9 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें पहला पार्ट यहाँ पर है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, सेवन्थ, एट्थ एंड नाइन्थ। तो आपको जानना जरूरी है कि इनमें कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, तो वो भी हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए जो हमने पेट को 9 पार्ट में डिवाइड किया था उसे मेडिकल लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप जब भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर कोई और टेस्ट कराते हैं तो आपको यही नाम देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसका पहला पार्ट है RUQ, यानी कि राइट अपर क्वाड्रेंट, या फिर हम इसे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर बीच में है, यानी कि ऊपर बीच में है एपिगैस्ट्रिक रीजन, देन इधर है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, इसे हम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है। इसके बाद नीचे है यानी कि इस साइड में, इसे हम कहते हैं राइट फ्लैंक, फ्लैंक यहाँ पर हमारी किडनी पाई जाती है। तो आपने सुना होगा कई बार फ्लैंक पेन, तो जब भी फ्लैंक पेन कहा जाता है तो हमारा दर्द इसी जगह बताया जाता है, यानी कि इसे हम फ्लैंक पेन भी कहते हैं। इसके बाद बीच में है यहाँ पर अम्बिलिकल, अम्बिलिकल मींस हमारी अम्बिकल कॉर्ड या फिर हमारी नाभि, तो हमारी नाभि जिस रीजन में पाई जाती है उसे हम कहते हैं अम्बिलिकल रीजन। इसके बाद इस तरफ है लेफ्ट फ्लैंक, यानी कि बाई तरफ का फ्लैंक। अब आते हैं नीचे, तो नीचे भी इसके तीन पार्ट हैं, इधर वाले पार्ट को कहते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट, इधर वाले पार्ट को कहते हैं लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, एंड नीचे वाले पार्ट को यानी कि बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं सुप्रा प्यूबिक, यानी कि हमारे प्यूबिक रीजन के जो ऊपर पाया जाता है उसे हम कहते हैं सुप्रा प्यूबिक रीजन। तो इस तरह से आप इसे पहचान पाएंगे यानी कि कौन सा रीजन कहां पर होता है। अब हम जान लेते हैं कि कौन से रीजन में कौन सा ऑर्गन पाया जाता है जिससे आप दर्द को पहचान पाएंगे। देखिए हमारे पेट का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इसमें पाया जाता है ईसोफेगस यानी कि खाने की नली। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो इसी नली से हमारे स्टमक में आ जाता है, तो ये हमारा स्टमक है जिसे कि हम पेट भी कहते हैं, और ये फूला हुआ पार्ट होता है, इसमें हमारा खाना आकर कुछ देर रुकता है। इसके बाद यह खाना हमारी छोटी आंत में आता है। तो छोटी आंत कहाँ है, ये हमारी छोटी आंत है जो बीच में आप देख पा रहे हैं,
ये हमारी छोटी आंत होती है, ये पतली होती है इसलिए इसे हम छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत के बाद हमारा खाना बड़ी आंत में आता है, तो ये चारों तरफ जो है ये हमारी बड़ी आंत है। इसमें इसके तीन पार्ट होते हैं, सिक्कम, कोलन एंड रेक्टम। तो ये लास्ट में होता है रेक्टम, जहाँ से हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। इसके अलावा हमारे पेट में कुछ ग्लैंड भी पाई जाती हैं जो कि खाने को पचाने में हेल्प करती हैं, जैसे कि हमारा लीवर। ये हमारा लीवर है जो कि हमारे राइट साइड में पाया जाता है, यानी कि हमारे दाईं तरफ पाया जाता है। लीवर के ठीक नीचे हमारा गाल ब्लैडर पाया जाता है, जहाँ पर हमारा बाइल स्टोर होता है। देखिए, हमारे पेट में ग्लैंड्स कुछ इस तरह से पाई जाती है। हमारे लीवर के नीचे गाल ब्लैडर पाया जाता है, इसे हम पित्त की थैली भी कहते हैं। और हमारी पित्त की थैली से एक नली निकलती है जो कि हमारी आंत में आती है, यानी कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, और यहाँ पर बाइल का सिक्रेशन करती है, यानी कि जो इसमें पित्त बनता है उसे यहाँ पर छोड़ देती है, जो कि हमारे फैट का डाइजेशन करता है। इसके अलावा यहाँ पर पैंक्रियास पाया जाता है, ये कुछ एंजाइम रिलीज करता है जो कि हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। और हमारी किडनी पेट के पीछे पाई जाती है, इसलिए इनका दर्द ज़्यादातर हमारे पीठ में ही महसूस होता है। इसके अलावा हमारे पेशाब की नली भी हमारी रीढ़ की हड्डी के पीछे ही पाई जाती है। तो हमने अपने पेट को 9 पार्ट में डिवाइड किया था, अब हम जान लेते हैं कि हमारे कौन से रीजन में कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, उसी के आधार पर आप दर्द को पहचान पाएंगे, यानी कि दर्द किस वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट था राइट अपर क्वाड्रेंट, इसमें हमारा लीवर आता है, यानी कि इसमें हमारा लीवर होता है, हमारा गाल ब्लैडर होता है और हमारा बिलियरी सिस्टम होता है, यानी कि हमारे लीवर और गाल ब्लैडर की नलिकाएं होती हैं। देखिए, आपने देखा था हमारा लीवर काफ़ी बड़ा होता है जो कि हमारे मिडिल पोर्शन तक आता है, यानी कि यहाँ तक आता है, इसलिए हमारे मिडिल पोर्शन यानी कि एपिक गैस्ट्रिक रीजन में लीवर को भी रखा जाएगा। यहाँ पर हमारा लीवर, स्टमक यानी कि हमारा पेट और हमारे पैंक्रियास को रखा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट की, तो इसमें हमारा स्टमक आता है। तो आप जानते हैं हमारा पेट भी काफ़ी बड़ा होता है जो कि हमारे लेफ्ट साइड तक आता है। इसके अलावा हमारा पैंक्रियास भी इसमें आता है और स्प्लिन। तो स्प्लिन एक थैली होती है जहाँ पर जब हमारी आरबीसी बूढ़ी हो जाती है तो यहीं पर आकर डिस्ट्रॉय होती है और यहाँ पर हमारी एंटीबॉडीज़ भी बनती हैं। अब आते हैं बीच वाले हिस्से में, तो यहाँ पर भी तीन पार्ट होते हैं। देखिए, आप जानते हैं कोलन। कोलन क्या है? कोलन हमारी बड़ी आंत का एक पार्ट होता है जो कि हमारे पूरे पेट को कवर करती है, यानी कि इस तरह से पाई जाती है। इसलिए हमारी कोलन को हम यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, इस तरफ भी रखेंगे, इस तरफ भी रखेंगे और यहाँ भी रखा जाएगा। तो यहाँ पर है, ये हमारा राइट फ्लैंक रीजन है, इसमें हमारे कोलन पाई जाएगी, हमारी छोटी आंत और हमारी दाईं तरफ की किडनी यहाँ पर पाई जाती है। और बीच वाले रीजन में, तो इसे हम कहते हैं अम्बिलिकल रीजन, यानी कि हमारी नाभि वाला रीजन, इसमें हमारी कोलन, हमारी छोटी आंत और हमारा एओर्टा पाया जाता है। देन इधर आता है कोलन, छोटी आंत और बाईं तरफ की किडनी। अब हम बात करते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट की, इसमें हमारा अपेंडिक्स पाया जाता है, कोलन पाई जाती है और फीमेल्स में ओवरी पाई जाती है। देखिए, फीमेल्स में दोनों तरफ ओवरी पाई जाती है, यानी कि इस तरफ भी ओवरी पाई जाती है और इस तरफ भी ओवरी पाई जाती है। ये है बीच वाला हिस्सा, तो इसे हम कहते हैं सुप्रा प्यूबिक रीजन, इसमें हमारा यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली पाई जाती है और फीमेल्स में यूट्रस यानी कि बच्चेदानी यहाँ पर पाई जाती है। और ये है हमारा लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, इसमें कोलन और ओवरी पाई जाती है। अब हम जान लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, यानी कि कौन से रीजन में आपको कौन सी बीमारी की वजह से दर्द हो सकता है। तो पहले हम पेट के अपर रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, हम जान लेते हैं कि आपको यहाँ पर किस वजह से दर्द हो सकता है। तो देखिए, ये सबसे ऊपर है यहाँ पर राइट अपर क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर लीवर पाया जाता है। तो लीवर में यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस, तो आपको यहाँ पर हेपेटाइटिस की वजह से दर्द हो सकता है। इसके अलावा हेपेटिक एब्सेस यानी कि लीवर में कोई छाला हो जाना, कोलेस्टाइटिस, इसका मतलब होता है इन्फेक्शन इन सिस्टिक डक्ट, यानी कि जो हमारी नली होती है जो लीवर से निकलती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे हम कोलेस्टाइटिस कहते हैं। देन यहाँ पर है कोलेंजाइटिस, इसका मतलब होता है इन्फेक्शन ऑफ बिलियरी सिस्टम। एंड यहाँ पर है गॉलस्टोन, यानी कि हमारी पित्त की थैली में पथरी हो जाना, तो यहाँ पर आपको इन वजह से दर्द हो सकता है। अब आते हैं हम बीच में, यानी कि एपिक गैस्ट्रिक रीजन में। ये हमारा एपिक गैस्ट्रिक रीजन है जिसमें हमारा पेट पा जाता है, ये हमारी नाभि के ऊपर होता है। तो यहाँ पर आपको गैस्ट्राइटिस यानी कि पेट में इन्फेक्शन हो जाना, GERD, इसकी फुल फॉर्म होती है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, PUD, पैप्टिक अल्सर डिसीज यानी कि पेट में छाले हो जाना, गैस्ट्रिक परफोरेशन यानी कि पेट में होल यानी कि छेद हो जाना, गैस्ट्रो पैरेसिस, इसका मतलब होता है डायबिटीज़ की एक कॉम्प्लिकेशन, ये एक डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है, इसके कारण भी आपको यहाँ पर दर्द महसूस हो सकता है। एंड पैंक्रियाटिस यानी कि पैंक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाना। देखिए, जहाँ भी आपको देखने को मिलता है आइटिस, तो इसका मतलब है कि इस ऑर्गन में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो चुका है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पर आपने देखा था हमारा पैंक्रियास भी पाया जाता है, पैंक्रियास हमारा कुछ इस तरह से होता है, तो पैंक्रियास में हमें यहाँ पर भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए यहाँ पर भी हमें पैंक्रियास की वजह से दर्द महसूस हो सकता है। और यहाँ पर हमारा स्प्लिन पाया जाता है, तो स्प्लिन में जितनी बीमारी होंगी उन सभी का दर्द हमें यहाँ पर महसूस हो सकता है।
तो अब हम पेट के बीच वाले हिस्से के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर भी तीन रीज़न होते हैं। तो यहाँ पर इसका ये रीज़न है राइट फ्लैंक रीज़न। तो यहाँ पर हमारी किडनी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर यदि किसी को किडनी में पथरी होती है तो उसे यहाँ पर दर्द हो सकता है। इसके अलावा पाइलोनेफ्राइटिस यानी कि किडनी में इन्फेक्शन हो जाना, या फिर कोलाइटिस यानी कि हमारी कोलन में इन्फेक्शन हो जाना, तो आपको यहाँ पर इस वजह से दर्द हो सकता है। देन यहाँ पर बीच वाला हिस्सा है अम्ब्लाइकल रीजन, जहाँ पर हमारी नाभि पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको SBO, इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि हमारी इंटेस्टाइन में कोई रुकावट हो जाती है तो हमें यहाँ पर दर्द हो सकता है। इसके अलावा गैस्ट्रोएंट्राइटिस, मिजेंट्रिक इस्चीमिया यानी कि हमारे पेट में एक आर्टरी पाई जाती है, खून की नली पाई जाती है मिजेंट्रिक आर्टरी, यदि इसमें ब्लड की कमी हो जाती है तो इस वजह से भी हमें यहाँ पर दर्द हो सकता है। या फिर रप्चर्ड AAA की फुल फॉर्म है यहाँ पर एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म। अब आते हैं हम लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट हमारा फ्लैंक रीजन है, यहाँ पर किडनी स्टोन, पाइलोनेफ्राइटिस एंड कोलाइटिस, क्योंकि आप जानते हैं हमारे दोनों साइड में किडनी पाई जाती है, इसलिए दोनों साइड में सेम कंडीशन हो सकती है। अब हम पेट के निचले हिस्से के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ भी हम इसके तीन हिस्से कर लेते हैं। तो ये है राइट लोअर क्वाड्रेंट, इसे हम राइट इलियक रीजन भी कहते हैं। और आप जानते हैं यहाँ पर हमारा अपेंडिक्स पाया जाता है, इसलिए यदि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पर हमें दर्द महसूस होगा, तो उसे हम कहेंगे अपेंडिसाइटिस। इसके अलावा हमारी कोलन भी यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए कोलाइटिस भी हमें हो सकता है। और फीमेल्स में यहाँ पर ओवरी पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पर ओवेरियन टॉर्जन यानी कि ओवरी का घूम जाना, या फिर TOA, इसका मतलब होता है ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस, या फिर ओवेरियन सिस्ट यानी कि ओवरी में कोई गांठ हो जाना, तो ये सभी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद है सुप्रा प्यूबिक रीजन यानी कि हमारे नाभि के नीचे का रीजन। यहाँ पर आपको सिस्टाइटिस यानी कि यूरिनरी ब्लेडर यानी कि पेशाब की थैली में इन्फेक्शन हो जाना, PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन प्रेगनेंसी, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। एंड लास्ट है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर कोलाइटिस आप देख चुके हैं कि कोलन हमारी इन सभी एरिया में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर कोलाइटिस हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर है डायबिटिक कोलाइटिस, तो यहाँ पर हमारा डायबिटिक कोलम पाया जाता है, इसलिए यदि उसमें इन्फेक्शन होता है तो हमें डायबिटिक कोलाइटिस भी हो सकता है। और यहाँ पर साथ में ओवेरियन टॉर्जन TOA और ओवेरियन सिस्ट, क्योंकि यहाँ पर ओवरी पाई जाती है। तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि पेट के कौन से हिस्से में दर्द का कारण क्या है, या फिर वहाँ पर कौन सी डिसीज हो सकती है। और साथ में आपको यह भी जानना जरूरी है कि जो हमें दर्द हो रहा है वो जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर ना होकर कहीं और भी हमें महसूस हो सकता है, जिसे कि हम रेफर्ड पेन कहते हैं। जैसे कि हमें कई बार लीवर का पेन इस एरिया में महसूस होता है यानी कि अपने चेस्ट में महसूस होता है, और हमें अपेंडिसाइटिस का पेन हमारे निचले हिस्से में इस जगह महसूस होता है, और किडनी स्टोन का पेन हमें बीच वाले हिस्से में महसूस होता है। तो इस तरह से हमें यह भी पता होना चाहिए कि रेफर्ड पेन किसे कहते हैं। आज की वीडियो में हम डायबिटीज़ या फिर शुगर के बारे में बात करने वाले हैं। हम बताएंगे कि आपको 7 ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो कि डायबिटीज़ के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। और डायबिटीज़ क्या होता है, उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं, इस पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप पहले उस वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए, वैसे तो डायबिटीज़ के लिए बहुत सारी दवाएं यूज़ की जाती हैं, जैसे कि ग्लिपिजॉइड, ग्लिम्पिप्रॉइड, मेटफॉर्मिन, एकॉर्बिस, लेकिन ये सभी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं, यानी कि आपको डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं मिलती है और आपको ये काफ़ी लंबे समय तक खानी पड़ती हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी दवाएँ बताने वाले हैं जो कि पूरी तरह से नेचुरल है और उनके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं, और आप उन्हें डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो यदि आपकी इस तरह की कोई मेडिसिन चल रही है तो इसके साथ में भी उसे यूज़ कर सकते हैं, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर हमारी पहली मेडिसिन है ग्लाइकोडैप। तो ये डाबर कंपनी की आती है और इसमें नेचुरल हर्ब्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आमरा, करेला, जामुन एंड गुड़मर। तो ये सभी नेचुरल है, इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, और आपको इसकी 2-2 गोली सुबह शाम खानी पड़ती है, और ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन है। देखिए, इसमें जो आमरा एंड करेला पाए जाते हैं ये इंसुलिन सिक्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, जबकि इसमें जो जामुन एंड गुड़मर पाए जाते हैं ये हमारे बीटा सेल को रीजनरेट और उसकी रिपेयर करते हैं, और करेला एंड गुड़मर जो होते हैं ये हमारे ग्लूकोज के अपटेक को एनहांस करते हैं, यानी कि ओवरऑल हमारे शुगर को कंट्रोल में रखते हैं। देन हमारी दूसरी मेडिसिन है डायबेकॉन DS। तो ये हिमालय कंपनी की आती है और इसमें भी कई सारी नेचुरल हर्ब्स पाई जाती हैं, जैसे कि जिमनेबा, पितासरा एंड सिलाजीत, और आपको इसकी 1-1 गोली सुबह शाम लेनी होती है, और ये भी पूरी तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसमें इसके अलावा कई सारे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं।
इसके अलावा इसमें बहुत सारी हर्ब्स पाई जाती हैं, जैसे कि असाना, यष्टि मधु, सप्तरंगी, जम्बू, शतावरी, ये सभी हर्ब्स भी इसमें पाई जाती है, इसलिए ये शुगर के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। देन हमारी तीसरी मेडिसिन है आमरी प्लस, तो ये भी डायबिटीज़ के लिए काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है। इसमें जिमनेवा, एजार्डी रेक्टा, पेट्रोकार्पस जैसी कई सारी हर्ब्स पाई जाती हैं और इसके आपको 2 कैप्सूल सुबह शाम लेने होते हैं और ये भी पूरी तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। देखिए वैसे तो इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, लेकिन इसकी 4 जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो कि शुगर को बहुत ही जल्दी रेगुलेट कर लेती हैं। पहली है जिमनेवा, जो कि हमारे बीटा सेल से इंसुलिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देती है, यानी कि उसे बढ़ा देती है। दूसरा है एजार्डी रेक्टा, ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस यानी कि उसे कम करती है। पेट्रोकार्पस हमारे ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देती हैं, तो इस तरह से ये हमारी शुगर की बीमारी को बहुत ही जल्दी ठीक कर देती है। देन हमारी 4th नंबर की मेडिसिन है मधुमेहरी, तो ये भी काफ़ी पुरानी दवा है। इसे बैद्यनाथ कंपनी द्वारा बनाया जाता है और ये आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाती है। आपको इसके 2 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ में लेने होते हैं और ये भी पूरी तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसमें कई सारी हर्ब्स पाई जाती हैं, तो उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। इस दवा में मेथी, करेला, गिलोय, कुतागी, नीम, कंचनार, गिलोय, जामुन जैसी कई सारी हर्ब्स पाई जाती हैं जो कि हमारे शुगर के लेवल को बहुत ही जल्दी रेगुलेट कर लेती है, तो ये भी शुगर के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है। देन हमारी 5th नंबर की दवा है मधुनाशिनी, इसे पतंजलि कंपनी द्वारा बनाया जाता है और ये भी काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है। इसमें गिलोय, करेला, बेलपत्र जैसे कई सारी हर्ब्स पाई जाती हैं और आपको इसकी 1-1 गोली सुबह शाम लेनी होती है और ये भी पूरी तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इस दवा में जड़ी बूटियों को 2 तरह से यूज़ किया जाता है, एक उसका वेट एक्सट्रैक्ट निकालकर और दूसरा उसे पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर गिलोय, करेला, बेलपत्र, गुड़मार, अरहड़ छोटी, गोखरू, बलजटा, हल्दी, मेथी, कूड़ा छाल, नीम पत्र, अश्वगंधा, बहेड़ा, कालमेघ, कपूर, नीम, आंवला, शिलाजीत, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। और पाउडर फॉर्म में इसमें जामुन, काली जीरी, चिरायता, कुटकी, बबूल, कुचला, अतीस, प्रवाल, भंगवसम एंड लोहबसम, ये सभी पाए जाते हैं। ये हमारे शुगर के लेवल को बहुत ही जल्दी रेगुलेट करते हैं, इसलिए ये भी शुगर की बीमारी के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। इसके बाद है 6th नंबर की दवा R40, तो ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे डॉक्टर रेकवेक कंपनी द्वारा बनाया जाता है और ये एक जर्मन मेडिसिन है, लेकिन आपको इंडिया में आसानी से मिल जाती है। इसमें एसिड फोस, आर्सेनिक एल्बम, लाइकोपोडियम, नाइट्रम सल्फ, फेसिलोस नैनस, सिक्कल कोर एंड यूरेनियम नाइट्रिकम, ये सभी दवाएँ पाई जाती हैं जो कि शुगर की बीमारी को बहुत ही जल्दी ठीक कर देती है। आपको इसकी 15-15 बूंद दिन में 3 बार थोड़े से पानी में मिलाकर लेनी होती है और आपको ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। और यहाँ पर हमारी 7वीं और आखिरी दवा है साइजियम जैम्बुलिनम क्यू, इसे जामुन से बनाया जाता है। आप जानते हैं जामुन शुगर की बीमारी में बहुत ही अच्छा काम करता है, यदि हम इसे पाउडर फॉर्म में लेते हैं तब भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन यहाँ पर इसे एनर्जी फॉर्म में लिया जाता है। देखिए होम्योपैथी में हर मेडिसिन को एनर्जी या फिर पोटेंटाइज फॉर्म में लिया जाता है जिससे वो हमारी बॉडी में बहुत ही अच्छा काम करती है, तो ये भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि आपको क्यू पोटेंसी यानी कि मदर टिंचर पोटेंसी में मिल जाती है और आपको इसकी भी 15-15 बूंदें दिन में 3 बार लेनी होती है। तो यहाँ पर हमने 7 ऐसी दवा के बारे में बात की है जो कि शुगर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं, तो आप इनमें से कोई भी दवा यूज़ कर सकते हैं। और इससे पहले हम यह भी जान चुके हैं कि डायबिटीज़ क्या होती है और डायबिटीज़ को आप कैसे घर पे ही पहचान सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे भी आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक बार इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी नॉलेज अगर आप ले लो तो आज नहीं तो कल फ्यूचर इन फ्यूचर कभी ना कभी इसकी जरूरत ज़रूर पड़ सकती है। तो मेडिसिन का नाम है लुकासामाइड। लुकासामाइड ये किस चीज़ की मेडिसिन होती है, ये किस काम के लिए आती है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है, क्या इसके डोजेज हैं, ये सब आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लुकासामाइड एक एंटी एपिलेप्सी मेडिसिन है। एपिलेप्सी मेडिसिन मतलब का कि ये जो एपिलेप्सी है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ये उसके लिए मेडिसिन है बहुत ही बेस्ट। ठीक है, ये आपको मेडिसिन 50 से लेके 200 mg तक मिल जाएगी, 50 mg, 100 mg, उसके बाद 150 mg में और फिर 200 mg में। ये मेडिसिन आपके मिर्गी के दौरे के लिए काम आएगी जो कि आपके जो नर्व सेल्स हैं, माइंड में जो नर्व सेल्स हैं उनको ये शांत करती है। साथ ही साथ
जो भी हम रिएक्शन करते हैं, हमारे जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो कोई रिएक्शन करती है बॉडी, तो उसको भी एक काउंट डाउन करती है ताकि वो शांत रहे। तो ये मेडिसिन का बहुत ही अच्छा यूज़ है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर हम इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लें तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट बस इतना हो सकता है कि आपको हल्की सी नींद आ सकती है। तो ड्राइविंग से बचें, अगर हल्की नींद आती है तो आप थोड़ी ड्राइविंग ना करें। बाकी आपको इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको ये किसी प्रेग्नेंट वूमेन को देनी हो तो आप इसे दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की कंसल्ट के बाद। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट, यूजेस और डोजेस। अब इसकी यूजेस बात कर लेते हैं कि इसको कैसे लेनी है। एक एक टैबलेट हम इसको सुबह शाम ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी और पहले भी। ज़रूरी नहीं है कि हम इसे पहले ले या बाद ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसे किसी भी टाइम ले सकते हैं, सुबह या शाम। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो में। आपको याद होगा कल मैंने एक गिव अवे निकाला था जिसमें कि हमारे भाई मिस्टर जतिन शर्मा जी NRI उन्होंने गिव अवे जीता था। तो सर कैसा लग रहा आपको गिव अवे जीत के? बहुत अच्छा लगा जी गिव अवे जीत के, और मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ। मेरे को बहुत इंटरेस्टेड वीडियो लगी आपकी, ठीक है। इस वीडियो को आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कहाँ से आए हो सर? मजे आप? मैं अमृतसर से हूँ सर। अमृतसर से आए हो, कहाँ से मिली आपको मेरी वीडियो, कहाँ देखने को मिली आपने? मैं यूट्यूब पे देख रहा था सर उसकी वीडियो आपकी, ठीक है, वहाँ से मिली थी। और एक मेरा फ्रेंड भी था, उसने भी मेरे पास आपकी वीडियो का लिंक सेंड किया था जब आपने वीडियो बनाई थी 500 सब्सक्राइब वाली तब। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलने के बाद। और आप क्या जनता को क्या कहना चाहोगे? अभी हमारे 515 सब्सक्राइबर हुए हैं, और कितना क्या कुछ चाहोगे कहना? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, ठीक है, और जितना हो सब्सक्राइब करके आगे अपना ग्रुप में, अपने फ्रेंड को, सारे सर्कल में शेयर करो, ठीक है। और मैं भी आपको यही इसी कोशिश रहेगी कि अगला गिफ्ट भी मेरा ही हो। तो जैसा कि शर्मा जी का कहना है, हमारा 1000 सब्सक्राइबर पे एक और गिव अवे होगा जिसमें कि हम एनाबॉलिक के दो आपको गिफ्ट देंगे। एक तो अभी इनको दिया है, 1000 सब्सक्राइबर पे दो देंगे आपको एक ही बंदे को, तो वो गिव अवे अभी आपको निकालेंगे। और 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आप सभी को वो देंगे जो भी उनमें जीतेगा। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो शर्मा जी। थैंक यू जी, थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है MRI। एक्चुअली क्या है, MRI सबने कराया है, लेकिन क्या आपको पता है कि MRI होता कैसे है, उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है कि हमारा कुछ ऐसे प्रिंट आता है, ऐसे प्रिंट आता है, तो वो क्या ऐसे स्कैन करता है, क्या हमारी बॉडी रिएक्ट करती है कि हमें MRI की जो रिपोर्ट है कुछ इस तरीके से दिखती है। तो पहले MRI के बारे में जान लेते हैं कि MRI होता क्या है। MRI होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होता है उसको हम MRI बोलते हैं। वैसे हमारा CT स्कैन होता है और MRI होता है, ये दो अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। कहेंगे कि कुछ लोग कि भाई CT स्कैन भी करा लो वो भी सेम है, MRI करा लो वो भी सेम है, तो ठीक है। MRI हम कब कराएंगे? जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन है उसमें कोई दिक्कत आ रही, क्योंकि डॉक्टर क्या है कि हमें देखने से नहीं पता लगेगा कुछ ऐसी चीज़। हमें कैसे पता लगेगा वो? जब हम उसकी MRI या फिर कोई CT स्कैन हम उसका करा लेंगे, या फिर एक जैसे कि मान लेते हैं कोई हमारे ट्यूमर है, हम देख के नहीं बता सकते आपको कि ट्यूमर है, या कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, हम आपको देख के नहीं बता सकते कि कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। हमारे शरीर में ऐसा कोई अनकंट्रोल ग्रोथ होती है जो हमें बाय आइज नहीं दिखती, तो इसके लिए हमें MRI करवाना पड़ता है। अब MRI और CT स्कैन के अंदर का डिफरेंस समझ लेते हैं क्या है। MRI में क्या है कि जो मैग्नेटिक है वो हमारे शरीर के अराउंड घूमेगी, मैग्नेटिक जो हमारे शरीर के अराउंड घूमेगी। और CT स्कैन में क्या होगा कि वो रेडिएशन जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है, रेडिएशन हमारे अराउंड घूमेगी। तो MRI और CT स्कैन में MRI बेस्ट रहता है। अब आगे जान लेते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो बनाता है MRI, जिसकी वजह से हमारे कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। उसके साथ ही जान लेते हैं कि वो कैसे आते हैं। हमारे शरीर में होते हैं प्रोटोन, लेकिन प्रोटोन मान लीजिए प्रोटोन एक ऐसे सीधी लाइन में नहीं होते हमारे शरीर में, वो कहीं कहीं पूरी बॉडी में कहीं कहीं अलग अलग जगह पे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आएंगे, वो एक
लाइन बना लेंगे सीधी, ठीक है, वो एक बिल्कुल सीधी लाइन में आ जाएंगे, जिससे कि हमारे जहाँ जहाँ पे MRI की रेडिएशन आएगी वहाँ पे एक सर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी हमारी, जो कि हमारी प्रोटोन की बनेगी। उससे हमारी कुछ ऐसी इमेजेस बन के आती हैं जिसको कि हम देखने के बाद डॉक्टर है जो वो बताता है कि क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि जैसे कि हम कभी MRI कराने जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, कोई भी हमारे शरीर पे कोई भी मेटेलिक चीज़ है या कोई हमारे हाथ में जैसे नॉर्मली कड़ा है या कोई ब्रेसलेट डाला हुआ है हमने, तो उसको वो रिमूव करवा देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जो उसमें जो प्रोटॉन्स आएंगे, जब हमारे शरीर पे ऑलरेडी एक मेटल की चीज़ है तो प्रोटॉन वहाँ पे डिसबैलेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें एक्यूरेट जो रिपोर्ट है वो नहीं मिल पाएगी। या फिर किसी किसी के शरीर पे टैटूज़ होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो जिनके शरीर पे टैटूज़ हैं उनको भी दिक्कत है। या फिर कभी कभार ऐसा होता है इनकी वजह से रिपोर्ट ठीक नहीं आती, मतलब नॉर्मल एग्जैक्ट रिपोर्ट जो हमें चाहिए वो रिपोर्ट हमें देखने को नहीं मिलती। तो उस दौरान हम क्या करेंगे, उस दौरान एक लिक्विड आता है जिसको हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया बोलते हैं, वो लिक्विड हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है बाय द थ्रू ऑफ इंजेक्शन, जिसको हम कैलेडियम बोलते हैं। उसको डालने के बाद जो हमारे प्रोटॉन है वो बिल्कुल एक लाइन में आ जाएंगे, जिससे हमारी MRI की रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल ठीक आएगी। ये कैलेडियम क्या करता है, हमारी हर वेन्स में जहाँ भी हमारे वेन्स है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वेन्स में, सभी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे प्रोटॉन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी MRI की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आती है। आशा है आपको MRI के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक बार इस नई वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो है अल्कोहल। अल्कोहल पीने के बाद जो बंदे ऊपर मेडिसिन खा लेते हैं, या मेडिसिन खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए, किस मेडिसिन से खाने की आपको क्या आपको दिक्कत हो सकती है आपके शरीर में, ये आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारी जो अल्कोहल है वो सीधा हमारे साइनस पे जाके अटैक करती है। साइनस पे अटैक करने के बाद हमारे में क्या दिक्कत आती है, हमें सोचने में दिक्कत आती है कि सोच विचार नहीं हो पाता अच्छे से, और बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद कोई भी काम करने का मन नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता कि बस रिलैक्स होकर बैठे रहो, शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। इस दौरान अब यहाँ से देखते हैं कि हमें जो है कौन सी मेडिसिन इसमें नहीं खानी चाहिए और उससे हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो एंटी एंग्जाइटी की कोई भी मेडिसिन है आपकी चलती है वो नहीं खानी चाहिए आपको। सेकंड, एंटी डिप्रेसेंट की हमें कोई भी मेडिसिन है वो नहीं खानी चाहिए। एक्चुअल में क्या है, अल्कोहल खुद एक ड्रग है, तो हमें उसके ऊपर दूसरी ड्रग लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम मान लेते हैं लोसार्टन हो गया, सिट्राजिन होगी, कार्बोपेंजिन होगी, मकैलेजिन होगी, ये जो जितनी भी ड्रग्स हैं ये सारी, ये हमारे सीधा माइंड पे, हमारे सीधा दिमाग पे असर करती हैं। ये जितनी भी, सिट्राजिन तो वैसे भी एलर्जी वगैरह के लिए भी है, लेकिन 1% वो हमारे माइंड पे भी अटैक करती है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी अल्कोहल लेने के बाद अगर कोई भी मेडिसिन का प्रयोग करता है, सबसे मेन जो लोग मेडिसिन का यूज़ करते हैं PCM जो है वो सबसे डेंजरस मेडिसिन है। अगर आप अल्कोहल के ऊपर उसे कंज्यूम करते हो तो उससे आपको कोमा में जाने के 99% चांस हो जाते हैं, बहुत खतरा होता है उसमें। तो आपको कोई भी मेडिसिन अल्कोहल के ऊपर ना ले। जैसे कि आपने डायरिया की हमें दिक्कत हो जाती है अल्कोहल पीने के बाद, ठीक है, वो काफ़ी पैचेस जाते हैं, डायरिया की दिक्कत हो जाती है, तो उसमें क्या करते हो, मेट्रिंडाजोल, पेनाडाजोल, ये सभी मेडिसिन उसमें चला देते हैं। लेकिन इनसे बहुत ही ज़्यादा खतरा हो जाता है, क्योंकि ये सीधा हमारे पेट में अल्सर बनाती है, और अल्सर बनाने के बाद सीधा हमारे हेड में दिक्कत, क्योंकि अल्कोहल ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे स्टोमच में। और साथ ही साथ कई लोग की एंटी एमीबिया ड्रग भी चलती है, जो कि आंतों में इन्फेक्शन है उनके लिए होती है। उसमें हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है कि जैसे हमने अल्कोहल के ऊपर एंटी एमीबिया की कोई ड्रग ले ली जो कि हमारी रेगुलरली चल रही है, मुँह पे गर्मी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी शरीर के अंदर, ठीक है, चेहरा लाल हो जाएगा, चक्कर आएंगे, वॉमिटिंग आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अल्कोहल पे अब देखते हैं कि जो लीवर पे इफ़ेक्ट करते हैं वो हम मेडिसिन देखेंगे, क्योंकि अल्कोहल जो है
आप सभी को पता है वो लीवर पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा अल्कोहल लीवर पे अफेक्ट करता है, उसको बिल्कुल कमज़ोर बना देता है, जो हमारा डाइजेशन है या हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको बिल्कुल ख़राब कर देता है। और अगर साथ में आप ऊपर पीसीएम ले लेते हो तो वो जो लीवर पे इफेक्ट डाल रहा है वो 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद कोई पेशेंट अगर कोलेस्ट्रॉल की आपको भी मेडिसिन चली हुई है, तो कोलेस्ट्रॉल की अगर आपकी मेडिसिन है वो भी आप अगर अल्कोहल के ऊपर लेते हो तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देगी। कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन जैसे कि आपके मान लो एटोरवास्टेटिन, रोजावास्टेटिन, या आपकी मेनली क्या है खून को पतला करने के लिए काम आती है, या फिर अगर हम बीपी की भी, हम बीपी के मरीज़ हैं, हमारी बीपी की कोई भी मेडिसिन चल रही है, कोई भी मेडिसिन चल रही है, उसमें से एमलोडिपिन, जो एमलोडिपाइन है वो सबसे डेंजरस मेडिसिन है अल्कोहल के ऊपर अगर आप लोगे तो, क्योंकि वो क्या करेगा हमारे बीपी को एक ही दम डाउन कर देगा और साथ के साथ हमारी जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, उसको इनक्रीज कर देगा, हमारी जो नसें हैं उनको चौड़ा कर देगा, उनको थोड़ा लूज कर देगा। तो इससे क्या होगा, हमारा बीपी एकदम डाउन चला जाएगा और साथ के साथ हमारी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। है कि अल्कोहल पीने के बाद हमारे शरीर में जो वैसोडाइलेशन होता है उसकी वजह से आपको बताया है कि हमारी जो बीपी है वो बिल्कुल लो जाएगा, हार्ट बीट हमारी ऊपर हो जाएगी। उससे हमें क्या खतरा है, उससे हमें ये खतरा है कि हमें टैसीकार्डियो की दिक्कत हो सकती है, चांसेस हैं हमें कि टैसीकार्डियो हो जाए, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और साथ के साथ आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी एक GNN ड्रग होती है, जो कि हमारी नाइट्रोग्लाइसरीन होती है, वो भी हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है अल्कोहल के ऊपर। आइसोसोरवाइड भी नहीं लेनी है हमें, ड्राई नाइट्रेट भी नहीं, मोनोनाइट्रेट भी नहीं, ये कोई से भी मेडिसिन हमें अल्कोहल के ऊपर नहीं लेनी है। या फिर साथ में हमारी जैसे हेपरिन होगी या बाइप्रिन होगी, ये हमारे जो क्या काम करती है, ब्लड को जमने से रोकती है, ये मेडिसिन भी हमें अल्कोहल के ऊपर नहीं लेनी है। या कोई भी ऐसी मेडिसिन जो कि हमारे पेट में अल्सर बनाए, जिससे हमारे पेट में अल्सर होगा, ऐसी कोई भी मेडिसिन हमें नहीं लेनी है। ख़ासतौर पर ध्यान रखें पीसीएम का, पीसीएम तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आशा है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, अगर अभी तक आप इस वीडियो पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में आपको ऐसी ऐसी और भी वीडियो मिलेंगी जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो डिलीवरी डेट है वो हम कैसे निकाल सकते हैं खुद से, कि जो वुमेन की डिलीवरी डेट होगी वो कब होगी। तो जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है, ये आपको पता है, 9 मंथ्स इज इक्वल टू 40 वीक्स। तो हमें ये देखना है कि एक छोटे से एग्जांपल को लेके हम चलते हैं, अगर जो प्रेगनेंसी कंसीव है वो 1 जनवरी 2023, मतलब कि फर्स्ट ऑफ द मंथ कंसीव हो गई है, उसके ठीक 9 मंथ बाद डिलीवरी हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट मंथ में जो उनके लास्ट LMP आएगी वो अराउंड 4 से 5 दिन की होगी। तो नेक्स्ट टाइम हमें जब वो कैलकुलेट करनी है तो 7 डे प्लस 9 मंथ्स, मतलब कि 7 प्लस 9 हमें प्लस में करना है। तो उनकी जो डेट है वो क्या निकलेगी, वो उनकी डेट निकलेगी 8/10/2023, मतलब कि 8 तारीख 10वां महीना और 2023, ये उनकी डिलीवरी की डेट निकलेगी। ऐसी एक, ये तो बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल था, ये कोई से और थोड़े हैवी एग्जांपल के साथ हम इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि उनकी जो प्रेगनेंसी डेट है वो है 10 तारीख 4वां महीना 2023 रैंडमली, तो इनकी जो डिलीवरी डेट होगी वो क्या होगी, 17 तारीख 1वां महीना 2024। तो ये आपका LMP है जिसको कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिलीवरी डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कब डिलीवरी होने वाली है। इसके बाद एक LMP होता है और एक होता है EDD। EDD जो होता है उसको कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर एग्जैक्ट डेट आपको नहीं बता सकता, एग्जैक्ट डेट कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता। या तो 19-20 का फ़र्क होगा, या तो थोड़ा ऊपर होगा या थोड़ा नीचे होगा। थोड़ा ऊपर होगा तो हल्का फुल्का एमरजेंसी के चांसेस होते हैं, लेकिन EDD आपको कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता। LMP क्या है कि आप निकाल सकते हो अपना खुद से कि भाई प्रेगनेंसी की जो आखिरी डेट है, डिलीवरी की आखिरी डेट है वो ये हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे।
आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेग्नेंट वुमेन को कोई भी समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे कि खांसी, जुखाम, बुखार, पेट में दर्द, कब्ज जैसी समस्या, तो उसमें हम उनको कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, कौन सी मेडिसिन देना सेफ है और कौन सी मेडिसिन देना सेफ नहीं है। तो इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे कि मोस्टली क्या होता है कि हम कभी भी ये इस चीज में हम परेशान हो जाते हैं कि भाई प्रेग्नेंट है अगर वुमेन तो हम उसको क्या मेडिसिन दे और क्या ना दे। तो अगर हम सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं तो वो है अगर कहीं भी शरीर में दर्द है, मतलब कि हमें एनाल्जेसिक दवाई देनी है कोई भी, तो हम कौन सी दे सकते हैं वुमेन को, तो वो है कि पैरासीटामोल। हम पैरासीटामोल उनको दे सकते हैं अगर उनको शरीर में कहीं भी दर्द होता है। और अगली समस्या आती है अगर हमें कोई भी वॉमिटिंग जैसी समस्या देखने को मिलती है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, तो हम उन्हें एंटीएमिटीज देंगे। एंटीएमिटी मतलब कि हमें उसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन देनी है, उसमें अंदर हमारी आएगी ओंडिस्टोन की आएगी, डॉक्सिलामाइन की आएगी। उसके बाद अगर प्रेग्नेंट वुमेन को कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या का देखने का मिलता है तो हम उसमें उसको इसबगोल दे सकते हैं, लैक्टुलोज दे सकते हैं और ग्लाइसरीन का सपोजिटरी दे सकते हैं। उसके बाद अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके बीपी हाई, मतलब कि बीपी हाई हो रहा है, तो उसमें हम उनको कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, उसमें हम दे सकते हैं मिथाइल डोपा, निपेडेमाइन और लेबिटोलोल, हम उनको ये मेडिसिन दे सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर प्रेग्नेंट वुमेन को कहीं पे इन्फेक्शन है शरीर में तो हम उसको क्या दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स में, तो हम उसको सिफालेक्सिन दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं और अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं। इसके बाद टॉपिक है कि अगर हम बात कर लेते हैं तो एलर्जी, अगर शरीर में एलर्जी है जैसे कि छींक आना या नाक बहना या जुखाम होना, कोल्ड, इन सभी में अगर हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, तो इन सभी में हम सिट्राजिन दे सकते हैं, लिवोसिट्राजिन दे सकते हैं और लोटाल्टाडीन दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम एंटीफंगल की बात करें कि जो फंगल हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है शरीर में, तो हम उसमें कौन सी टैबलेट देंगे, उसमें हम देंगे एम्फोटेरिसिन बी, ये हम उनका टैबलेट को यूज करवाएंगे। इसके बाद जो टॉपिक है हम उसके बारे में बात कर ले तो वो है एंटी अल्सर, मतलब कि छाले हो जाना, पेट में गैस बन जाना, तो इसमें हम उनको कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, उसमें हम उनको मेडिसिन दे सकते हैं रेंटाडीन और लोनसोपैराजोल, ये हम उनको मेडिसिन यूज दे सकते हैं। उसके बाद हम जैसे कि पेट में मरोड़ हो जाना, ठीक है, उसको हम एंटीस्पास्मोडिक बोलते हैं, तो उसमें हम कौन सी मेडिसिन उनको दे सकते हैं, उनको मेडिसिन दे सकते हैं ड्रोटावीन और दे सकते हैं फ्लोरोग्लाइसरीन। तो ये कुछ समस्या थी जो प्रेग्नेंट वुमन को हमेशा देखने को मिल सकती हैं और मिलती भी हैं, तो हम उनमें इन मेडिसिन को यूज कर सकते हैं जो कि बिल्कुल सेफ है। आप फिर भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इन मेडिसिन को यूज करें। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद।